स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ॐ स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्ति आदित्यासो भवन्तु नः। ॐ विश्वे देवानो अद्यासुस्तये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये देवा अवन्तिर्भवस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। साधुवाद। त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के पंचम शैक्षणिक सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में तीन वक्ता हैं, आचार्य प्रियंवदा जी, प्रोफेसर नीरज शर्मा जी और डॉक्टर सुषमा अलंकार जी। सबसे पहली वक्त्री आचार्य प्रियंवदा जी हैं। हम लोग प्रायः अधिकांश जन जानते हैं आप गुरुकुल नजीबाबाद की आचार्या हैं। प्रियंवदा वेद भारती जी का समस्त शिक्षा दीक्षा आर्ष पार्ष पाठ विधि से हुई है, पाणिनी कन्या विद्यालय वाराणसी से। आप प्रज्ञा देवी जी एवं मेधा देवी जी के सानिध्य में 25 वर्ष तक रहीं। अध्ययन अध्यापन और गुरुकुल की सेवा करने के बाद प्रियंवदा वेद भारती जी ने अपनी अनुजा रितंभरा शास्त्री के साथ मिलकर 14 जुलाई 1996 को महर्षि विदुर तथा महर्षि कण्व की तपस्थली बिजनौर जनपद के नजीबाबाद नगर में गंग नहर के सुरम्य तट पर गुरुकुल आर्ष कन्या विद्यापीठ की स्थापना की। इस गुरुकुल में इस समय लगभग 100 कन्याएं आर्ष पाठ विधि से अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त, दर्शन तथा वेदादि के अध्ययन में संलग्न हैं। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के तत्वाधान में 14 ब्रह्मचारिणियों ने उदात्तादि स्वर सहित संपूर्ण अथर्व वेद को कंठस्थ करके वेद विभूषण की उपाधि प्राप्त कर इस कन्या गुरुकुल का गौरव बढ़ाया है। यहाँ वेद वेदांग के अतिरिक्त अंग्रेजी, विज्ञान, गणित आदि विषय भी पढ़ाए जाते हैं। प्रियंवदा जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं उन या संपादन किए हैं उनमें से संधि विषयः, नामिकः, कारकीयः, सामासिकः, स्त्रैणताद्धितः, ये तो स्वामी दयानंद विरचित वेदांग प्रकाश के अंगों में से हैं। इसके अतिरिक्त आपने पारस्कर गृह सूत्र का जो पंडित धर्मदेव विद्या मार्तंड द्वारा विरचित स्त्रियों राजेश उसको संपादित किया है, डॉक्टर सत्यव्रत राजेश जी की हिंदी व्याख्या सहित, और पंडित धर्मदेव विद्या मार्तंड द्वारा रचित ग्रंथ स्त्रियों का वेदाध्ययन और वैदिक कर्मकांड में अधिकार, इस विषय पर इसका भी संपादन आपने किया है और मैंने भी इसीलिए आपको यही विषय दिया है, महर्षि दयानंद एवं नारी उत्थान। नहीं कौन वाली ये महत्वपूर्ण चीज है। इसमें तो दिख नहीं रही, नहीं होता सर इसमें नहीं। हाँ बात। है, आपने पाणिनीय व्याकरण यज्ञीय मीमांसा पर शोध कार्य किया है और ये एक तरह से पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी की इच्छा का अनुपालन करते हुए ये कार्य किया गया है। ये शोध ग्रंथ मूल संस्कृत और हिंदी व्याख्या सहित प्रकाशित हो चुका है। हिंदी में भी है जी, ना? बहुत धन्यवाद। आइए वहीं से बोलेंगे, इधर से। यस्माद्धृतेन सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्च न सदीनां योगमिन्वति। ॐ मात्वारम्भं न जिव्रयोरारम्भाशवसुस्पते उष्मसित्वा सतस्ता। ॐमिदेरन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतिदिते सरस्वतीमहि विश्रुति एताते अग्ने नामानि देवेभ्यो मासुकृतं ब्रूतात्।
स्वामी दयानंद की 200वीं जन्म शताब्दी के पावन अवसर पर इस पवित्र सभागार में विराजमान इस संस्थान की अध्यक्षा साक्षात सरस्वती स्वरूपा आदरास्पदा अग्रजा भगिनी प्रोफेसर कश्यप प्रभा कुमार जी और इस संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर मेहता जी और ऋषि दयानंद के अनेक ऐतिहासिक जानकारियों को उनकी सूक्ष्मताओं को सबके सामने उद्घाटित करने वाले समस्त विद्वज्जन समादरणीय हमारी समादरणीय सतीर्थ्या बहने और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय समादरणीय डॉक्टर सोमदेव शतांशु जी आप सभी का मैं सादर वंदन करती हूँ। और अपना जो विषय है जो रखा है महर्षि दयानंद का नारी सशक्तिकरण में योगदान, यह विषय हमें आदरणीय बहन जी ने प्रदान किया है। मैंने इसमें लिखने का प्रयास किया, आपके सामने प्रस्तुत है। भारतीय समाज के समुन्नयन हेतु आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिन विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किया उनमें नारी सशक्तिकरण सर्वोपरि है। यद्यपि नारी सशक्तिकरण का प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च सन 1975 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से किया गया और 1985 में इसका प्रथम महिला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी में हुआ, किंतु भारत सरकार द्वारा भी सन 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया जा चुका है और इसी वर्ष महिला सशक्तिकरण की नीति भी पारित की जा चुकी है। अस्तु, सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों? सर्वप्रथम विचारणीय विषय यह है कि जिस भारत भूमि के स्वर्णिम ऐतिह्य में घोषा, अपाला, विश्ववारा, सार्पराजी, सूर्या, सावित्री आदि महिलाएं विश्वामित्र, वामदेव, मधुच्छंदा आदि मंत्र द्रष्टा ऋषियों के सदृश मंत्र दृष्टि हो चुकी हों और जहां भारत भूषण, गार्गी, मैत्रेयी, उभय भारती सदृश तेजस्विनी नारियां जन्म ले चुकी हों, जहां युद्ध विद्या में कुशल महारानी कैकेयी, महारानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती आदि शतशः वीरांगनाओं की शौर्य गाथाएं कण कण में गुंजायमान हो रही हों, उस देश की ब्राह्म क्षात्र तेजस संपन्न नारियां अशक्त तथा अबला कब बनी और कैसे बनी? क्योंकि अशक्तः असशक्तो वा सशक्ति क्रियते यत्र तत् सशक्तिकरणम्। अशक्त को ही सशक्त बनाया जाता है। इस अबलाकरण या अशक्तिकरण के मूल उत्स को जब हमने खोजने का प्रयास किया तो यह श्रीयुत गौड़पादाचार्य के शिष्य द्रविड़ देशोत्पन्न आचार्य शंकर में जाकर परिसमाप्त हुआ, जिनका काल आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व का है। इससे पूर्वकालीन भारत में जब तक वेद तथा वेदानुकूल ग्रंथों का विशेष प्रचार प्रसार रहा, स्त्री पुरुष उभयविध मनुष्यों की शिक्षा समान रूप से होती रही। वैदिक काल में न लिंग भेद था न वर्ण भेद। यदि बालकों का उपनयन वेदारंभ संस्कार पूर्वक वेदाध्ययन करना अनिवार्य था तो कन्याओं का भी विधिवत उपनयन वेदारंभ संस्कार होता था और वे भी वेदाध्ययन करती थी। यदि अग्निहोत्रादि कर्म कांड करने कराने का अधिकार पुरुषों को था तो नारियों को भी अध्वर्यु, होता, उद्घाता, यहाँ तक कि ब्रह्मा बनने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त था, जो कि यज्ञ में सर्वोपरि होता है। अस्तु, व्याकरण ग्रंथों में नारियों की पूर्वकालीन स्थिति का परिचय। व्याकरण क्षेत्र के त्रिमुनि, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन के प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथों में आए उदाहरणों से भी यह प्रमाणित होता है कि नारियां पुरुषों की भांति संपूर्ण वेदादि शास्त्र पढ़ती थी। पाणिनि का काल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल प्रभृति अनेक विद्वानों ने ईसा पूर्व 5वीं शती अर्थात आज से 2500 वर्ष पूर्व माना है और पातंजल महाभाष्य के प्रणेता पतंजलि मौर्य वंश से परवर्ती शुंग वंशी पुष्यमित्र के समकालीन होने से ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी अर्थात 2200 वर्ष पूर्व के माने जाते हैं। इन दोनों ही वैयाकरण मूर्धन्यों ने तथा वार्तिककार आचार्य कात्यायन तथा वृत्तिकार
पंडित जयादित्य वामन आदि ने अपनी रचनाओं में नारी का वेद, वेदांग, मीमांसा, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद तथा कठ कलापादि शाखाओं का अध्ययन, अध्यापन और ब्रह्मचर्य धारण करना स्वीकार किया है। प्रस्तुत हैं व्याकरण के वे कतिपय स्थल। प्रथम, जाते रस्त्री विषयादयो पदार्थ सूत्र में कठी, कलापी, बहुव्रीचि उदाहरण सिद्धांत कौमुदी सहित सभी व्याकरण के ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। ये वैदिक चरणों में अध्ययन करने वाली स्त्रियों की उपाधियां हैं। कठ चरण में अध्ययन करने वाली छात्रा कठी, वैशंपायन के अंतेवासी आचार्य कलापी और ऋग्वेद के बहुव्रीचि चरण में अध्यापनरत छात्रा बहुव्रीचि कहलाती थी। कठ और कलाप यजुर्वेद संबंधी चरण हैं। उंगुतः सूत्र में आयुपदार्थ की अनुवृत्ति का प्रत्युदाहरण है अध्वर्युर ब्राह्मणी। अध्वर्यु का अर्थ टीकाकार अध्वर्यु शाखाध्यायिनी, अध्वर्यु शाखाध्यायी वंशोद्भवा व करते हैं। अध्वर्यु यजुर्वेद का अपर नाम है, आप सभी जानते हैं। अतः इस प्रत्युदाहरण का अर्थ होगा अध्वर्यु शाखा का अध्ययन करने वाली या अध्वर्यु वंश में उत्पन्न होने वाली स्त्री। तृतीय सूत्र है गापोष्टक। इसमें सामगी शक्रगी उदाहरण आते हैं। अर्थ स्पष्ट है कि सामगान करने वाली नारी और शक्र इंद्र के आह्वान हेतु विशेष सामगान करने वाली नारी। ये उदाहरण इस बात के परिचायक हैं कि यज्ञों में महिलाएं सामगान जैसे कठिन कर्मों को भी करती थी। कहा भी गया है कष्टम व्याकरणम कष्टतराणि सामानि। टक प्रत्यय में टकार लगाने का प्रयोजन स्त्रीलिंग में नीप लाकर सामगी शक्रगी बनाना ही है। इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणा मानुक। इस सूत्र में दो वार्तिकें पठित हैं, उपाध्याय मातुलाभ्याम वा और दूसरी वार्तिक है आचार्यात् अणत्वंच। इन वार्तिकों के द्वारा पुंयोग अर्थात उपाध्याय तथा आचार्य की पत्नी को कहने में उपाध्यायी, उपाध्यायानी और आचार्यानी शब्द बनाए गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि जहाँ पुंयोग न हो अर्थात महिला स्वयं अध्ययन कराती हो अथवा आचार्यत्व का निर्वहन करती हो वह उपाध्यायी, उपाध्याया तथा आचार्या कही जाएगी। उपाध्याय और आचार्य का भेद मनुस्मृति में इस प्रकार निर्दिष्ट है, उपनीयतु यह शिष्यम वेदमध्यापयेत् द्विजः सकल्पम सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते एक देशम तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः योध्यापयति वृत्त्यर्थम उपाध्यायः स उच्यते। स्पष्ट है कि उपाध्याय से ऊंचा स्थान आचार्य का है और दोनों ही अपने आप में महनीय पद हैं, क्योंकि वेद वेदांगों का अध्यापन कराने की बात इन पदों के साथ निर्दिष्ट है। अगला सूत्र है पूतकर्तौ रैच। इस स्त्रीलिंग में यह सूत्र स्त्रीलिंग में पूतकर्ताई शब्द की रचना हेतु बनाया गया है। पाणिनिकालीन भारतवर्ष के अनुसार पूतक्रतु उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता था जिसने सोम क्रतुओं के अनुष्ठान अर्थात सोमपान से अपने शरीर और अंतःकरण को पवित्र बनाया हो, उसकी पत्नी पूतकर्ताई कही जाएगी। इस सूत्र की व्याख्या के प्रसंग में कौमुदीकार कहते हैं यम त्रिसूत्री पुंयोगे वैश्यते पूतक्रतो स्त्री पूतकर्ताई ययातु कृतव पूता पूतक्रतुरेव सा। अर्थात पूतक्रतु पुरुष के संबंध मात्र के कारण उसकी पत्नी पूतकर्ताई कही जाए, परंतु जिसने स्वयं क्रतुओं के अनुष्ठान अर्थात सोमपान से अपने शरीर अंतःकरण को पवित्र किया हो वह पूतक्रतु ही कही जाएगी। इन उदाहरणों से स्पष्ट है, आज भी हम देखते हैं कि जो स्वयं में अध्यापिकाएं नहीं है और अध्यापक की पत्नी है तो उनके दूसरे संबोधन पंडितानी बोल देते हैं, पंडित जी के लिए पंडित है और उनकी पत्नी के लिए पंडितानी। लेकिन ये पूत सब पुइयों के कारण ऐसा हो रहा है और जो स्वयं पंडित है उसके लिए बोलेंगे पंडिता, तो वही बात यहाँ पर कही गई है। अगला उदाहरण है, यहाँ पर व्याकरण में वार्तिकें आई हैं। शतषष्ठे शिकंद पथो बहुलम, शतपथी की षष्ठपथी की, ये इस वार्तिक के उदाहरण है। इनके निर्माण के लिए, इन पदों के निर्माण के लिए वार्तिक बनाई गई है। इनका अर्थ है शतपथ ब्राह्मण और षष्ठीपथ ग्रंथ का अध्ययन करने वाली नारी। अगला उदाहरण देखें, काश कृष्णा ब्राह्मणी, काश कृष्णना प्रोक्ता मीमांसा काश कृष्णी, काश कृष्णी मधीते काश कृष्णा ब्राह्मणी। अर्थात
काश कृष्णी आचार्य द्वारा प्रोक्त मीमांसा को पढ़ने वाली ब्राह्मणी काश कृष्णा कही जाएगी। अगला उदाहरण पाणिनिया ब्राह्मणी। प्रोक्तालुक सूत्र में पाणिनिया शब्द बना है, इस सूत्र के पाणिनिया शब्द बनाते समय वृत्तिकार पाणिनिया बनाना नहीं भूलते। वे कहते हैं स्त्रियां स्वरे च विशेषः पाणिनिया ब्राह्मणी थी। अगला उदाहरण देखें औदमेघ्याया छात्राः औदमेघाः। औदमेघ्या महिला की छात्राएं। यह उदाहरण केवल महाभाष्य में ही प्राप्त होता है। आगे स्थंडिले शायिनी स्थंडिले शयितुं व्रतमस्याः सा स्थंडिले शायिनी। स्थंडिले शायी और स्थंडिले शायिनी ये जो संज्ञाएं हैं ये ब्रह्मचारी की हैं, अर्थात जो स्थंडिल जैसा कठोर स्थल पर सोने का जिसका अभ्यास हो उसके विशेष व्रत लेने होते हैं। तो जहाँ पुरुष के लिए स्थंडिलशायी बन रहा है बालक के लिए, वहाँ बालिका के लिए स्थंडिलशायिनी प्रयोग भी बनता है और यह महाभाष्य में ही उदाहरण प्राप्त होता है। पाणिनीय व्याकरण के ये उदाहरण यह प्रमाणित करने में सुतराम समर्थ है कि आज से 2500 या 2200 वर्ष पूर्व नारियों की उच्चतम स्थिति थी। वे व्याकरण मीमांसा ब्राह्मण ग्रंथ वेदादि का निसंकोच अध्ययन करती थी, सामगान करती थी, यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, कल्प शास्त्र उपनिषदों सहित वेदों वेदांगों का अध्यापन भी कराती थी। आचार्यानी ही नहीं आचार्या भी बनती थी, कन्या गुरुकुलों का संचालन भी करती थी। अर्थात तत्कालीन नारी पूर्ण सशक्त सुशिक्षित एवं आत्मनिर्भर थी। अपनी बौद्धिक क्षमता से परिवार समाज तथा राजनीति का कुशल संचालन भी करती थी। दैव दुर्विपाक से आचार्य शंकर के समय इतिहास ने करवट बदलनी प्रारंभ की और इस देश की सबल व सशक्त नारी अबला व अशक्त बनने की ओर अग्रसर हुई। शिक्षा जो कि सशक्तिकरण का प्रमुख साधन है, उससे नारी को आचार्य शंकर द्वारा राजाश्रय प्राप्त होने के कारण बलात् वंचित किया जाने लगा। ऐसा लगता है कि पंडिता उभय भारती देवी से शास्त्रार्थ में पराजित होने के कारण शंकर नारी मात्र के प्रति द्वेष भावना से ग्रस्त हो गए। इसलिए नारी शिक्षा विरोधी अनेक वाक्य श्रुति या वेद के नाम पर इसी काल में गढ़े गए। साथ ही स्त्री धर्म के नाम पर सती प्रथा, देवदासी प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, विधवा विवाह निषेध आदि अमानुषिक कुप्रथाओं को शास्त्रीय आवरण पहनाने के लिए निर्णय सिंधु पाराशरी शीघ्र बोधादि ग्रंथ भी इन्हीं नारी शिक्षा विरोधी वाक्यों की छाया में बनने प्रारंभ हो गए। परिणामतः नारी ही निर्बल नहीं हुई, संपूर्ण राष्ट्र निर्बल हुआ और अंततो गत्वा पराधीन भी हुआ, क्योंकि किसी राष्ट्र को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का सर्वोत्तम उपाय स्त्री शिक्षा ही है। स्त्री शिक्षा का पुनः प्रारंभ। यहाँ यह बताना अप्रासंगिक न होगा कि इतने सुदीर्घ अंधतामिश्र काल के पश्चात नारियों की शिक्षा का कार्य सर्वप्रथम 1820 के आसपास बंगाल, मुंबई और मद्रास में ईसाई मिशनरियों की पत्नियों द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके लिए तीन पद्धतियां अपनाई गई। प्रथम पृथक स्कूल खोलकर, द्वितीय अनाथालय स्थापित कर, तृतीय मध्यम तथा उच्च वर्गों के घरों पर जाकर। स्पष्ट है कि शिक्षित करने के साथ साथ ईसाई मत में शिक्षित करने हेतु ही ईसाई मिशनरियों द्वारा स्त्री शिक्षा आरंभ की गई। उपर्युक्त तीनों पद्धतियों में विशेष प्रगति न देखकर कूटनीतिज्ञ अंग्रेजों ने धार्मिक विषयों में तटस्थता की नीति वाले कन्या विद्यालयों की आवश्यकता अनुभव की। उनमें तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी तथा बैथून के संयुक्त प्रयास को सराहनीय माना गया। बैथून की स्मृति में बने कॉलेज से कादम्बिनी गांगुली पहली महिला स्नातिका बनी। यद्यपि नारी सुधार और उद्धार के क्षेत्र में पंडित राजा राममोहन राय तथा शिक्षा के क्षेत्र में बाबू ज्योतिबा फुले तथा सावित्री बाई फुले और पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि महानुभाव ने बहुत आंदोलन किया, परंतु इन सब प्रयासों के पश्चात भी भारतीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली कन्याओं की संख्या मात्र 6 थी, जो कि कालांतर में 264 संख्या तक ही पहुंच पाई। स्वामी दयानंद का सिंहनाद। ईसाई मिशनरियों और उपर्युक्त अनेक भारतीय समाज सुधारकों के अथक प्रयासों के पश्चात विश्व पटल पर आगमन होता है हर्ष प्रज्ञा के धनी गुरु विरजानंद के अद्भुत शिष्य स्वामी दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने नारी शिक्षा के अवरोधक सभी बिंदुओं पर जमकर प्रहार किया और आज से 2500 वर्ष पूर्व चलने वाली
उस आर्ष शिक्षा प्रणाली को पुनरुज्जीवित करने की बात कही जिसमें आधुनिक ज्ञान विज्ञान शिल्प और कला का पूर्णतः समर्थन किया गया है। अपने कालजयी ग्रंथ सत्यात प्रकाश के तृतीय समुल्लास में महर्षि सिंहनाथ करते हैं कि सब स्त्री और पुरुष अर्थात मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है। स्त्री शूद्रो नाधीयताम इति श्रुति यह वचन किसी प्रामाणिक ग्रंथ का नहीं है। यजुर्वेद में परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं यथे माम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्य अर्थात जैसे मैं सब मनुष्यों के लिए कल्याणी वाणी का उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो। यह कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि स्मृत्यादि ग्रंथों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही वेदों के पढ़ने का अधिकार है स्त्री और शूद्रादि वर्णों का नहीं। इसका उत्तर वेद स्वयं देता है ब्रह्म राजन्याभ्याम ब्राह्मण क्षत्रिय अर्याय वैश्य शूद्राय शूद्र और स्वाय अपने भृत्य व स्त्री आदि अरणाय और अति शूद्रादि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है। ऋषि पुनः लिखते हैं देखो वेदों में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण भी है ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम इसलिए स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिए। इन वैदिक प्रमाणों के पश्चात स्वामी जी ने इतिहास के भी सबल उदाहरण सबल प्रमाण प्रस्तुत किए। तद्यथा देखो आर्यावर्त के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुर्वेद अर्थात युद्ध विद्या भी अच्छी प्रकार जानती थी क्योंकि जो न जानती होती तो कैकेयी आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्यों कर जा सकती और युद्ध कर सकती। दूसरा आगे कहते हैं भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषण रूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदुषी हुई थी यह शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। इसी प्रकार ईश्वर पूना के प्रवचनों में कहते हैं प्राचीन आर्य लोगों में गार्गी मैत्रेयी आदि कैसी कैसी विदुषी स्त्रियां हो गई हैं। आजकल स्त्री को विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं है वह शूद्र के समान है। यदि स्त्रियां पढ़ी लिखी होती तो इन पंडितों की बड़बड़ाहट का खंडन करके एक घड़ी में इनका मुंह बंद कर देती। इसी प्रकार तृतीय प्रवचन में लिखते हैं गार्गी सुलभा मैत्रेयी कात्यायनी आदि बड़ी बड़ी सुशिक्षित स्त्रियां होकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों की शंकाओं का समाधान करती थी। इस प्रकार स्वामी जी अपनी वाणी व लेखनी द्वारा स्त्री शिक्षा के पक्ष में सतत आंदोलन करते रहे। उनके इस आंदोलन से शतशः लोग प्रभावित हुए जिनमें से लाला देवराज जी के प्रबल पुरुषार्थ से विश्व का पहला महाविद्यालय जालंधर में सन 1886 में स्थापित हुआ। यह आज भी भारत का सबसे बड़ा कन्या महाविद्यालय है। इसके बाद तो स्त्री शिक्षा ने एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। प्रायः सभी आर्य समाजों में कन्या पाठशालाएं स्थापित हो गई। स्वामी जी की यह प्रबल इच्छा थी कि जैसे अनेक स्थानों पर बालकों के लिए वेद विद्यालयों की स्थापना की है वैसे ही कन्याएं भी वेद वेदांग पढ़े। इस कार्य के लिए स्वामी जी ने पंडिता रमाबाई जिनकी चर्चा हम प्रातःकाल आदरणीय डॉक्टर वेदपाल जी से सुन रहे थे इस कार्य के लिए स्वामी जी ने पंडिता रमाबाई को मेरठ बुलाया। अपनी आश्रम मर्यादा के विपरीत उन्हें दर्शन उपनिषद और वेद वेदांगों को नियमित पढ़ाने की बात रखी और कुछ पढ़ाया भी जिससे एक बार पुनः भारत में उच्च स्तरीय महिला वेद वेदांग विद्यालय के द्वारा स्त्री शिक्षा का सूत्रपात किया जा सके परंतु दुर्भाग्यवश यह न हो सका। ऋषि निर्वाण के पश्चात आर्यों ने नारी शिक्षा के इस पवित्र अभियान का पर्याप्त विस्तार किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आलिम फाजिल पंडित महेश प्रसाद मौलवी जी की पुत्री कुमारी कल्याणी को वेद की उच्च कक्षा में प्रवेश दिलाने हेतु सार्वदेशिक सभा के तत्कालीन प्रधान पूज्य नारायण स्वामी जी के नेतृत्व में आंदोलन भी करना पड़ा जिसमें पौराणिक कट्टरवादिता के आगे आर्य समाज को आंशिक सफलता ही मिल पाई। यह BHU की बात है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे स्वयं और उन्होंने अपनी पुत्री के लिए प्रयास किया था कि मेरी पुत्री भी वेद से आगे पढ़े तो तब सारा एक बहुत संघर्ष किया गया इसके लिए। इस प्रकार महिलाओं की सामान्य तथा उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु महर्षि दयानंद व आर्य समाज ने अथक प्रयास व संघर्ष किए। परिणाम स्वरूप आज नारियां वेद वेदांग की पंडिताएं हैं कन्या गुरुकुलों की आचार्याएं हैं विश्वविद्यालयों की चांसलर हैं वाइस चांसलर हैं दूसरी ओर राष्ट्रपति हैं उपराष्ट्रपति हैं मुख्यमंत्री हैं लोकसभा स्पीकर हैं तीनों सेनाओं के प्रत्येक विभाग में कार्यरत हैं पायलट हैं SP हैं थानेदार हैं अंतरिक्ष यात्री हैं वैज्ञानिक हैं व पर्वतारोहिणी हैं अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में अपना प्रतिभा पाटव दिखा रही हैं।
किंतु यदि नारी शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अवलोकन करें तो इसका मुख्य श्रेय आर्य समाज तथा महर्षि स्वामी दयानंद को ही जाता है। स्वामी दयानंद और नारी सशक्तिकरण। स्वामी दयानंद का जीवन वृत्त, उपलब्ध प्रवचनों का एकमात्र संग्रह उपदेश मंजरी, सत्याग्रह प्रकाश, संस्कार विधि एवं उनके द्वारा किए यजुर्वेद ऋग्वेद भाष्य के अध्ययन तथा चिंतन मनन से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि 19वीं सदी में नारी का समुचित एवं आद्य सशक्तिकरण महर्षि दयानंद द्वारा ही किया गया। वेदकनिष्ठ स्वामी दयानंद का समस्त चिंतन वेदाधारित था, अतः यह जानना आवश्यक है कि वेद नारी सशक्तिकरण के विषय में क्या कहता है। आधुनिक युग में महिला सशक्तिकरण के 5 प्रमुख घटक माने जाते हैं, जिनमें प्रथम घटक है शिक्षा तथा कौशलाभिवृद्धि का अधिकार। इस प्रथम घटक में शिक्षा की प्रधानता है। वेदों में नारी शिक्षा विषयक अनेक मंत्रों में से एक मंत्र इस प्रकार है, गौरीर्मीमाय सलिलाय तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूषी सहस्राक्षा परमे व्युमन। स्वामी दयानंद इस मंत्र का आदि भौतिक अर्थ इस प्रकार करते हैं कि स्त्री पुरुषों जो एक पदी एक वेद का अभ्यास करने वाली वा द्विपदी दो वेद जिसमें जिसने अभ्यास किए हैं वा चतुष्पदी चार वेदों को पढ़ने वाली वा अष्टापदी चार वेद और चार उपवेदों को की विद्या से युक्त तथा नवपदी चार वेद चार उपवेद और व्याकरण आदि शिक्षा युक्त बभूषी अतिशय करके विद्याओं में प्रसिद्ध होती और सहस्राक्षरा असंख्यात अक्षरों वाली होती हुई परमे सबसे उत्तम व्योमन आकाश के समान व्याप्त निश्चल परमात्मा के निमित्त प्रयत्न करती है और गौरी ही गौर वर्ण युक्त विदुषी स्त्रियों को मीमाय शब्द कराती अर्थात सलिलानी जल के समान निर्मल वचनों को तक्षती छांटती अर्थात अविद्यादि दोषों से अलग करती हुई सा वह संसार के लिए अत्यंत सुख करने वाली होती है। इस वेद मंत्र में स्वामी जी ने सब कुछ डाल दिया है कि महिलाओं को क्या नहीं पढ़ना चाहिए, दो वेद चार वेद उपवेद और आगे और भी जितने भी विद्याएं हैं सब विद्याओं का इसमें निर्देश कर दिया गया है। तो इस मंत्र के आधार पर महिलाओं को वेद वेदांगों के साथ साथ हम प्रथम घटक के साथ इसको मिलाना चाहते हैं, तो यह है कि इस मंत्र के आधार पर महिलाओं को वेद वेदांगों के साथ साथ उपवेदों के अध्ययन करने का भी निर्देश है। अर्थवेद नामक उपवेद शिल्प विद्या का ही अपर पर्याय है। शिल्प विद्या के अंतर्गत पदार्थ गुण विज्ञान क्रिया कौशल नानाविध पदार्थों का निर्माण आदि आते हैं। इसमें सभी को दक्ष होने की आवश्यकता है जिससे परिवार और समाज में सुखों की वृद्धि की जा सके। स्वामी दयानंद नारी के लिए विशेष निर्देश देते हैं, जैसे पुरुषों को व्याकरण धर्म और व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिए, वैसे ही स्त्रियों को भी व्याकरण धर्म वैद्यक गणित तथा शिल्प विद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिए। इसी का आधुनिक नाम कौशलाभिवृद्धि अर्थात नाना प्रकार के कौशलों की अभिवृद्धि है। द्वितीय घटक है सामाजिक तथा पारिवारिक निर्णय लेने का अधिकार। इस द्वितीय घटक में सामाजिक तथा पारिवारिक निर्णय लेने का अधिकार नारियों को दिया जाए यह कहा है। तो वेद कहता है गृहान गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वम विदथमा वदासी, अर्थात पत्नी गृहपत्नी है घर की मालकिन है एवं वशिनी अपने अधिकार पूर्ण शब्दों द्वारा घर के सभी भृत्य बंधु आदि जनों को वश में करने वाली है। वेद का मंत्र आपके सामने रखा गया। इसके अतिरिक्त वेद में यह भी कहा जाये दस्तम, इसका पदच्छेद करेंगे जाया इत अस्तम, इत अव्यय है, जाया माने पत्नी, पत्नी ही घर है। जैसे कहा न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते, मानो इसी से प्रेरणा लेकर के महाभारतकार ने कहा हो, तो जाये दस्तम भी कह रहा है जिसका अर्थ है जाया अर्थात पत्नी ही घर है। यद्यपि गृह के स्वामी पति पत्नी दोनों होते हैं, पुनरपि पत्नी तो प्राण भूता है, रामायण के शब्दों में कहें तो आत्मस्वरूपा है, क्योंकि वहां भगवती सीता जी के लिए कहा गया आत्मा ही दारा सर्वेशाम परिपालयिष्यति मेदिनीम। जिस समय भगवान राम को वनवास हो चुका है और सीता जी का भी निश्चय नहीं हुआ है, लेकिन अयोध्या वासियों में नाना प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं कौन इस अयोध्या के राज्य को संभालेगा, तो सब जाते हैं अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास और वशिष्ठ जी उस समय क्या उत्तर देते हैं, वही उत्तर यहाँ पर है आत्मा ही दारा सर्वेशाम, महिलाएं सब पुरुषों की आत्माएं होती हैं, वनवास हुआ है तो राम को हुआ है, सीता जी पालन करेंगी, चिंता की क्या बात है। अतः वेद के अनुसार घर के सभी निर्णय एक सुशिक्षिता पत्नी
को आगे रखकर ही लिए जाने चाहिए। घर के समान समाज का दायित्व तो भी निश्चय ही नारियों को संभालना चाहिए। समाज में कहां कब क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी रखने पर ही समाज की समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। स्वामी दयानंद वेद के या व्याघ्रम विशुचि को भव वृकम च रक्षति शेनम पतत्रिणम सिंहम क्षेमम पात्वम घसः, इस मंत्र में आए विशुचि का शब्द का अर्थ कुछ इसी प्रकार करते हैं। विशुचि का वैसे एक रोग को कहते हैं हैजे को, लेकिन स्वामी दयानंद की जो अभूतपूर्व उनके अंदर जो वो है शक्ति है उत्पादन की प्रत्युत्पन्न मतिता कह सकते हैं कि विशुचि का अर्थ वो क्या करते हैं, या विविधान अर्थान सूचयति सा, अर्थात विविध अर्थों की सूचना करने हारी। ये राजा का सहयोग करने वाली रानी भी हो सकती है और एक सामान्य नारी भी। समाज की विशेष रूप से स्त्री समाज की समस्याओं का समाधान नारी न्यायाधीश बनकर फली प्रकार कर सकती है। स्वामी दयानंद ने अपने वेद भाष्य में इस बात का संकेत अनेक स्थानों पर किया है, जिनमें एक उदाहरण के रूप में द्रष्टव्य है। जहां शुभ गुण कर्म स्वभाव युक्त राजा पुरुषों का और वैसे ही गुणों वाली रानी स्त्रियों का न्याय और पालन करे, वहां सब काल में विद्या आनंद आयु ऐश्वर्य बढ़ेंगे। इसी प्रकार चिकित्सा आदि क्षेत्रों में जाकर अथवा द्विलोक की दुहिता उषा के समान समाज में व्याप्त अविद्या निराशा द्वेष अविवेक आदि तमो गुणों को हटाकर नारियां आध्यात्मिक चेतना संकल्प उत्साह कर्मण्यता तथा संगठन की अग्नि को प्रज्वलित करके भी समाज का समुचित मार्गदर्शन कर सकती हैं। तभी नारियां वेद के शब्दों में सहस्र स्तुका, यह अथर्ववेद में आया सहस्र स्तुका अर्थात हजार लोगों के द्वारा जो स्तवन के योग्य हो, तो स्वामी जी के अनुसार ये नारी परक लगा दिया गया अर्थात हजार या असंख्य लोगों के द्वारा स्तवन के योग्य कौन है, नारी। वो तभी होगी जब समाज के साथ हो जुड़ेगी और समाज की समस्याओं का समाधान करेगी उनको संतुष्टि प्रदान करेगी। अगला हेडिंग है नारी सशक्तिकरण का तृतीय घटक है नारी के राजनैतिक अधिकार। निस्संदेह नारी को राजनैतिक अधिकार भी दिए जाने चाहिए। वेद कहता है अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, नारी राष्ट्र को धारण और पालन करने वाली है। राष्ट्र का धारण दो प्रकार से किया जा सकता है, प्रथम श्रेष्ठ राजनीति की शिक्षा लेकर स्वयं राज्य का कार्य संभाले अर्थात राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या राज्य आदि पदों में सुशोभित होकर अपने राष्ट्र को सशक्त करें। द्वितीय उपाय है सुयोग्य संतानों को उत्पन्न कर राष्ट्र को धारण करें, तभी तो विवाह संस्कार के लाजा होम प्रक्रिया में वर महोदय कहते हैं यस्याम भूतम समभवत यस्याम विश्वमिदम जगत तामद्य गाथाम गास्यामी यास्त्रीणाम उत्तमम यशः। चौथे घटक की ओर बढ़ते हैं नारी सशक्तिकरण का चौथा घटक है पुरुषों के समान अर्थव्यवस्था में भाग लेने का अधिकार। इस संबंध में वेद का मंत्र है साविट सुविधा मरुद विदस्तु सना संति पुष्यंती नृणम। इस मंत्र में पुष्यंती नृणम ये दो पद ध्यान देने योग्य हैं। इनका अर्थ है नारी धन को पुष्ट करने वाली है अर्थात नारी गृह रूपी कोषागार की कोशिका है कोषाध्यक्षा है। महर्षि मनु ने भी निर्देश दिया है कि व्यय चामुक्त हस्तया अर्थात नारी को व्यय में मुक्त हस्त नहीं होना चाहिए क्योंकि वह आय व्यय की संरक्षिका है। विपत्ति आने पर धन की व्यवस्था हो सके ऐसा प्रयास उसे सतत करना चाहिए। यह तो वही पुरुष द्वारा उपार्जित धन के संरक्षण की व्यवस्था, किंतु आवश्यकता होने पर नारी अर्थ के उपार्जन में भी पुरुष का सहयोग कर सकती है। अन्यथा वेद का निर्देश तो यही है ममेयमस्तु पोष्या अर्थात नारी पुरुष के द्वारा पोषण योग्य है अस्तु। स्त्री सशक्तिकरण का पांचवा घटक है सुरक्षा तथा सम्मान का अधिकार। यह अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। महिलाओं की सुरक्षा का राजकीय प्रबंध हो यह आवश्यक है, किंतु उससे भी अधिक आवश्यक है कि महिलाएं स्वयं को आत्मिक तथा शारीरिक बलयुक्त बनाएं। वेद कहता है नारियों को प्रारंभ से सिंघी शेरनी की भांति तेजस्विनी बनाएं, क्योंकि उन्हें राष्ट्र के लिए दिव्य गुणयुक्त तेजस्विनी संतानें प्रदान करनी है। एक मंत्र द्रष्टव्य है ध्रुवासि धरुणास्त्रता विश्वकर्मणा मात्वा समुद्र उद्वधीन माँ सुपर्णो अव्यथमाना पृथ्वी दृंग अर्थात हे नारी तू ध्रुव है ध्रुव निश्चय वाली है विश्वकर्मा परमेश्वर ने तुझे विद्या वीरता आदि गुणों से आच्छादित किया है। ध्यान रख समुद्र के समान उमड़ने वाला शत्रु समूह तुझे हानि न पहुंचा सके किसी से पीड़ित न होती हुई तो राष्ट्र को सुदृढ़ कर। इस प्रकार वेद नारियों को आत्म सुरक्षा का संदेश पदे पदे दे रहा है। बालिकाओं को शस्त्र संचालन जूडो कराटे तथा ताइक्वांडो आदि का प्रशिक्षण इसी का क्रियात्मक रूप है। रहती है बात नारियों के सम्मान की तो वेद में ऐसे अनेक मंत्र हैं जिन्हें इस संदर्भ में प्रयुक्त किया जा सकता है।
प्रस्तुत है मात्र एक मंत्र, उपो अदर शिशुंधियो न वक्षो नोधा इवा विरक्त प्रयाणी। इस मंत्र के भावार्थ में ऋषिवर लिखते हैं, जो स्त्री अर्थात माता प्रभात वेला के समान व सूर्य के समान विद्वान के समान व विद्वान के समान अपने संतानों को उत्तम शिक्षा से विद्वान करती है, वह सबको सत्कार करने योग्य है। अर्थात जब स्त्री स्वयं मान के योग्य बनेगी तो उसका मान सबको करना ही चाहिए। महर्षि दयानंद तो नारी सम्मान के प्रबल पक्षधर है ही, इसीलिए संस्कार विधि के गृहाश्रम प्रकरण में और सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि मनु के श्लोकों को प्रस्तुत करते हुए वे लिखते हैं, पितृ भी भ्रातृभिश्चैतः पति भी देवरिस्तथा पूज्या भूषितव्याश्च बहु कल्याण मीप्सु भी यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र इतास्तुन पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाह क्रिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में मध्यकाल से चले आ रहे अन्याय और शोषण की शिकार नारी को सबला एवं सशक्त बनाने में स्वामी दयानंद सरस्वती का सर्वातिशायी योगदान है और उनकी इस प्रेरणा के स्रोत हैं वेद और आर्षवांग्मय की सुदीर्घ परंपरा। इतना कहने के बाद मैं एक दो वाक्य और कहना चाहूंगी कि सशक्तिकरण जो चला है वस्तुतः पाश्चात्य देशों से चला है और वहाँ जब प्रारंभ हुआ इन संप्रदायों का बाइबिल आदि के अनुसार तो वहाँ महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, वहाँ महिलाओं को विवाह करने का अधिकार नहीं था, संतान मानी बहुत सारी इस प्रकार की बातें थी, सिन माना जाता, पाप माना जाता था। तो फिर महिलाओं ने ही वहाँ पर इसका ये किया कि नहीं ये सब अधिकार हमें मिलने चाहिए और वहाँ से फिर भारत में भी 2001 में ये बात आई। तो भारत में जब आई तो भारत में भी एक जब हवा आई तो भारत में भी सब पुरुषीकरण होने लगा, स्वच्छंदता की प्रवृत्ति होने लगी। तो हमारा वेद ये नहीं कहता, वेद तो कहता आप मर्यादा में रहो, आप मर्यादा में रहो, स्वच्छंदता उचित नहीं है, स्वतंत्रता ठीक है लेकिन स्वच्छंदता ठीक नहीं है। नद्यस्तु नार्यस्तु सदृक् प्रभावः तुल्य में कुलानि कुलानि तासाम। वह सुंदर एक कवि ने प्रस्तुत किया है कि जैसे नदियों के दो कुल होते हैं, कुल होते हैं और दर दो कुल होते हैं, परिवार होते हैं, केवल ऊ और ऊ का अंतर है। तो वो अपने जब जल बढ़ जाता है तो नदियां जो हैं नदियों के पार टूट जाते हैं, उनसे लोग दूर भागने लग जाते हैं। और इसी प्रकार यदि नारियां स्वच्छंद हो जाती हैं तो वो भी अपने परिवारों की मर्यादाओं को तोड़ करके स्वच्छंद हो जाती हैं, फिर उनका सम्मान नहीं होता है। इसलिए हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और महर्षि दयानंद का सशक्तिकरण भी मानो यही था। और हम महर्षि दयानंद के सशक्तिकरण को ये समझे कि वे नारी को सम्मानजनक स्थान पर स्थापित करना चाहते थे। और ये ठीक है कि बहुत से कार्य ऐसे हैं कि महिला के कार्य में पुरुष हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन पुरुषों के कार्यों में बहुत सारे कार्यों में नारी का हस्तक्षेप होता है और कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर नारी जो है अपनी उपस्थिति के द्वारा उस कार्य को न कर सके। जगत गुरु शंकराचार्य तथा उनके परवर्ती आचार्यों ने इस सत्य को सर्वथा भुला दिया। सहस्राब्दियों पश्चात महर्षि दयानंद ने इस अन्याय को खुली आंखों से देखा। एक प्रकार से स्वामी दयानंद ने नारी को पुनः उस गौरवास्पद स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। और मैं कहना चाहूंगी जैसे काशिकाकार कहते हैं अवर्ण की प्रत्यापत्ति करा दी, ह्रस्वम अवर्णम प्रयोग समृतम और दीर्घ प्लुतयस्तु विवृतत्वम। जो ह्रस्व अवर्ण है वो तो प्रयोग में तो समृत है और दीर्घ प्लुत का विवृतत्व है, लेकिन तयो सावर्ण्य प्रसिद्ध्यर्थम है ना अकार ही विवृता प्रतिज्ञायते। उन दोनों की सवर्णता कैसे होगी, कैसे आकर्षण दीर्घ लगेगा, कैसे कोई सूत्र लगेगा, तो कहते ह्रस्व समृत आ को भी विवृत बना दिया जाए। तो उसकी सवर्णता की प्रसिद्धि के लिए आकार को विवृत बना दिया और फिर कहीं विवृत आकार ही लोक में प्रयोग न होने लग जाए तो कहा अ अ अ के द्वारा उसकी प्रत्यापत्ति कर दी कि फिर से उस स्थान पर आ जाए। अतः प्रयोग के लिए आपको यह स्वीकृति नहीं है कि आप उस विवृत का प्रयोग करें, प्रयोग में तो आप उसको समृत ही बोलेंगे। इसी प्रकार स्वामी दयानंद ने नारी जाति को फिर से उस स्थान पर बिठाया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। विषय बड़ा विचारोत्तेजक है और जरूर बहुत से लोग कुछ कहना चाहते होंगे, लेकिन एक या दो प्रश्न आप जरूर। जी हाँ, मैं कहना चाहूंगा। देखिए, पहले तो बहुत ही बढ़िया उद्बोधन आपका, साधुवाद उसके लिए। संक्षिप्त में दो 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 विचार। 1875 में सत्यार्थ प्रकाश, 1878 तीन साल बाद इंग्लैंड की पहली विमेन्स कॉलेज लेडी मार्गरेट हॉल, उसके एक साल बाद 1879-1879 बेथून कॉलेज जिसकी आपने चले वो आपने किया, उसके सात साल बाद
अपना कन्या विश्वविद्यालय जालंधर। देखिए कितना जल्दी हुआ, और अंग्रेजों की तैयारी कई सौ सालों की थी, सत्यार्थ प्रकाश के बाद में कितनी कम तैयारी के बाद में ये हुआ, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी, अच्छा दूसरा, आपने इतने सारी ऋषिकाओं के ऋषियों की महिला ऋषियों की आपने का उल्लेख किया जी। परोक्ष रूप से आपने अहम राष्ट्रीय ये सगर वो किया, लेकिन बागमबृणी का आपने उल्लेख आपने उनका नहीं किया। देखिए नहीं, बहुत आवश्यक है। नहीं, मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रखना चाहूंगा जो आपको चौंकाएंगी। रुकिए रुकिए, पहले ऋग्वेद में सिर्फ तीन ही ऐसी इकाइयां हैं जो आत्मस्तुति करती हैं, आपको पता है, एक अग्नि, एक इंद्र, और मात्र एक व्यक्ति है जो आत्मस्तुति करती है, वो वाग देवी है। पहली बात। दूसरा, ऋग्वेद जो है आज हमारी चेतना से बाहर है, आम जनता की चेतना से बाहर है। ये तो ये विद्वत जन है यहाँ पे जिन्होंने उन्हें ऋग्वेद की ऋचाओं को अपनी चेतना में सुरक्षित रखा है, वरना ये लुप्त हो गई है। मुश्किल से एक दो कभी सहना भवतु सहना भुनक्तु ये कह देते हैं, या एकम सत ऋचा एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, ये सब एक दो लाइन एक उद्धृत कर देते हैं, लेकिन एकमात्र वैदिक सूक्त है जो आज भी प्रचलित है, वो आप सभी जानते हैं, देवी महात्मा का गायत्री देवी दुर्गा सप्तशती का पहला जो अध्याय है वो है देवी सूक्त, वो बागमबृणी का है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, ये आपको सचमुच में चौंकाएगी, किसी को नहीं पता है और ये आवश्यक है जानना। आपको पता है इसका इस ऋचा का उल्लेख सबसे पहले कहाँ होता है भौतिक रूप में, किसी को पता है? आज से 3400 साल पहले तुर्की में एक जगह है बगासकोई। 1964 में थियम का लेख है जर्नल ऑफ द अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी, उसमें आप जाके देखिए, ये ऋचा जो है इसकी इसकी जो पहली पंक्ति है वो वहां उद्धृत है। बगासकोई का जो इंस्क्रिप्शन है, ये ट्रीटी है मितानी और हिटाइट जो लोग थे उनके बीच में, तो वो हवाला किसका देते हैं, किसको साक्षी बनाते हैं, वो बागमबृणी देवी को बनाते हैं, और वो ही पंक्ति अहम रुद्रे सुभश्चरा अहम राष्ट्री, तो वो सब अहम अश्विनो भा, वो सब वो पंक्ति, ये चार देवता हैं, वो वहां उसी क्रम में उद्धृत है। आप कहीं अमर अकबर एंथनी सुनेंगे तो अमर प्रचलित है, अकबर प्रचलित है, एंथनी प्रचलित है, लेकिन जहां तीन का देखेंगे वो वहीं से आ सकती है। और फिर यदि ये तीन अप्रचलित नाम है और इसी क्रम में आ गए तो दुनिया की और कोई उद्धृत हो ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात, ये एक शांति संधि है, तो शांति संधि में मित्र और वरुण का वो आता है उल्लेख, और ये ही इस ऋचा से आता है। तो आप सोचिए कि ये ऋचा 3400 साल पहले तुर्की पहुंच चुकी थी, और वहां इसको साक्षी मान के एक शांति संधि हुई। और आखिरी बात, मित्तानी और हित्ती जो हैं, मित्तानी का एक और ग्रंथ है, वो बोलते हैं मित्तानी हॉर्स टेक्स्ट, यानी अश्वारोहण या अश्व संचालन की प्रक्रिया, कि घोड़ों की जो ट्रेनिंग है वो किस तरह से हो। तो लिखा तो है मित्तानी उसमें भाषा में, लेकिन उसकी जो शब्दावली है वो सारी संस्कृत की है। तो वो लिखते हैं जैसे घोड़ों को एक चक्कर लगाओ तो बोलते हैं एक वर्तन, दो चक्कर लगाओ तो बोलते हैं द्विवर्तन, दशरथ की कल्पना आती है वहां, ये सब है सारी शब्दावली। वो तो वो वाली बात हुई ना, आज मैकेनिक को हम गाड़ी का मैन्युअल यदि हिंदी में देते हैं तो उसमें कार्बोरेटर को कार्बोरेटर ही बोलते हैं, उसमें टायर को टायर ही बोलते हैं, क्योंकि वो शब्दावली विदेश की है, वो वहां से, क्योंकि मूलतः गाड़ी जो है वो विदेश की उत्पत्ति है, इसलिए जो उसकी जो मूल शब्दावली है उसको अविरत रूप से, उसको अपरिवर्तित रूप से हम लोग हिंदी में ले लेते हैं। तो वो का वो मितानियों ने अश्व संचालन के हिसाब से सारी शब्दावली संस्कृत से ली है,
और ये क्योंकि ये एक शिलालेख है, रेडियो कार्बन डेटिंग इसकी हो सकती है, 1340 BCE की इसकी डेटिंग है। ये मैंने कोशिश की, मैं जा नहीं पाया क्योंकि वो बंद है म्यूजियम इस्तांबुल में, ओरिएंटल म्यूजियम जो है वो भी रिपेयर्स में है, वरना मैं जुलाई में जाके देखना चाह रहा था ये शिलालेख मूलतः वहां पे। तो ये आप देखिए कि महिला का जो वर्चस्व है जी वो यहां तक है कि 3400 साल पहले एक संधि हो रही है, शांति संधि, उसमें हवाला जो है, उसमें जो साक्षी हैं वो हमारी ऋषिका है। धन्यवाद। मेरा निवेदन होगा, बल्लभी वाला जो विश्वविद्यालय की स्थापना एक महिला द्वारा होगी है, तो सबका उससे परिचय हो जाएगा, वो एक बात भी बता दी। अच्छा देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए बहुत हाँ लंबा प्रसंग हो बैठिए जाएगा बैठिए। क्योंकि ये लंबा प्रसंग हो जाएगा, और हमने यहाँ पूरा एक न्याय पे जुलाई में एक वर्कशॉप किया था इसी तरह से, तो उसमें हम लोगों ने न्याय के तो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाया ही था, लेकिन उसके अलावा हमने 3 प्रोफेसर को और आमंत्रित किया था जो कि न्याय से उनका कोई संबंध नहीं है। एक तो है प्रोफेसर श्याम सुंदर जो चेयर प्रोफेसर है येल में मैनेजमेंट के, एक है प्रोफेसर संजय शर्मा जो MIT में डीन है डिजिटल लर्निंग के, चेयर प्रोफेसर है इंजीनियरिंग के, और तीसरे हैं मार्टिन पखनर जो कि वहाँ कंपैरेटिव लिटरेचर के प्रोफेसर चेयर प्रोफेसर हैं और ड्रामा डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, तो उनको भी बुलाया। तो वो सब यहाँ थे, हमने न्याय की चर्चा की कि किस तरह से न्याय के परिप्रेक्ष्य में, न्याय को भारत के परिप्रेक्ष्य में वापस उजागर करना चाहिए, क्योंकि मेरी दृष्टि में जिस जिस कला को या जिस गुण को सहारा लेके हम लोग महान बने वो न्याय ही था, क्योंकि यही गुण जो है मैं देखता हूँ लुप्त हो गया है भारत में, क्रिटिकल थिंकिंग कि सही रूप से कि क्या वांछनीय है और क्या अवांछनीय है, ये है, और अंत में सब कुछ वही आ जाता है कि क्या करने योग्य है क्या त्यजने योग्य है, वो न्याय ही बता सकता है आपको एक तरह से कि दूध का दूध क्या है, पानी का पानी क्या है। मैंने तो वहां पे पूरा 1.5 घंटा 2 घंटा लगा के मैंने ये जो 12 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ उसका पहली बार एक खुलासा दिया एक अविरत रूप से, और उसमें 8 महत्वपूर्ण प्रश्न भारत की ज्ञान परंपरा के बारे में मैंने पूछे कि अपने जो 7 ज्ञान के केंद्र थे, तक्षशिला, नालंदा नालंदा, विक्रमशील, विक्रमशिला नहीं है, विक्रमशील है, उदंतपुरी, जगद्दाल, सोमपुरा और वल्लभी, कि उनका स्वरूप क्या था। तो लगभग 20 अन्वेषण हुए वहां पे, उन सब का आकलन मैंने किया। लेकिन एक चीज जो मुझे पता नहीं थी 2 साल पहले तक, वो ये कि ये जो सारी ज्ञान परंपरा है ये भारत से यूरोप गई, यहाँ से अफगानिस्तान, बल्ख जो महाभारत में और वेद काल में वालिक कहलाता था वहां गई, वहां से गई खुरासान जो जो प्रोविंस है ईरान का, जहां सारी फारसी जो जो उनका जो ग्रंथ परंपरा है, भाषा है, लिटरेचर है, सारा साहित्य उनका वहां खुरासान से चालू होता है, रूमी, हफीज, ये सब खुरासान के हैं। तो वहां जाती है, फिर वहां से जाती है बगदाद, बैतल हिकमा जो होता है उनका जो हाउस ऑफ विजडम, सारा का सारा हिंदुस्तान से गया, वो जो सारे कश्मीरी पंडित थे वो वहां लेके गए, उनका नाम भी और उल्लेख सब आता है, तो वो वहां गए। वहां से जाती है 2 तरफ, एक तो दक्षिण स्पेन अल अंदलुस, वहां से फिर इटली, और दूसरी तरफ जेरूसलम, और वहां से ऑक्सफोर्ड और पेरिस। ये सारा ट्रेस मैं कर पाया हूँ, पूरी पूरी सांप की पूंछ की तरह से खींचता खींचता सब सब उल्लेख है इसके सारे। अच्छा फिर महिलाओं के बारे में आते हैं, लेकिन उसके लिए भी पृष्ठभूमि ये तो था, लेकिन मुझे 8 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ा, उसके लिए 10 साल लगे मुझे समझने में। पहले तो ये मैं अर्थशास्त्री हूं, आर्थिक दृष्टि से देखता हूं चीजों को, तो पहले तो ये देखना होगा कि ये 7 जो केंद्र थे ज्ञान के, उनमें आर्थिक विशेषता क्या थी, क्योंकि कोई भी ज्ञान का केंद्र आप स्थापित करेंगे उसके लिए बहुत कुछ अर्थ की आवश्यकता होती है। कपड़ा तो जहां
आर्थिक वैपुल्य हो वहीं पे इनकी स्थापना होती है। तो पहली बात की क्या खास बात थी इन जगहों में, तक्षशिला क्यों क्यों थी, मैं पूरा एक दिन बिताया मैंने वहां पाकिस्तान में, 200-300 तस्वीरें ली, अद्भुत जगह है वो बिल्कुल, आज भी उसमें उसकी उसकी जो उसका जो स्पंदन है आपको दिखेगा वहां। तो वो सब, पहला तो ये कि इन जगहों में क्या खास बात थी, उसका उत्तर देना था। दूसरी ये भारत में ही क्यों विश्वविद्यालय थे, ऐसी क्या खूबी थी हम में, विश्व ने मतलब ये ईश्वर ने ऐसा क्या हमें ये दान दिया जिसकी वजह से सिर्फ हमारे यहाँ ही विश्वविद्यालय थे, दूसरी जगह क्यों नहीं थे। तीसरा या चौथा प्रश्न कि सारे के सारे बौद्ध क्यों थे, सारे बौद्ध थे, तक्षशिला का पूर्ववर्ती पार्ट का हिस्सा छोड़ दे सारे बौद्ध थे। पांचवा यहाँ पे महिलाओं का वो आता है, एकदम से मैंने देखा कि 5वीं शताब्दी में एकदम से महिलाएं उभर के आती हैं वापस, उसी समय नायिका होती हैं संस्कृत के ग्रंथ ये नाटकों में, उसी समय स्तुतियां होती हैं मार्कंडेय पुराण की देवी महात्मा और ये दुर्गा सप्तशती, उसी समय देवियों की प्रतिमाएं बनती हैं, उसी समय देवियों की देवियों के मंदिर बनते हैं, उसी समय मंदिरों के लिए अनुदान होते हैं, उसी समय महिलाएं जो हैं दान करती हैं संस्थाओं के लिए, उसी समय संस्थाओं की स्थापना करती हैं और उसी समय संस्थाओं का संचालन करती हैं। तो वल्लभी की स्थापना ये रागी दुड्डा ने किया, रागी यानी क्योंकि वो राज पुत्री थी, राजा की बहन थी, उन्होंने स्थापना की 531 ईस्वी में। और वही नहीं, दो और संस्थापिकाओं ने उसके लिए अनुदान दिया, एक का नाम था पूर्ण भट्टा, जो कि आप जर्नलोती या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में देखें तो उसको पूर्ण भट्टा की बजाय पूर्ण भट्ट कर दिया, जबकि संस्कृत जाके देखें तो पूर्ण भट्टा है, महिला है, लेकिन अनुवादक कार ने 1920 में वो वही दृष्टि है ना, वही चश्मा कि महिलाएं तो कर ही नहीं सकती, तो ये पूर्ण भट्टा नहीं है तो पूर्ण भट्ट हो, वो कर दिया उन्होंने। तो ये पांचवा प्रश्न। छठा प्रश्न ये कि सारे के सारे नष्ट क्यों हुए, सारे के सारे लक्षित रूप से नष्ट किए गए तीन उसमें। फिर सातवां प्रश्न कि हम भूल क्यों गए, और आठवां प्रश्न तो क्या। तो ये महिलाओं का था। और आपने जो उद्धरण किया जी, तो उसमें बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही जो मुझे पता नहीं थी कि शंकराचार्य जो है वो पूरी तरह से महिलाओं, शायद कुछ पक्ष रहा होगा महिलाओं के दमन का, जो कि बहुत मतलब मुझे तर्कसंगत बात यूं नहीं लगती, क्योंकि सौंदर्य लहरी और देवी की स्तुति, मातृपंच वो सब है, महिलाओं की स्तुति है, अपनी माता की है और भारती है, तो वो समझ में नहीं आया। लेकिन ये तो पक्की बात है कि तंत्र और देवी स्तुति 5वीं शताब्दी में वापस आ गई थी। तो एक वो अंधकार का काल है 300 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक, ये यहाँ पे महिलाओं की निंदा चालू हो जाती है। लेकिन 5वीं शताब्दी में आके तीनों परंपराओं में, जैन बौद्ध और हिंदू परंपरा में, वापस नारी का सम्मान चालू हो जाता है। और एक तो ऐसा एक परंपरा चलती है उसमें कि ये साबित करते हैं कि महिला पुरुषों से श्रेष्ठ होती है, ये बौद्धों में और हिंदुओं में ये परंपरा है कि बराबरी नहीं श्रेष्ठ। तो ये मैंने सोचा मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं। आपका पेपर, आपकी कॉपी मुझे चाहिए, क्योंकि मैं अपनी किताब में उसका जरूर उद्धरण करना चाहूंगा। माफी चाहता हूँ थोड़ा सा। बहुत अच्छा, आप कल से सुन रहे हैं सबको, तो आपका भी तो वक्तव्य होना जरूरी था, और ये प्रतिक्रिया आपकी बहुत महत्वपूर्ण रही। केवल प्रतिक्रिया नहीं थी, आपने कुछ सूचनाएं दी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सब तक पहुंचनी थी। तो अब हम आगे चलते हैं, हमारे अगले वक्ता हैं प्रोफेसर नीरज शर्मा जी, आप उदयपुर से हैं, उदयपुर में संस्कृत विभाग के आप अध्यक्ष हैं और यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, डीन रह चुके हैं पीजी स्टडी रिसर्च और मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट रह चुके हैं। आपको अनेक सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें से आप महर्षि बादरायण व्यास राष्ट्रपति सम्मान आपको प्राप्त हो चुका है 2013 में, यूजीसी रिसर्च अवार्ड
राजस्थान सरकार का स्कॉलर अवार्ड, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन अवार्ड और अन्य राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के अनेक सम्मान। आपका अनुभव एक अध्यापक के रूप में, शोधार्थी के रूप में, विभागाध्यक्ष के रूप में, शोध निर्देशक के रूप में और लेखक के रूप में भी अनेक क्षेत्रों में आप कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे। अनेक संगोष्ठियों में भाग ले चुके हैं और आपका स्पेशल कंट्रीब्यूशन है कि आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विषयों पर लेख लिखते रहे हैं। आपका जो मुख्य योगदान है, जिस पर आपका पीएचडी भी है, वो है वैदिक एग्रीकल्चर, वैदिक कृषि विज्ञान, नेचुरल फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और मैंने जो आपको विषय दिया, मुझे ये कृषि विज्ञान वाला तो पता नहीं था। मैंने जिस प्रकार से आपको कहा कि महर्षि दयानंद पंजाब में, तो इनको मैंने विषय दिया महर्षि दयानंद राजस्थान में, और आपने पहले ही मुझे पेपर भेज दिया था और मुझे अवसर मिला देखने का, तो बहुत श्रम पूर्वक इन्होंने भी बड़ी दुर्लभ जानकारी संकलित की है। प्रोफेसर नीरज कुमार जी, डिक्टेट कर सकते हैं ये टेक्नोलॉजी की एक सबसे बड़ा फीचर है। अंग्रेजी से ज़्यादा आसान हो गया है। मोबाइल में जाता नहीं, लेकिन मंत्र वगैरह सब मंत्र में से लिखना पड़ेगा उसको। हमारे उसमें तो आदमी को संस्कृत होती है। वो है वो लिख लीजिए टाइप पे एरो फेस ठीक है सर। ओम गणानाहंत्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नूतिभिः सीदसादनम्। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंचस्थ परम श्रद्धेया संस्थान के अधिष्ठात्री प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी, संस्थान के उपाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर मेहता साहब, सम्माननीय कुलपति सोमदेव शतांशु जी, सभी श्रद्धेय आचार्य चरण, बंधुओं भगनियों, मेरा विषय जैसे कि मैडम ने आज्ञा की राजस्थान में महर्षि दयानंद, चूंकि मैं उदयपुर में रहता हूं और उदयपुर में महर्षि दयानंद का लगभग 6.5 महीने प्रवास रहा। सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा संस्करण, उसका परिवर्धन प्रकाशन वहीं रह करके उन्होंने करवाया। श्रद्धेय आचार्य वेदपाल जी ने अपने मार्मिक उद्बोधन में बहुत सारी चीजें इस प्रकार की साझा की, तो मेरा जो वक्तव्य है वो उन्हीं की बात के एक विशेष पक्ष को आगे ले जाने वाला होगा, क्योंकि महर्षि के जीवन के अंतिम 2-3 वर्ष राजस्थान से विशेष संबंध रखते हैं। और जो उनका प्रदेह राजस्थान को है, हम उनके उस अवधि में उसको खोजने का प्रयास करेंगे। दो भाग में ये मेरा इसमें उद्बोधन है, विषय वस्तु को दो भागों में बांटा है। पहला उसमें तथ्यात्मक सूचनाएं हैं,
महर्षि का राजस्थान में आगमन, कहां वो रहे, क्या विशेष काम उस दौरान कुछ हुआ, और दूसरा उनका राजस्थान की राजनीतिक चेतना पर, स्वराज्य की चेतना पर, स्वाधीनता के आंदोलन में क्या भूमिका रही। या ये भी हमें समझना होगा कि जिस समय महर्षि आए उससे पहले 1857 की जो क्रांति थी वो अंग्रेजों के द्वारा उछली जा चुकी थी। राजस्थान के राजे रजवाड़ों में पॉलिटिकल एजेंट और रेजिडेंट आ गए थे। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार बंगाल में होने लगा था, संचार के कुछ साधन भी थे। ऐसे में राजपूताना में स्वामी जी का आगमन क्या प्रभाव लेकर के आया, क्या उनकी विरासत राजस्थान में है, इन सब बातों को हम इस विषय में देखने की कोशिश करेंगे। तो स्वामी जी ने स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वधर्म के स्वाभिमान का शंखनाद किया। उन्होंने सदियों से व्याप्त कुरीतियों से, जड़ताओं से हमें मुक्ति दिलाई। सत्य धर्म की उन्होंने प्रतिष्ठा की और उसके प्रचार प्रसार के लिए वो निरंतर परिव्रजन करते थे, और उसी दौरान वो राजस्थान भी आए। राजपूताने में, राजस्थान में विशेष रूप से तीन स्थानों से स्वामी जी का संबंध रहा। पहला मेवाड़, मेवाड़ में उदयपुर और शाहपुरा दो जगह से स्वामी जी का विशेष संबंध रहा। दूसरा मारवाड़ और तीसरा अजमेर। स्वामी जी के जीवन चरित्र को उन पढ़ने के साथ साथ मैंने उनके पत्रों को भी पढ़ा जो उस अवधि के दौरान उन्होंने लिखे, और वो पत्र मैंने, जो श्रद्धेय वेदपाल जी ने सुबह जिन ग्रंथों की चर्चा की थी उन्हीं ग्रंथों से, धर्मवीर जी का भी मैंने ग्रंथ पढ़ा सर, लेकिन आपके ग्रंथों में जो पूर्वोत्तर पक्ष के साथ जो बातें लिखी गई उससे मुझे इसमें बहुत सहायता मिली है। पहली यात्रा स्वामी जी की हुई 1965-66 में, जब वो करौली से जयपुर, किशनगढ़, पुष्कर और अजमेर होते हुए वापस लौटे थे, वहां उनके उद्बोधन हुए थे। दूसरी यात्रा 1878-79 में हुई, दिल्ली से वो आए थे जयपुर, अजमेर, पुष्कर, मसूदा और नसीराबाद में उनके उद्बोधन हुए। तीसरी यात्रा 1881 में हुई, जब वो जयपुर, अजमेर, बनेड़ा, चित्तौड़ होते हुए मुंबई यात्रा पर निकल रहे थे। चित्तौड़ में कविराज श्यामल दास जो दीवान थे महाराणा सज्जन सिंह के, उन्होंने उनका स्वागत किया था। पहली बार उन्होंने स्वामी जी का वक्तृत्व महाराणा सज्जन सिंह जी ने वहां सुना था, और उन मुंबई से लौटते वक्त उनसे मेवाड़, उदयपुर आने की उन्होंने प्रार्थना की थी। और चतुर्थ यात्रा उनकी 1882-83 में हुई, अगस्त 1882 में वो उदयपुर आए। लगभग 6.5 महीने वो उदयपुर में रहे। सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे संस्करण की भूमिका उन्होंने लिखी और महाराणा को राजधर्म की शिक्षा प्रदान की। 1883 में शाहपुरा गए, और फिर वहीं से वो जोधपुर गए, और जोधपुर में जो कुछ घटित हुआ हम सब जानते हैं, और उसके बाद स्वामी जी अजमेर लौटे जहाँ निर्वाण को प्राप्त हुए। पहली जो यात्रा स्वामी जी की हुई वो सबसे पहले राजस्थान में करौली आए, ग्वालियर आए थे, ग्वालियर से फिर वो करौली आए, और वहाँ कुछ कबीर पंथियों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। फिर गंगापुर होते हुए जयपुर आए, जयपुर में संस्कृत कॉलेज के पंडितों के साथ शास्त्रार्थ हुआ। वहीं वैष्णव मतावलंबी हरिश्चंद्र पंडित को शैव मत में प्रतिष्ठित किया जैसे सुबह बताया था, और अपने हाथों से खूब रुद्राक्ष की मालाएं उन्होंने वहां बांटी, और हाथियों तक को रुद्राक्ष मालाओं से अलंकृत किया जाने लगा। इस प्रकार से जयपुर में शैव धर्म का, शैव संप्रदाय का की वहां प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद स्वामी जी पुष्कर गए, उसके बाद अजमेर आए, और कर्नल ब्रूक से, जैसे आपने सुबह बताया, उन्होंने गो हत्या निषेध के लिए उन्होंने उनको समझाया। उसके बाद स्वामी जी पुनः अपने आचार्य के पास, स्वामी विरजानंद जी के पास में वो वहाँ लौटे वापस। दूसरी जो यात्रा स्वामी जी की रही वो 1878 में राजपूताना में अचरोल के जो ठाकुर थे उनके निमंत्रण पर वो आए थे, लेकिन वो आए जयपुर पहुँचे तो पता लगा कि ठाकुर साहब चले गए हैं, तो सीधे वो अजमेर निकल गए, और फिर वहाँ उन्होंने, वो वहाँ से पुष्कर गए, पुष्कर में गायत्री मंत्र को लेकर के उन्होंने पंडितों को समझाया। उसके बाद अजमेर आए, व्याख्यानों की एक पूरी श्रृंखला हुई, वहीं उन्होंने बाइबल पर 64 आक्षेप लगा करके उसका खंडन किया। फिर अजमेर से मसूदा नसीराबाद गए, वहां से उपदेश करते हुए जयपुर लौटे,
और फिर 1879 में रेवाड़ी होते हुए वापस दिल्ली गए। तीसरी यात्रा स्वामी जी की मार्च 1881 से दिसंबर 1881 के बीच हुई, जहां वो सबसे पहले भरतपुर आए, 10 दिन वहां रुकने के बाद वो जयपुर में आए जहां धर्मसभा की स्थापना हुई। उसके बाद अजमेर आए, गजमल जी के नौरे में 22 व्याख्यान उन्होंने दिए, ईसाई और जैन मतावलंबियों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ, उन्होंने धर्मांतरण का विरोध किया। वहां से वो रायपुर होते हुए मसूदा गए, वहां से बनेड़ा चित्तौड़ होते हुए बॉम्बे जाने वाले थे। वहीं उस समय चित्तौड़ में लॉर्ड रिपन जो है वो चित्तौड़ के महाराणा को, महाराणा मेवाड़ सज्जन सिंह जी को GCSI का अवार्ड देने वाले थे। उस उपलक्ष्य में वहां पर एक बड़ा विशाल दरबार का आयोजन किया गया था, 60,000 लगभग लोग वहां एकत्रित थे। मेवाड़ नरेश सज्जन सिंह जी का विद्या प्रेम, गुणग्राहकता, धर्माभिरुचि, कुलाभिमान, न्यायप्रियता, शासन सुधार, सामाजिक सुधार आदि की प्रशंसा महर्षि ने सुन रखी थी, इसलिए उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार का वहां प्रसार का संकल्प किया। स्वामी जी 26 अक्टूबर 1881 को चित्तौड़ पहुंचे, महाराणा की आज्ञा से श्यामलदास जी ने स्वागत सत्कार किया और बहुत सारे जो वहां के ठिकानेदार ठाकुर थे वो सब स्वामी जी का प्रवचन सुनने वहां आए और बहुत व्यापक अद्भुत प्रभाव स्वामी जी का चित्तौड़ में रहा। सज्जन सिंह जी ने प्रार्थना की तो स्वामी जी ने उनको सहमति दी कि बॉम्बे से आते समय वो जरूर उदयपुर आएंगे। चौथी यात्रा जो है राजस्थान की राजपूतानी की, संकल्प के अनुसार मुंबई से लौटते समय स्वामी जी 10 अगस्त 1882 को उदयपुर आए और सज्जन सिंह जी के गुलाब बाग निवास राजप्रासाद जो नवलखा महल था वहां राज्य अतिथि के रूप में उनका सत्कार हुआ। 11 अगस्त 1882 से 27 फरवरी 1883 तक आप गुलाब बाग के इस महल में उन्होंने निवास किया। महाराणा सज्जन सिंह जी के साथ उनका अद्भुत आत्मीयतापूर्ण संबंध रहा है। राजपूताने में स्वामी दयानंद सरस्वती ने शासक वर्ग और प्रभुत्व प्रभाव संपन्न राजे महाराजाओं, शासकों, सरदारों को वैदिक आर्य जीवन पद्धति और आचरण की शिक्षा प्रदान की। उनका मानना था कि राजा सुधरेंगे तो प्रजा सुधरेगी। प्रतिदिन महाराणा उनका उपदेश सुनने के लिए गुलाबबाग आया करते थे। वैदिक धर्म और संस्कृति की उन्होंने दीक्षा प्रदान की और जनकल्याणकारी उपदेश उन्हें प्रदान किया। बहुत गहरा स्वामी जी का उन पर प्रभाव था। संस्कृत शैली में राजकीय कार्यालयों के नामकरण किए गए, महद राज सभा, शैल कांतार संबंधनी सभा, निज सैन्य सभा, शिल्प सभा आदि, जो राजधर्म की जो चर्चा आज हमने सुनी, रणवीर सिंह जी ने भी जो बातें की वो स्वामी जी ने वहां अप्लाई किया वहां पर। श्रद्धेय वेदपाल जी ने जी सुबह जो चर्चा की उन्होंने पूरी दिनचर्या राजा जी को, महाराणा साहब को बना करके दी और परमेश्वर के अनुग्रह याचना पूर्वक प्रजाजनों के सर्वतोमुखी कल्याण और अभ्युदय के निमित्त राजधर्म के सारे पक्ष, न्याय प्रक्रिया, साक्षी, साहसिक, ऋण दान, सत्य सत्य शोधन, विवाद, निर्णय, दंड, सहिष्णुता, आत्मरक्षा, चेष्टा, ज्ञान, अपक्षपात, मनुस्मृति के 7, 8, 9 अध्यायों के अनुसार व्यवहार, ब्रह्मचर्य पालन, अध्ययन, यश कीर्ति, स्त्री शिक्षा, बाल शिक्षा, सेवा कार्य में राजपुरुषों की नियुक्ति, उनके वेतन, सेवानिवृत्ति परिलाभ, परिवार के योगक्षेम, कृषि कल्याण, गोरक्षा, यज्ञ कर्म आदि अनेक विषयों के विहित आचरण का उन्होंने उपदेश प्रदान किया। यह उपदेश सार्वभौमिक और सार्वकालिक रूप से समस्त शासकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी स्वामी जी में अनन्य श्रद्धा भाव रखते थे। महर्षि के पत्रों से ज्ञात होता है कि मेवाड़ नरेश के अनुशासित समर्पण और आचरण से स्वामी जी अत्यधिक संतुष्ट थे। 19 नवंबर 1882 को उन्होंने बाबू कृपाराम जी को जो पत्र लिखा उसमें लिखते हैं कि उदयपुर के समाचार अतीव प्रशंसनीय है, सुनकर सबको आनंद होगा। श्रीमान आर्य कुल दिवाकर महाराणा जी बहुत योग्य हैं। ये संबोधन देना आर्य कुल दिवाकर महाराणा को स्वामी जी के द्वारा ये रेखांकित करने वाली बात है। उन्होंने हमारे उपदेश के अनुसार अपनी दिनचर्या, राजकार्य और धर्मकृत्य करना आरंभ कर दिया है। प्रातः सायंकाल 7 बजे मेरे पास नित्य प्रति आया करते हैं। कभी कभी रात्रि को मैं शंभू विलास महल चला जाया करता हूँ, जहाँ महाराणा जी का निवास था। प्रातःकाल कुछ योग और राजनीति की शिक्षा होती है और सायंकाल दर्शन शास्त्रों के उपयोगी विषय पढ़ते हैं। उनके साथ बहुत से छोटे भाई और अमात्य वर्ग भी पढ़ते हैं, सब अच्छी बातें हैं। पंडित गौरीशंकर को एक पत्र में स्वामी जी लिखते हैं, उल्लेखनीय बात है, स्वामी जी लिखते हैं, पहले हमको एक कदाचित संदेह था कि जितने राजनीति वेद शास्त्रों के अनुकूल हम जानते हैं सो कदाचित शरीर के साथ ही न जावे, सो
इसका जानना अब सफल हुआ और हमारा चित्त भी संतुष्ट हुआ। यहां श्री दरबार महाराणा जी सब राजनीति को पढ़ते सुनते और आचरण भी यथोचित करते हैं। ये स्वामी जी का कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि स्वामी जी उदयपुर नहीं आते, मेवाड़ नहीं आते, जो उनको शासक वर्ग में राजाओं में महाराणा मेवाड़ के भीतर जो पात्रता उन्होंने पाई, जिस तरह से उन्होंने उसको रेखांकित किया, महाराणा सज्जन सिंह जी का जीवन बहुत छोटा रहा। यदि सज्जन सिंह जी दीर्घायु होते तो शायद भारत में स्वामी दयानंद का और आर्य समाज के इतिहास में कुछ और नए स्वर्णिम अध्याय जुड़ सकते थे। महर्षि ने 4 मार्च 1983 को मुंशी समरदान को जो पत्र लिखा उसमें उदयपुर प्रवास की स्मृतियां जो साझा किए लिखते हैं, जब से हम उदयपुर पहुंचे उसी दिन से बहुत आनंदित रहे। नित्य प्रीति श्रीमान महाशयों की बढ़ती ही गई। जैसा कि राजाओं को सत्य प्रतिज्ञ, पुरुष परीक्षक, गुणज्ञ और स्वगुण दोष को मानने वाले होने चाहिए, वैसे श्रीमान महाशयार्य कुल दिवाकरों को मैंने देखा। बहुत से राजा मुझसे मिले, परंतु जैसी प्रसन्नता मेरी और उदयपुराधीश की परस्पर रही, वह आगे के लिए भी दृढ़ रहेगी, वैसी अन्य से बहुत न्यून संभावना है। संस्कृत के वेदांग प्रकाश आदि का प्रचार राजकीय पाठशाला और चारणों की पाठशाला में कर दिया है। वह जो प्रसिद्ध वह रहस्य राजधर्म, ईश्वर तथा वैदिक धर्म प्रचार और शरीर राजनीति आदि विषयों का उपदेश मैंने किया है, उसका बहुत सा आचरण कर लिया गया है और आगे करने की प्रतिज्ञा भी की है। महर्षि दयानंद ने मेवाड़ में पुलिस का तत्काल निषेध करवाया। कल्याणकारी शासन, समता मूलक सशक्त समाज, स्त्री शिक्षा, वैदिक शिक्षा के प्रचार का कार्य किया। सामाजिक धार्मिक आडंबरों कुरीतियों का शास्त्रानुमोदित खंडन करते हुए सर्वत्र स्वराज, स्वधर्म, स्वाभिमान और स्वदेशी की चेतना का व्यापक जागरण किया। नित्य अग्निहोत्र, गोरक्षा, कृषक और सैनिक कल्याण के लिए भी उन्होंने आचरणीय उपदेश प्रदान किए। मेवाड़ से लौटने के बाद भी स्वामी जी दीवान कृष्ण सिंह जी बारठ, कविवर श्यामलदास आदि सभा पत्र लिखकर महाराणा जी के द्वारा नियमित दिनचर्या और नियमों के अनुपालन के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती रही। वो पत्र लिख के ये पूछते थे कि जो दिनचर्या वो बता के आए हैं महाराणा जी, उसके कितनी अनुपालना भी वो कर रहे हैं। 6.5 महीने बाद जब स्वामी जी उदयपुर से प्रस्थान किए तो हमने उनको पत्र लिखा। वो मानते थे कि उपयोगिता सारे भारत के जागरण में है, उन्हें अधिक समय तक यहाँ रोक करके रखना, लेकिन उनके मन का जो भाव था वो एक अभिनंदन पत्र में उन्होंने राजस्थानी में लिख करके भेजा। जो उसमें मैं उन पंक्तियों को दोहरा देता हूं, 8 मास का निवास चित्त अत्यंत आनंद में रहे हो, क्योंकि आपकी शिक्षा को प्रकार श्रेष्ठ और उन्नतिदायक है और आपका संयोग सो न्याय धर्मादि शारीरिक कार्यों में निसंदेह लाभ प्राप्त होगा कि महासभ्य जना सहित दृढ़ आशा हुई। कारण कि शिक्षा और उपदेश वह श्रेष्ठ महापुरुषों का दृढ़ होवे जो स्वकीय आचरण में प्रतिकूल नहीं राखे। कितनी महत्वपूर्ण बात कही है, जो स्वयं आचरण करें उसी की शिक्षा प्रदान करें। स्वामी जी उस युग में, उस समय में, उस कालावधि में एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने ऐसा प्रभाव छोड़ा जैसे वो स्वयं आचरण करते थे, उसी का उपदेश वो करते थे। ये बात उन्होंने अभिनंदन पत्र में लिख करके भेजी। जब स्वामी जी का निर्वाण हुआ तो महाराणा सज्जन सिंह जी स्वयं कवि भी थे, उन्होंने ये पंक्तियां लिख करके भेजी। वो कहते हैं कि जाके जीह जोरते प्रपंच फिलासफिन को, अस्त सो समस्त आर्य मंडल में मान्यो में, वेद के विरुद्ध मत, मत के कुबुंधि मत, भद्र मद्र आदिन पे सिंह अनुमान्यो में, ज्ञाता षट ग्रंथन को, वेद को प्रणेता जेता, आर्य विद्या अर्क हु को अस्ताचल जान्यो में, स्वामी दयानंद जू के विष्णु पद प्राप्त होते, पारिजात कोसो आज पतन प्रमाण्यो में। जिस प्रकार से पारिजात का वृक्ष, कल्प वृक्ष, स्वर्ग लोक में वैकुंठ में कल्प वृक्ष जिस तरह से गिर गया, ऐसे आज समस्त आर्य मंडल की कामनाओं को पूरा करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला आलोक स्तंभ कल्पद्रुम आज गिर गया है। इस प्रकार का भाव महाराणा मेवाड़ ने स्वामी जी के लिए प्रेषित किया। मेवाड़ में, उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई। परोपकारिणी सभा का स्वरूप पहले बन चुका था, लेकिन उसका जो अंतिम स्वरूप जो आज तक चल रहा है, उसकी रूपरेखा परोपकारिणी सभा की, वो उदयपुर में बनी।
उसमें उस समय परोपकारिणी सभा का मेरठ में गठन हुआ और उसका पुनर्गठन 27 फरवरी 86 को उदयपुर में हुआ। महाराणा मेवाड़ की महदराज सभा उदयपुर के समक्ष उनके द्वारा परोपकारिणी सभा का स्वीकार पत्र स्वीकृत अंगीकृत मुद्रांकित किया गया, जिस पर मेद पाटेश्वर महाराणा सज्जन सिंह और महदराज सभा के 13 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। स्वीकार पत्र के अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती ने अंगीकृत नियमानुसार 23 सज्जन आर्य पुरुषों की सभा को अपने वस्त्र पुस्तक धन यंत्रालय सर्वस्व अधिकार परोपकार के निमित्त उन्होंने समर्पित किए। तो परोपकारिणी सभा का चूंकि गठन वहां हुआ और परोपकारिणी सभा के सम्माननीय वेदपाल जी यहां विराजमान है। दूसरा जो उदयपुर में महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के, ये जो कक्ष है नवलखा महल का, इसी में यहीं बैठ करके स्वामी जी ने ये रचना कर्म किया था। 14 समुल्लासों में विभक्त ये महान ग्रंथ यहाँ प्रकाशित हुआ। वर्तमान में नवलखा कल्चरल सेंटर श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास के द्वारा महर्षि के व्यक्तित्व कृतित्व भारतीय संस्कृति और वैदिक संस्कारों के प्रचार प्रसार प्रदर्शनी और विविध गतिविधियों के द्वारा सर्व समाज और युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। डॉक्टर अशोक आर्य वहाँ पर है, पूरे मनोयोग के साथ वो अपने काम में लगे रहते हैं। सत्यार्थ सौरभ नाम की एक पत्रिका भी वहां से नियमित प्रकाशित कर रहे हैं। स्वामी जी उदयपुर से चलकर के शाहपुरा गए, 27 फरवरी 83 को चले और 1 मार्च 83 को वो निम्बाहेड़ा होते हुए चित्तौड़गढ़ आए। चित्तौड़ से वो शाहपुरा में गए। शाहपुराधीश महाराज नाहर सिंह जी के वो अतिथि रहे। उन्होंने नाहर सिंह जी को भी राजधर्म प्रजापालन वैदिक सिद्धांत मनुस्मृति के 7वें 8वें 9वें अध्याय न्याय वैशेषिक दर्शन और व्याकरण का अध्ययन कराया। महाराजा नाहर सिंह जी पर महर्षि की शिक्षाओं का बड़ा व्यापक प्रभाव था। 1893 से ये सर कोई डिजिट गलत हो गया है यहाँ पर, वो परोपकारिणी सभा के अध्यक्ष भी रहे और प्रजापालक राजा की तरह उन्होंने कल्याणकारी कार्य किए। छप्पनिया का जो भीषण अकाल राजस्थान में पड़ा उसकी त्रासदी के दौरान, अब ये महर्षि की विरासत है, उन्होंने जो उपदेश जो शिक्षा नाहर सिंह जी को दी वो इस रूप में क्रियान्वित होती है कि नाहर सिंह जी ने अपने स्वयं के गहने बहुमूल्य रत्नाभूषण गिरवी रख करके कर्जा लेकर के लोक कल्याण के कार्य किए। 2 तालाब 2 सरोवर नाहर सरोवर और उम्मेद सागर उन्होंने शाहपुरा में बनवाए जो अभी भी हैं, सिंचाई के काम आ रहे हैं। ये स्वामी जी की विरासत है जो निरंतर जिससे हम लाभान्वित हो रहे हैं। ये नाहर सिंह जी और ये उम्मेद सागर जो है तालाब उसका दृश्य है। शाहपुरा प्रवास के दौरान ही उनको राव राजा तेज सिंह का निमंत्रण प्राप्त हुआ और महाराज स्वामी जी ने उनको जोधपुर आने के लिए स्वीकृति दे दी। स्वामी जी शाहपुरा से जोधपुर चले गए। जोधपुर के जो महाराज थे जसवंत सिंह जी वो दुर्व्यसनों से ग्रस्त थे। स्वामी जी ने उनसे दुर्व्यसनों से उनको हटाने के लिए भरपूर प्रयास किए और उसी दौरान उस षड्यंत्र में स्वामी जी को जहर दे दिया गया और बाकी कथा हम लोग जानते हैं। जो महत्वपूर्ण पक्ष अजमेर का है, अजमेर में स्वामी जी का प्रवास रहा। 1881 में स्वामी जी आगरा से भरतपुर होते हुए अजमेर आए, सेठ फतेहमल की कोठी में वो रहे। 2 माह के प्रवास में उन्होंने 43 व्याख्यान दिए। इससे पहले अजमेर में आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी। आर्य समाज का व्यापक प्रभाव अजमेर में था। 1882 में मुंशी मुन्ना लाल जी ने वहां से देश हितैषी पत्रिका का प्रकाशन किया। बाल विवाह निषेध विधवा विवाह जैसे मुद्दों पर उन्होंने सामग्री प्रकाशित की। आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान की स्थापना हुई और महर्षि की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा का मुख्यालय भी अजमेर हुआ। स्वामी दयानंद के वेद भाष्य और अन्य ग्रंथों का लेखन और प्रकाशन का कार्य द्रुत गति से यहाँ प्रारंभ हुआ। 1880 में काशी में जो वैदिक यंत्रालय बना वो प्रयाग होता हुआ 1891 में अजमेर शिफ्ट हो गया। समाज सुधार की दृष्टि से अनेक कार्य हुए। आर्य स्त्री समाज विधवा आश्रम पर्दा निवारक मंडल आदि की स्थापना हुई। हरविलास शारदा के नेतृत्व में आर्य समाज अजमेर ने बाल विवाह का विरोध किया और 1929 में उनकी प्रार्थना पर बाल विवाह निषेध कानून जिसे हम शारदा एक्ट कहते हैं वो आया। तो महर्षि दयानंद सरस्वती भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर आधुनिक भारत का निर्माण करने वाले क्रांतिदर्शी मनीषी थे।
उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर भारतीय संस्कृति आधारित शिक्षा पद्धति का विकास किया, जिसमें सभी के लिए शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर मौजूद थे। अजमेर में दयानंद आश्रम, एंग्लो वैदिक पाठशाला, दयानंद विद्यालय महाविद्यालय, आर्यपुत्री पाठशाला, आर्य कन्या पाठशाला, अछूत पाठशाला आदि की स्थापना हुई। ईसाई पादरियों के समकक्ष आर्य समाज के द्वारा वहां संध्याकालीन सत्र आरंभ किए गए, जिनमें हवन, मंत्र पाठ, वैदिक धर्म की शिक्षा वहां प्रदान की जाती थी। कन्याओं को वहां प्रवेश दिया गया। अनेक क्रांतिकारी कार्य अजमेर में हुए। वर्तमान में परोपकारिणी सभा के द्वारा परोपकारी पत्रिका का प्रकाशन, अनेक महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथों और सत्य धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नियमित प्रकाशन वहां से हो रहे हैं। ऋषि मेले का प्रतिवर्ष आयोजन होता है और वेद गोष्ठियों के वहां निरंतर आयोजन होते हैं। ये एक आस्पेक्ट था महर्षि दयानंद का राजस्थान में। ये तथ्यात्मक सारी सूचनाएं हैं। जो चीजें इस दौरान, इस अध्यवसाय के दौरान मुझे पता चली, वो अब यहां मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये सारी चीजें सबको लगभग पता है। महर्षि का जीवन चरित्र हम पढ़ते हैं तो आते हैं। राजस्थान में स्वराज्य क्रांति की चेतना महर्षि दयानंद के द्वारा प्रादुर्भूत हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का यदि पितामह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1857 की क्रांति के बाद जो स्थितियां बनी, उसमें जो राजनीतिक जागृति आई, उसमें स्वामी जी का बड़ा व्यापक योगदान है। पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा मेवाड़ के दीवान हुए। उन्होंने न केवल स्वाधीनता आंदोलन को प्रेरित और प्रभावित किया, वो इंडिया हाउस की भी उन्होंने स्थापना की, जिसके माध्यम से बहुत सारी गतिविधियां हुई, और परोपकारिणी सभा में भी रानाडे जैसे लोग उनके साथ थे जो उनकी चेतना को बहुत आगे कालांतर में लेकर के गए। कांग्रेस की स्थापना से पहले परोपकारिणी सभा की स्थापना हो चुकी थी देश में। तो हम भारतीय स्वाधीनता के इतिहास की जब हम बात करते हैं, तो यदि हम किसी दल विशेष की बात करें या विचार विशेष की बात करें, उससे पहले हमें महर्षि दयानंद की बात करनी होगी, जिनके द्वारा परोपकारिणी सभा और उस परोपकारिणी सभा के जो उद्देश्य थे, जिसका इतना व्यापक प्रभाव भारतीय चेतना पर हुआ, जिसकी परिणति और जिसकी विरासत की आज हम यहां बात कर रहे हैं। उन्होंने जनजागरण का बहुत व्यापक काम किया। समाज, पशुधन, कृषि कल्याण, गो हत्या प्रतिबंधित करने के लिए महारानी विक्टोरिया को लाखों लोगों के हस्ताक्षर करके उन्होंने पत्र भिजवाए। मेवाड़ में कृष्ण सिंह जी बारेठ आदि अनेक सभासद महर्षि के स्वधर्म, स्वराज और स्वाभिमान के विचारों से प्रभावित थे। उनसे वैचारिक प्रेरणा प्राप्त करने वाले कृष्ण सिंह जी बारेठ के पुत्र केसरी सिंह बारेठ राजस्थान के क्रांतिकारियों के शिखर पुरुष बने। नाना शास्त्रों के निष्णात केसरी सिंह जी ने राजसी सुख सुविधाओं को त्याग कर स्वराज के पथ को अंगीकार किया। उन्होंने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध बंगाल की तरह गोपनीय क्रांतिकारी संगठनों की राजस्थान में स्थापना की। केसरी सिंह जी बारेठ के छोटे भाई जोरावर सिंह बारेठ और केसरी सिंह जी के जो पुत्र थे प्रताप सिंह जी बारेठ, वो भी बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। बाल्यावस्था से ही महर्षि दयानंद स्वामी की प्रेरणाओं से राष्ट्रीय चेतना के मार्ग पर वो समारूढ़ हुए। केसरी सिंह जी के छोटे भाई जोरावर सिंह जी ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। केसरी सिंह जी का कहना था कि यदि स्वामी दयानंद नहीं आते तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। केसरी सिंह बारेठ की लिखी कविता चेतावनी राज सुंगटा पढ़ के महाराणा मेवाड़ ने 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में उपस्थित रहने से मना कर दिया था। कितनी बड़ी बात है! उन्होंने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को चुनौती दे दी। जहां सारे राजे राजवाड़ों के आसन लगे हुए थे, वहां पर महाराणा मेवाड़ ने जाने से मना कर दिया, और वो केवल एक ही व्यक्ति केसरी सिंह बारेठ के कहने पर। और केसरी सिंह बारेठ कौन? जिनकी संपूर्ण वैचारिक चेतना महर्षि दयानंद से अनुप्राणित और प्रेरित और प्रभावित थी। राजस्थान में जहां जहां महर्षि दयानंद सरस्वती गए, कालांतर में वहां से क्रांति के विचार फूटे, क्रांतिकारियों ने वहां काम किया। केसरी सिंह जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। 20 वर्ष का उनको कारावास हुआ। हजारीबाग और कोटा की जेल में वो रहे। 1919 में राजनीतिक बंदियों के साथ वो रिहा हुए। उनके पुत्र प्रताप सिंह बारेठ को बरेली जेल में अंग्रेजों ने अनेक यातनाएं देकर के उनकी हत्या की। ये सबसे बाएं केसरी सिंह जी बारेठ हैं, बीच में उनके छोटे भाई जोरावर सिंह जी हैं, और सबसे दाएं केसरी सिंह जी के पुत्र प्रताप सिंह जी हैं, जिनको बरेली जेल में अंग्रेजों के द्वारा यातना पूर्वक जिनकी हत्या की गई थी। ये सब महर्षि दयानंद से प्रेरित और प्रभावित थे।
एक और महत्वपूर्ण बात जो इस दौरान पता लगी, जब गुलाब बाग में स्वामी जी के प्रवचन होते थे उदयपुर में, उसी समय भील प्रदेश जो हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जो आदिवासी जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ के भीलों के बीच काम करने वाले जो गोविंद गुरु थे, जो बांसिया के थे, वहीं के रहने वाले थे, वो स्वामी जी के प्रवचन सुनने आया करते थे। वो जो वापस लौटते वहां पर, तो स्वामी जी के विचारों से उन जनजातीय आदिवासी लोगों को प्रेरित करते थे, प्रभावित करते थे। वहां संप सभा का आयोजन होता था, आदिवासी लोग इकट्ठे होते थे। जलियांवाला बाग से पहले मानगढ़ की शहादत हुई। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर पहाड़ है मानगढ़। 1500 लोगों की वहां पर अंग्रेजों ने निर्ममता पूर्वक घेर करके उस पहाड़ पर 1500 आदिवासियों की हत्या की थी। ये जलियांवाला बाग से पहले मानगढ़ की शहादत हुई। और शहादत की जो सबसे प्रेरणादायी जो व्यक्तित्व थे, ये वहां म्यूरल बना हुआ है, अब वहां संग्रहालय बना हुआ है। उस संग्रहालय का ये म्यूरल है, पूरी वॉल पर लगा हुआ है, बीच में गोविंद गुरु है और उनका फिर उनका चरित्र दोनों तरफ लगा हुआ है। तो ये 17 नवंबर 1913 को बेगार प्रथा और अधिक लगान के विरोध में मानगढ़ स्थान पर हजारों आदिवासी वीर गोविंद गुरु के नेतृत्व में सभा के लिए एकत्रित हुए थे। अंग्रेजों ने सारे इलाके को घेर कर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 1500 से ज्यादा आदिवासियों की नृशंस हत्या हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूर्व उससे भी बढ़कर के मानगढ़ का शहादत कांड हुआ। मानगढ़ कांड के बाद गोविंद गुरु को आजीवन कारावास हुआ। 1923 में वो जेल से रिहा हुए, फिर भी वो भील सेवा सदन के माध्यम से आजीवन सेवा कार्य करते रहे। उनके निधन के बाद मानगढ़ धाम में उनकी समाधि बनाई गई। आज भी वहां मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लाखों आदिवासी वनवासी लोग आते हैं। ये मानगढ़ का स्तंभ है जो वहां बना हुआ है। और ये नीचे जो दृश्य है जिसमें हम देख सकते हैं किस तरह से अंग्रेज जो है वो आदिवासियों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। तो राजस्थान के जो राजे रजवाड़े थे, शासकों ने महर्षि दयानंद सरस्वती से, कंक्लूड कर रहा हूँ सर मैं, वो सत्य धर्म और जीवन पद्धति का उपदेश प्राप्त किया। महर्षि का मंतव्य था कि राजा सुधरेगा तो प्रजा भी सुधरेगी। अधिकांश राजे रजवाड़े जो ठिकानेदार थे वो महर्षि के अनुयायी उस समय बने। महर्षि के निर्भीक, निर्लोभ और निस्पृह जीवन और वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा के लिए सर्वस्व त्याग और अपूर्व सहिष्णुता ने सबको प्रभावित किया। उन्होंने वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार, वेदादि शास्त्रों के प्रकाशन के आर्थिक सहयोग उन्होंने प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप आर्य संस्कृति की विचार क्रांति तेजी से विस्तृत हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती का राजस्थान पर गहरा प्रभाव हुआ। बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा। आर्य समाज की स्थापना हुई जिसके माध्यम से वेदों की शिक्षाओं का वहां पुनर्जीवन हुआ। अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई, सुधारवादी चेतना का जागरण किया। राजपूताना में दुखी पीड़ित प्रजाजनों का स्वर बन करके स्वामी जी का आगमन हुआ। राजाओं को उन्होंने बुद्धि, बल, पराक्रम, आरोग्य, आयुष्य, वैभव और प्रताप को समृद्ध करने के लिए वेद शास्त्रोक्त उपाय सुझाए। वहीं दूसरी ओर अनाथ, वृद्ध, विधवा, गरीब, निर्बल जनों और मूक पशुओं के हितैषी बनकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह, बलि प्रथा का निषेध करवाया। उन्होंने नियमित यज्ञ के लिए यज्ञशालाओं के निर्माण करवाए। शस्त्र विद्या के लिए छात्रशालाओं को प्रोत्साहित किया। गोरक्षा के लिए सबको प्रेरित किया। वेदाध्ययन और वेद मंत्रों का सबको अधिकार दिया। मिशनरियों के द्वारा जो धर्मांतरण कराया जा रहा था उसे रोका। बहुत सारे पत्र आदरणीय वेदपाल जी के उसमें है। जब यहाँ उदयपुर में धर्मांतरण चल रहा था तो यहाँ से पत्र स्वामी जी को जोधपुर भेजा गया कि इस तरह से यहाँ चल रहा है, तो स्वामी जी ने उपाय लिख के भेजा कि उनको कहिए कि वो इस चीज को पढ़े और वहां जाकर के शास्त्रार्थ के लिए उपस्थित हो जाए, मिशनरी भाग जाएंगे। इस प्रकार से वो निरंतर प्रेरणा देते रहे। उन्होंने बहुत सारी पाठशालाएं वहां, उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया, समाज में समानता और एकता की भावना को बढ़ावा दिया। उनकी शिक्षाएं और विचारधारा आज पूरे राजस्थान सहित सारे भारत में वो प्रेरणा की स्रोत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो पुस्तक आनी चाहिए आपकी जल्दी से जल्दी इस पे। हाँ सच में, एक मोनोग्राफ बन, ये तो खैर पेपर छपेगा हमारे पास, लेकिन इसका और विस्तार करके आप एक मोनोग्राफ जरूर। बहुत ही सूचना प्रद उद्बोधन रहा। और आज प्रातः काल से जितने भी हम व्याख्यान सुन रहे हैं, कल से बल्कि जो हमारे वक्ताओं ने विषय प्रस्तुत किए हैं,
प्रत्येक ओजस्वी भाषण में आपका सहयोग सबसे बड़ा है जी। नहीं मैंने सबको काम पर लगाया, अलग अलग विषय देख रहे हो। हाँ वो मेरा वो कोई ना कोई प्रेरणा दैवी प्रेरणा रही होगी, क्योंकि कल आपने देखा मैंने सूर्या देवी जी का विषय अनायास बदला, और बल्कि वीरेन जी ने मुझसे पूछा कि ये तो स्त्री सशक्तिकरण पर बोलने वाली है। मैंने कहा नहीं, मैंने उनका विषय बदल दिया, संस्कार विधि और उसमें भी आयुर्वेद जोड़ दिया। और देखिए उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरा आयुर्वेद पर काम है, जब कल व्याख्यान दिया तो हम लोगों को पता चला। अभी हमने प्रातः काल महर्षि दयानंद के पत्र और विज्ञापनों की चर्चा सुनी। अभी राजस्थान में महर्षि दयानंद का जो प्रवास रहा, क्या प्रभाव पड़ा। कल हमने पंजाब में महर्षि दयानंद के प्रभाव की चर्चा सुनी थी, और अभी अभी हमारे बीच आ गए हैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी, उनका हम स्वागत करते हैं। पहले हमारे वेद के प्रोफेसर है। हाँ, अभी तो उस पर होंगे, डेप्यूटेशन पर ही होंगे। गुरुकुल कांगड़ी तो हमारा स्तंभ है। पहले हमारे पंजाब विश्वविद्यालय के पीएचडी स्कॉलर है। चलिए तो अभी चर्चा हो रही है शास्त्र नहीं, मूल तो यहाँ है, नहीं मूल तो वेदपाल जी का है। चलिए तो आज हमारे अगले वक्ता हैं डॉक्टर सुषमा अलंकार जी। आप डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से हैं, वहां पर हिंदी की प्राध्यापिका और संस्कृत की हैं, और विषय आपने हिंदी लिया है। कि महर्षि दयानंद का हिंदी के उत्थान में क्या योगदान रहा, इस विषय पर आप अपना पत्र पढ़ेंगी। तो संस्कृत हमारा सबका एक कॉमन सूत्र है। सुषमा जी संस्कृत कविता भी लिखती हैं, ट्रांसलेशन किया है, और अनेक सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं, जिन्हें जिनमें से कंट्रीब्यूशन टू संस्कृत लिटरेचर एंड लैंग्वेज के लिए आपको चंडीगढ़ साहित्य अकादमी से सम्मानित किया जा चुका है। चार छात्र आपके निर्देशन में शोध कार्य कर चुके हैं। वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस कनाडा में भी आपने पत्र प्रस्तुत किया था। तो आज आपका विषय महर्षि दयानंद का हिंदी साहित्य के उन्नयन में योगदान। ये तो नहीं रखा। सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर शशि प्रभा जी एवं डॉक्टर मेहता जी तथा इस हॉल में उपस्थित सभी विद्वत गणों को मेरा नमस्कार। मेरे पत्र का विषय है ऋषि दयानंद का हिंदी वांग्मय को योगदान। दयानंद सरस्वती की मातृभाषा गुजराती थी। उन्होंने गुरु चरणों में संस्कृत और व्याकरण का विधिवत अध्ययन किया था। स्वामी जी ने जब संकल्प के साथ भारतवर्ष में घूमना आरंभ किया तो उन्हें यह ज्ञान हो गया था कि भारत का एक विस्तृत क्षेत्र हिंदी में व्यवहार करता है और भारत को जोड़ने में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। जब वे कर्म क्षेत्र में उतरे तो उन्होंने इस सत्य का साक्षात्कार भी किया कि हिंदी के अनेक क्षेत्रीय रूप हैं। हिंदी का मानक रूप विकसित हो रहा। यद्यपि उनका प्रथम संकल्प वेदार्थ का प्रसार करना था और वेदार्थ के लिए संस्कृत वाक ही प्रथम और अंतिम आधार है, इसलिए आरंभ में वे संस्कृत में ही उपदेश देते थे। उनकी लिखित भाषा को पढ़कर यह अनुभव किया जा सकता है कि उनकी भाषा में शब्दाडंबर कहीं भी नहीं है। उनकी भाषा उपनिषद काल के आचार्यों की भांति सरस और सहज है। स्वामी जी जहाँ सत्य के पक्षधर थे, वहीं वे इस लोक व्यवहार के सत्य को भी शीघ्र ही समझ गए कि सामान्य जन को उनकी अपनी भाषा में ही समझाना सही होगा। इसलिए उन्होंने श्री केशव चंद्र सेन के आग्रह पर हिंदी भाषा में उपदेश देने आरंभ किए, तो हिंदी के लिए एक नए अभिधान की भी सृजना हो गई और इसके बाद हिंदी को आर्य भाषा के नाम से भी जाना जाने लगा। आर्य भाषा हिंदी ने ऋषि दयानंद और आर्य समाज के सानिध्य में एक नई गति पकड़ी। इस गतिशीलता के अनेक पक्ष हो सकते हैं, यहाँ मुख्य पक्षों पर ही विचार करना मेरे पत्र का उद्देश्य है। हिंदी का स्वरूप निर्धारण के कारण उर्दू
के उच्च स्तर पर थी, उधर अंग्रेजी शासन के कारण अंग्रेजी निरंतर बढ़ रही थी, हिंदी के प्रति सरकारी तंत्र का उपेक्षा भाव था। यद्यपि बिना किसी शासकीय इच्छा के हिंदी भाषा लोक चेतना में अपना स्थान बनाए हुए थी। आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास में यह जानकारी दी जाती है कि हिंदी की पहली कहानी 1900 में किशोरी लाल गोस्वामी लिखित इंदुमती है। कुछ विद्वानों के अनुसार पहली कहानी 1901 में माधव सप्रे द्वारा लिखित एक टोकरी भर मिट्टी बताई जाती है। गोस्वामी तुलसीदास, कबीर, सूरदास आदि ने उस युग की लोक भाषा के साथ हिंदी भाषा का प्रतिनिधित्व किया, किंतु वर्तमान में हिंदी का जो स्वरूप है उसमें दयानंद सरस्वती का विशेष योगदान है। अवधि, ब्रज, सदुकड़ी, सदुकड़ी जो है कबीर की भाषा है, अवधि जो है तुलसीदास की, और ब्रज में सूरदास जी ने लिखा है। तो इन सभी भाषाओं का वर्तमान कालीन हिंदी के विकसित रूप में निश्चय महत्वपूर्ण योगदान है। 1882 में भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार लाला श्री निवास दास के परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माना जाता है, परीक्षा गुरु। किंतु इसकी भाषा को आधुनिक हिंदी की दृष्टि से परिष्कृत कोटि में नहीं रखा जा सकता। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण परीक्षा गुरु से लगभग 7 वर्ष पहले 1875 में प्रकाशित हुआ था, और इसकी भाषा अत्यंत साहित्यिक व्यवस्थित थी। इसकी सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षा गुरु से पहले ही आ चुका था। इसका दूसरा प्रकाशन 1882 में हुआ। सत्यार्थ प्रकाश की भाषा अपने उत्तरवर्ती साहित्य से भी अधिक परिष्कृत व संतुलित है। हाँ, कुछ प्रयोगों में गुजराती या संस्कृत वाक्य रचना का प्रभाव होना संभव है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ अपने काल की एक ऐसी प्रतिनिधि रचना है जिसमें वर्तमान हिंदी के स्वरूप का दिग्दर्शन होता है। इस ग्रंथ का दूसरा प्रभाव यह पड़ा कि इसके खंडन व मंडन में भी लघु ग्रंथों पत्रों की झड़ी सी लग गई। इस खंडन मंडन साहित्य ने हिंदी के वर्तमान स्वरूप को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाई। स्वामी जी की हिंदी ने सिद्धांत शैली व कथा शैली को विकसित करने में विशेष योगदान दिया है। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम 10 समुल्लासों में उपनिषद शैली है, तो शेष 4 समुल्लासों में पूरी तरह समीक्षा शैली है। यह उस समय की रचना है जब हिंदी में इस प्रकार के लेखन का प्राय अभाव था। स्वामी जी की कथा शैली का एक उदाहरण व्यवहार भानु है। एक कथा शैली का उदाहरण व्यवहार भानु है। सिद्धांतों पर पूरा स्थिर रहते हुए भी सरस शैली में अपनी बात कहना दयानंद सरस्वती की अन्यतम विशेषता है। स्वामी जी की मोहक शैली का यह नमूना देखिए। लाल भुजक्कड़ बूझिया और न बुझा कोय, पग में चक्की बांध के हिरणा कूदा कोय। अंधेर नगरी गवर्गन राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। इस लघु ग्रंथ में पात्रों के संवाद उपन्यास शैली में हुए हैं। इसकी पात्र संकल्पना में भी सौंदर्य है। इसके पात्रों दासी, खुशामदी, गवर्गन, अल्पबुद्धि, शुद्र बुद्धि आदि के संवादों में अद्भुत रोचकता है। इसमें दृष्टांत शैली भी विलक्षण है। परिहास शैली या हास्य शैली में अत्यंत कुशल है। मूर्खता से संपन्न गुरु का चिंतन करते हुए स्वामी जी ने एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये लिखने में इसमें जो है ज्यादा पता चलेगा। बापम आजम नमम संकृत्यम परमम पाजम तथवम चम मयामम भगवान दासेनम गीताम टीकाम करो मयहम। ये कुछ इस तरह की उन्होंने इस तरह की हिंदी लिखी है। ये मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये संस्कृत है, लेकिन ये उनके जो पात्र, जो सामान्य पात्र थे, उनके द्वारा उन्होंने ये इस तरह की बात मतलब इस तरह की बात लिखी है। अल्प बुद्धि, शुद्र बुद्धि, प्रमादी जैसे पात्रों में कथा शैली जीवंत हो उठी है। तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेद भाष्य शैली में उनके आचार्यत्व और सिद्धांत शैली की विलक्षणता है। अब हिंदी का विषय लेखन की मैं बात करूंगी। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक की सम्मति के अनुसार ऋषि द्वारा यदि लगभग 20,000 पृष्ठों का लेखन हुआ है, तो यह भी
याद करने की बात है कि इसमें कम से कम 70-75% लेखन हिंदी में है। इस प्रकार उस युग में 14-15 हजार पृष्ठों में हिंदी लेखन करना अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। स्वामी जी अपने युग के पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने विश्व में पहली बार हिंदी में वेदार्थ किया। आर्यभिविनय हो या वेद भाषा, संस्कृत के साथ हिंदी का रूपांतरण हिंदी वांग्मय के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का संस्कृत के साथ हिंदी में ग्रथन करने से पहली बार लोगों को यह ज्ञात हुआ कि सरल सुबोध हिंदी में भी वेद मंत्रार्थ जैसे विषयों को रखा जा सकता है। हाँ, कदाचित लेखकों की अज्ञानता से या छल से कुछ गड़बड़ हो सकती है, पर एक विशाल हिंदी पाठक वर्ग के लिए स्वामी जी की यह वेदार्थ शैली वरदान सिद्ध हुई। हिंदी के लिए ही नहीं बल्कि पंजाबी और उर्दू आदि भाषाओं में भी स्वामी जी के इस हिंदी लेखन से उद्वेलन हुआ। विशेष रूप से पंजाब की भूमि में वेदों व उपनिषदों पर हिंदी के अतिरिक्त पंजाबी और उर्दू में भी भाष्य लिखे जाने लगे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रचार के लिए हिंदी को प्रमुख स्थान दिया। वे जानते थे कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध सकती है। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपना साहित्य भी मुख्यतः हिंदी में ही लिखा, जिससे साधारण लोग भी उनके विचारों को समझने लगे। परिणाम स्वरूप आर्य समाज के अनुयायी साहित्यकारों एवं उपदेशकों ने भी अपने साहित्य के द्वारा हिंदी को खूब समृद्ध किया। इसमें आर्य समाजेतर साहित्यकार भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। महर्षि दयानंद सरस्वती ने गुजराती भाषा और संस्कृत के विद्वान होते हुए भी सत्यार्थ प्रकाश के अतिरिक्त अनेक गद्य ग्रंथ हिंदी में लिखे। यह उस काल की बात है जब हिंदी गद्य का जन्म हो रहा था और बड़े बड़े साहित्यकार छोटी छोटी रचनाएं ही लिख रहे थे। तब महर्षि दयानंद सरस्वती ने इतना विशाल हिंदी गद्य का भंडार दिया जिससे हिंदी गद्य शीघ्र ही युवा हो गया। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी गद्य के उद्भव काल का सबसे बृहद गद्य ग्रंथ है। अतः यह निर्विवाद है कि हिंदी गद्य के उद्भव काल में महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाजियों के योगदान की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। इस सब के पूर्ण मूल्यांकन के लिए पृथक से शोध कार्यों की आवश्यकता है। मिश्र बंधु विनोद, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। मिश्र बंधु विनोद में तो उस काल में दयानंद काल ही नाम दिया गया था। ये जो आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और फिर आधुनिक काल, इस तरह से हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ है उसमें इन्होंने उसको दयानंद काल ही नाम दे दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है कि संयुक्त प्रांत के पश्चिमी जिलों में आर्य समाज के प्रभाव से हिंदी गद्य का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ। हिंदी भाषा सार में तो बड़ी स्पष्टता से लिखा है कि जनता के लाभ की दृष्टि से मातृभाषा गुजराती होने पर भी उस दूरदर्शी और विद्वान सन्यासी ने राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार किया। अपने ग्रंथ भी हिंदी में ही लिखे। हिंदी की उन्नति व प्रचार को आर्य समाज का, जिसके वे प्रवर्तक थे, एक विशेष लक्ष्य बनाया। अकेले स्वामी जी ने ही हिंदी का जितना उपकार किया, हमारा अनुमान है कि अनेक सुसंगठित संस्थाओं ने भी मिलकर अब तक उतना नहीं किया। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का यह वक्तव्य उल्लेखनीय है कि दयानंद सरस्वती हिंदी की व्यापकता के महत्व को समझते थे। उन्होंने पुरानी फक्कड़ी हिंदी को नहीं अपनाया। उनकी हिंदी एक विशुद्ध सांस्कृतिक और प्रभावशाली भाषा थी जिसने पंजाब और उत्तर भारत को अपरिमित बल और दीर्घ जीवन दिया। उन्होंने आर्य समाज की अन्य शिक्षण संस्थाओं के हिंदी प्रचार कार्यों का विवरण अपने ग्रंथ में दिया है। उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी की हिंदी सेवा को अद्वितीय स्वीकार किया। इसी कारण स्वामी जी भागलपुर हिंदी साहित्य सम्मेलन में अध्यक्ष चुने गए थे। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो 10-14 जनवरी 1975 नागपुर में हुआ था, उसमें आर्य प्रतिनिधि सभा मध्य भारत व विदर्भ ने भी आर्य समाज की हिंदी सेवा नाम से पुस्तिका वितरित की। इस उस युग में तुलसी
तुलसी राम स्वामी राजा राम शास्त्री पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति गणपति शर्मा आचार्य रामदेव पंडित नाथुराम शंकर शर्मा व आचार्य नरदेव सरीखे अनेक विद्वान आर्य समाज ने ही हिंदी को दिए हैं। पंत व प्रेमचंद की हिंदी साधना भी आर्य समाज की ही प्रेरणा का ही परिणाम थी। अनेक आर्य कवि हिंदी में स्वाधीनता के गीत गाते हुए गली बाजारों में निकला करते थे। हिंदी में मंगला प्रसाद पुरस्कार अत्यंत सम्मानीय स्थान रखता है। यह पुरस्कार भी अनेक आर्य समाजियों को मिला। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय उन्हीं हिंदी सेवियों में थे। आर्य भाषा के प्रचार में सबसे पहले यदि किसी ने प्रयत्न किया तो वे स्वामी दयानंद थे। गुर्जर देश में उत्पन्न होकर देश देशांतरों में आर्य समाज स्थापित करने के अनंतर भी आर्य भाषा को अपनाया, यह उनका एक महत्वपूर्ण कर्म है। उन्होंने आर्य समाज का संगठन करते हुए मुंबई के पांचवें नियम में संस्कृत और आर्य भाषा का पुस्तकालय स्थापित करना और आर्य भाषा में आर्य प्रकाश नामक पत्र निकालना प्रधान आर्य समाज के लिए आवश्यक ठहराया। लाहौर में एक उपनियम बनाकर सब आर्य सामाजिकों के लिए आर्य भाषा का सीखना अत्यावश्यक कर दिया। उपर्युक्त दोनों प्रमाणों से बलपूर्वक कहा जा सकता है कि आर्य भाषा को राष्ट्रीय भाषा रूप देने वाले प्रथम पुरुष दयानंद ही थे। यहाँ पर एक और उदाहरण देना चाहती हूँ। स्वामी सत्यानंद द्वारा लिखित श्रीमद दयानंद प्रकाश का ये उदाहरण है। हरिद्वार में एक दिन महाराज अपने आसन पर बैठे सत्संगियों को समझा रहे थे। बीच में एक सज्जन ने निवेदन किया, यदि आप अपनी पुस्तकों का अनुवाद कराकर फारसी अक्षरों में छपवा दें तो पंजाब आदि प्रांतों में जो लोग नागरी अक्षर नहीं जानते उनको आर्य धर्म जानने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। महाराज ने उत्तर दिया, अनुवाद तो विदेशियों के लिए हुआ करता है, नागरी के अक्षर थोड़े दिनों में सीखे जा सकते हैं। आर्य भाषा का सीखना भी कोई कठिन काम नहीं है। फारसी और अरबी के शब्दों को छोड़कर ब्रह्मवर्त की सभ्य भाषा ही आर्य भाषा है। यह अति कोमल और सुगम है, जो इस देश में उत्पन्न होकर अपनी भाषा के सीखने में कुछ भी परिश्रम नहीं करता, उससे और क्या आशा की जा सकती है। उसमें धर्म लग्न हो है, इसका भी क्या प्रमाण है। आप तो अनुवाद की सम्मति देते हैं, परंतु दयानंद के नेत्र तो वह दिन देखना चाहते हैं कि जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक नागरी अक्षरों का ही प्रचार होगा। मैंने आर्यवर्त भर में भाषा के एक ये मैं थोड़ा सा असल में पेपर ज्यादा लंबा है तो बीच में कुछ लाइनें काटी हैं तो उस वजह से थोड़ा सा मुझे वो प्रॉब्लम आ रही है। अपने सकल ग्रंथ आर्य भाषा में तो इस प्रकार से स्वामी जी ने अपने सकल ग्रंथ आर्य भाषा में लिखे और प्रकाशित किए। स्वामी दयानंद जी के इस आत्मकथन से स्पष्ट हो जाता है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा का पूरे भारत वर्ष के कोने कोने में फैलाने का उनका कितना बड़ा संकल्प था। अब मेरा जो अगला जो मेरा बिंदु है वो है दयानंद के अनुयायियों की हिंदी सेवा। दयानंद सरस्वती के दिव्य व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि पूरे भारत में आर्य समाज स्थापित होने लगी। इन समाजों में सर्वत्र हिंदी की प्रधानता थी। पुरोहित द्वारा मंत्र व्याख्या हो या विद्वानों द्वारा मंत्रोपदेश, सर्वत्र मुख्यतः हिंदी का ही प्रयोग होने लगा। और तो और दक्षिण भारत के अतिरिक्त विदेशों के आर्य समाजों में भी हिंदी स्थापित हो गई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जलियांवाला कांड के बाद 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का 34वां अधिवेशन हुआ था। स्वामी श्रद्धानंद ने तब स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में अपना भाषण दिए हिंदी में दिया और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किए जाने का यहीं से मार्ग प्रशस्त हुआ था। यह स्मरणीय है कि कुछ अन्य धार्मिक संस्थाओं ने भी प्रचार प्रसार में विशेष भूमिका निभाई, किंतु उन्होंने हिंदी को उस प्रकार से नहीं अपनाया जैसा आर्य समाजियों ने अपनाया। गुरुकुलों में तो गणित विज्ञान राजनीति शास्त्र भूगोल आदि का माध्यम हिंदी ही थी। स्वामी जी के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी आत्मकथा कल्याण मार्ग का पथिक में जिस उपन्यास शैली का प्रयोग किया है उससे वह साहित्यिक क्षेत्र का एक अमूल्य ग्रंथ
बन गया है। यह सच है कि हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथा है, किंतु इसके पश्चात 2 शताब्दियों के उपरांत शायद दयानंद सरस्वती की ही हिंदी आत्मकथा ही दिखाई देती है जो पर्याप्त चर्चित और प्रख्यात हुई। फिर तो 1909 में सत्याग्रह अग्निहोत्री कृत मुझ में देव जीवन का विकास प्रकाश में आई। आर्य समाज की परंपरा में स्वामी श्रद्धानंद से पूर्व 1921 में भाई परमानंद की आप बीती प्रकाशित हुई, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन और उनके जीवन संघर्षों का विवरण है। भारतेंदु युग जो आधुनिक काल जो शुरू हुआ, उसके जो मुख्य राइटर थे, लेखक थे, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। उनके नाम से ही इस कालखंड को जो है भारतेंदु युग कहा गया। भारतेंदु युग पर दयानंद के चिंतन और लेखन का क्या प्रभाव पड़ा, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये उनकी एक नाटिका है, में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वामी दयानंद का उल्लेख किया है। दयानंद काल में शास्त्र के नाम पर राजा मंत्री पुरोहित कैसे मद्य मांस के जाल में फंसकर अय्याशी करते थे, इसका विवरण दयानंद सरस्वती ने किया है। उसी का अनुकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती में वाम मार्गियों के प्रसंग में किया है। प्रथम अंक में मांस मद्य को लेकर जो संवाद भारतेंदु ने दिए हैं, उनमें दयानंद के चिंतन का प्रभाव साफ दिखाई देता है। यहाँ पर मैं उस भारतेंदु के जो लिखा हुआ ये नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती का एक अंश प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रथम अंक स्थान रक्त से रंगा हुआ राजभवन, नेपथ्य में बड़े जाइयो कोटिन लवा बटेर के नाशक वेद धर्म प्रकाशक मंत्र से शुद्ध करके बकरा खाने वाले दूसरे के मांस से अपना मांस बढ़ाने वाले सहित सकल समाज श्री गृधराज राजाधिराज गृधराज चौबदार पुरोहित और मंत्री आते हैं, ये ब्रैकेट में है। राजा बैठकर, आज की मछली कैसी स्वादिष्ट बनी थी। पुरोहित, सत्य है मानो अमृत में डुबोई थी, और ऐसा कहा भी मानो अमृत में डुबोई थी। राजा, क्या तुम ब्राह्मण होकर ऐसा कहते हो, हैं? तुम साक्षात ऋषि के वंश में होकर ऐसा कहते हो। पुरोहित, हाँ हाँ हम कहते हैं, और वेद शास्त्र पुराण तंत्र सब कहते हैं जीवो जीवस्य जीवनम। राजा, ठीक है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। पुरोहित, संदेह होता तो शास्त्र में क्यों लिखा जाता। हाँ, बिना देवी अथवा भैरव के समर्पण किए कुछ होता हो तो हो भी। मंत्री, सो भी क्यों होने लगा, भागवत में लिखा है देवी पूजा नित्य करना, इसमें कुछ संदेह नहीं है, और जब देवी की पूजा हुई तो मांस भक्षण आ ही गया है, बलि बिना पूजा होगी नहीं, और जब बलि दिया जाए तो उसका प्रसाद अवश्य लेना चाहिए। अजी, भागवत में बलि देना लिखा है जो वैष्णव का परम पुरुषार्थ है। मंत्री, और पंच पंच नखा भक्ष्य, यह वाक्य शास्त्रों में तो कहते आए हैं। पुरोहित, हाँ हाँ जी, इसमें भी कुछ पूछना है। अभी साक्षात मनु भी कहते हैं ना मांस भक्षणे दोषो ना मद्य ना च मैथुने। तो इस तरह से ये जो एक अंश मैंने उसमें से दिया है वैदिक हिंसा ना भवती, उसमें से ये अंश इसके ऊपर सारा प्रभाव जो है वो दयानंद जी का है, उन्हीं के दर्शन का है, और इस तरह की बात वो भारतेंदु जी ने उस समय लिख दी थी। ये सारा प्रभाव वो, क्योंकि उस पूरे कालखंड पर जो है दयानंद जी का प्रभाव था। दयानंद सरस्वती द्वारा आरंभ किया विधवा विवाह एक ऐसा आंदोलन था जिसके विरोध में धर्म के ठेकेदार ही सबसे आगे थे, पर इसका प्रभाव लोक मानस व विचारशील लोगों पर गहराई से पड़ा। भारतेंदु के चिंतन पर पुनर्विवाह के प्रसंग में साक्षात दयानंद का ही जादू काम कर रहा है। यहाँ पर भी एक अंश ऐसा आया जिसमें वो विधवा विवाह की बात करते हैं कि विधवा विवाह होना चाहिए, वो मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। इसके आगे है, भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने व्यंग्य विनोद हास परिहास शैली का सहारा लिया। यह शैली दयानंद के ग्रंथों में दिखाई देती है। उन्हीं का अनुकरण करते हुए कुरीतियों एवं परंपराओं पर प्रहार किए हैं। भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग तक आर्य समाज का हिंदी सेवा के क्षेत्र में विशेष स्थान बन गया था। इस युग में आत्मकथा जीवनी डायरी जेल कथा आदि अनेक विधाओं के ग्रंथ प्रकाशित हुए।
कवियों में आर्य समाजी कवि नाथु रामशंकर शर्मा विशेष स्थान रखते हैं। पंडित चमूपति, पंडित बुद्धदेव, आर्य मुनि, इंद्र विद्या वाचस्पति, सुदर्शन आदि ने जो हिंदी सेवा की है वह भी अतुलनीय है। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों की तो प्रत्येक पंक्ति में ही आर्य समाज के स्वर सुनाई देते हैं। उनका निर्मला उपन्यास तो आरंभ ही आर्य समाज से होता है। अनमेल विवाह की हानियां ये उन्होंने निर्मला उपन्यास में की है। इसी प्रकार से छुआछूत और दलित प्रथा का विरोध भी उन्होंने गोदान और इसमें रंगभूमि में किया। ये सारे प्रेमचंद जी के जो हिंदी साहित्य के पढ़ने वाले हैं उनको पता होगा कि प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं जिनमें से रंगभूमि है, गोदान है, निर्मला है। अपनी सभी रचनाओं में इन अनाचारों का जो मुखर विरोध किया वह आर्य समाज का ही उन पर प्रभाव लक्षित होता है। ये मुझे चलिए मैं आगे कर देती हूँ। मुझे लगता है मेरा एक पेज वो एक पेज रह गया है। स्वाधीनता आंदोलन के क्षेत्र में कार्य कर रहे आर्य वीरों ने हिंदी साहित्य में भी भारी योगदान दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा इसका सुंदर उदाहरण है। आर्य समाज के प्रभाव से ही तत्कालीन हिंदी साहित्यकार श्रृंगार से हटकर देश धर्म संस्कृति ईश्वर भक्ति व राष्ट्रीय भावना के गीत गाने लगे। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण का यह कथन बिल्कुल सही है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा से विश्व भाषा के स्तर पर पहुंचाने में आर्य समाज का प्रवेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आर्य समाजियों ने हिंदी को पहले घर में प्रतिष्ठित किया, फिर उसे अन्य देश देशांतरों में लेकर गए। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की भी एक बात मुझे याद आती है, उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि इस कालखंड में जो लेखक थे वो श्रृंगारिक रचनाएं करने से बचने लगे थे क्योंकि उन्हें डर था। वो ये कहते हैं कि उनको दयानंद और उनके अनुयायियों का बहुत ज्यादा डर होने लग गया था कि अगर हम इस तरह की कोई रचना लिखेंगे तो इनके आर्य समाजी आकर हमें कुछ ना कुछ कहेंगे और हमारा समाज में इस तरह का उपहास होने लग जाएगा। तो ये बहुत बड़ी देन है आर्य समाजियों की, आर्य समाज की और महर्षि दयानंद की। दयानंद सरस्वती की हिंदी निष्ठा का पूरे हिंदी जगत पर विलक्षण प्रभाव पड़ा। ऋषि दयानंद के आत्मचरित्र का तो ऐसा प्रभाव हुआ कि उनके अनुयायियों को लेखन की एक दिशा मिल गई और सन 1879 में श्रीमती हरदेवी की यात्रा संबंधी आत्मकथा लंदन यात्रा शीर्षक से लाहौर से छपी। इसे यात्रा संबंधी प्रथम ग्रंथ माना जा सकता है। श्रीमती हरदेवी लाहौर के प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता और बैरिस्टर रोशन लाल की पत्नी थी। वे अपने लंदन प्रवास के दौरान भगिनी नामक एक पत्रिका भी निकालती थी। स्वामी भास्कर आनंद इंग्लैंड और अमेरिका आदि देशों की धर्म प्रचार यात्रा करने वाले प्रमुख आर्य समाजी थे। ठाकुर गदाधर सिंह भारतीय सेवा में नौकरी करते थे। ये अपनी पलटन के साथ 1901 में चीन की यात्रा पर गए। इसके पश्चात लंदन में पहुंचे और इन्होंने अपनी सारी यात्राओं का विवरण प्रस्तुत किया। तोताराम सनाढ्य 1882 में अंग्रेजों के बहकावे में आकर फिजी चले गए थे। इन्होंने अपनी सारी यात्रा को लिपिबद्ध किया। यह यात्रा वृतांत इतना प्रसिद्ध हुआ कि बांग्ला, गुजराती, मराठी और उर्दू में भी इसके अनुवाद हुए। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान ने इसी पुस्तक के आधार पर कुली प्रथा नामक नाटक की रचना की और प्रताप कानपुर अखबार में प्रकाशित होते ही इसे सरकार ने जब्त कर लिया था। मैथिली शरण गुप्त ने इसके आधार पर किसान नामक लघु काव्य लिखा। लोकमान्य तिलक ने भी इस पर केसरी पत्र में दो लेख लिखे। आत्मसंस्मरण लिखने वाले हिंदी सेवियों में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक भवानी दयाल सन्यासी भी प्रसिद्ध हैं। 1921 में भाई परमानंद ने अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी एक जेल यात्रा परक आत्मकथा गत वर्ष करुण कहानी शीर्षक से प्रकाशित हुई। इसका संपादन श्री राजेंद्र जिज्ञासु ने किया है। आत्मकथा साहित्यकारों में लाला लाजपत राय, लाला हरकिशन लाल, पंडित राम भजन चौधरी,
आचार्य नरदेव शास्त्री, पंडित शंकर दत्त शर्मा, राम प्रसाद बिस्मिल, मेहता जैमिनी, स्वामी मंगलानंदपुरी, पंडित महेश प्रसाद मौलवी आदि के नाम परिगणित किए जा सकते हैं। हंस पत्रिका के सन 1932 के जनवरी फरवरी के संयुक्तांक में मुंशी प्रेमचंद ने आत्मकथांक नाम दिया था इसको। इसमें 3 दर्जन के लगभग लेखकों से प्रयास पूर्वक प्राप्त करके लघु आत्मकथाएं प्रकाशित की, जिनमें आर्य समाज से संबंधित 6 लेखक थे, भाई परमानंद, मौलवी महेश प्रसाद, कथाकार सुदर्शन, वैद्य ठाकुर दत्त शर्मा और स्वयं मुंशी प्रेमचंद व उनकी पत्नी शिवरानी देवी। मुंशी प्रेमचंद और शिवरानी देवी को लेकर एक भ्रांति यह भी है कि इनका आर्य समाज से कोई लेना देना नहीं था। यह उल्लेखनीय है कि प्रेमचंद का अपने शिक्षा काल में ही आर्य समाज से परिचय और संबंध स्थापित हो गया था। सन 1902 से 1904 में जब प्रेमचंद जी गवर्नमेंट सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज इलाहाबाद में अध्यापकी का प्रशिक्षण प्राप्त करने गए तो अपने एक आर्य समाजी सहपाठी और बाद में आर्य समाज के सुप्रसिद्ध नेता गंगा प्रसाद उपाध्याय से उनकी घनिष्ठ मैत्री हुई। इनके माध्यम से प्रेमचंद जी आर्य समाज के सीधे संपर्क में आए, उनके साथ आर्य समाज मंदिर में जाने लगे और आर्य समाज के सिद्धांतों से परिचित हुए। यह संबंध क्रमशः इस सीमा तक बढ़ता गया कि वे आर्य समाज के नियमित सदस्य भी बने, वार्षिक उत्सवों के लिए चंदा भी देते थे और आर्य समाज के जलसों में पूरी दिलचस्पी से भाग लेते थे। इसके बाद आर्य समाज में उनकी अभिरुचि निरंतर बढ़ती गई। उनके पुत्र अमृत राय के शब्दों में, आर्य समाज में उनकी दिलचस्पी पूरी थी, जलसों में तो जाते ही रहते, शायद वे आर्य समाज के सदस्य भी थे। उनके आर्य समाज हमीरपुर सदस्य होने की पुष्टि जमाना के लिखे 6 फरवरी और 6 मार्च 1913 के उन पत्रों से होती है जिनमें उन्होंने हमीरपुर में होने वाले आर्य समाज के वार्षिकोत्सव के लिए वहां के आर्य समाजों ने सेक्रेटरी के नाम 10 रुपए का मनी ऑर्डर भेजने के लिए लिखा था। प्रेमचंद के जीवन के अंतिम वर्ष सन 1936 में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के अर्ध शताब्दी के अवसर पर लाहौर आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में आयोजित आर्य भाषा सम्मेलन के सभापति प्रेमचंद थे। उनका अध्यक्षीय भाषण ऐतिहासिक कोटि का था। मुंशी प्रेमचंद की दूसरी पत्नी शिवरानी देवी आर्य समाज के कार्यकर्ता मुंशी देवी प्रसाद की सुपुत्री थी, इसलिए वैदिक धर्म के संस्कार उन्हें विरासत में मिले थे। मुंशी प्रेमचंद के साथ उनका विवाह स्वयं आर्य समाज के एक विधवा विवाह संबंधी सिद्धांत का क्रिया बने, क्योंकि शिवरानी देवी जो है वो विधवा थी और उनके जब प्रेमचंद ने फिर जब प्रेमचंद की दूसरी शादी थी, पहली शादी जो उनकी वो सफल नहीं हो पाई थी, तो प्रेमचंद ने जब दूसरी शादी की तो शिवरानी देवी जी से की थी और शिवरानी रानी देवी जो है वो बाल विधवा थी। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर प्रेमचंद व शिवरानी की गणना आर्य समाजी आत्मकथाकारों में करना सर्वथा उचित ही है। प्रिय प्रवास, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, पर आर्य समाज का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मैथिली शरण गुप्त पर तो ऐसा प्रभाव था कि उन्होंने तो आर्य समाज पर कविता ही रच डाली। जैसे एक उदाहरण है, आर्य समाज, आर्य भूमि पर अरुणोदय सा, उठ उष्ण तू सज कर साज, आर्य समाज आर्य समाज। उस काल की कौन सी ऐसी रचना होगी जिस पर आर्य समाज के सुधारों का प्रभाव ना पड़ा हो। काव्य और लेखन की धारा ही बदल गई। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, स्वतंत्रता विमर्श और स्वाभिमान विमर्श लेखों के विषय हो गए। साकेत को तो आर्य समाज की विचारधारा की प्रवाहिका कह सकते हैं। वैष्णव होते हुए भी बालकृष्ण भट्ट पर आर्य समाज का अत्यधिक प्रभाव था, वे सीधे रूप में भी आर्य समाज से संबद्ध रहे। ऋषि दयानंद निर्वाण पर लिखी कविता उनके कुमकुम संग्रह में सम्मिलित है। प्रोफेसर हरिवंश राय बच्चन पर आर्य समाज का क्या प्रभाव था, इसका अनुमान उनकी आत्मकथा क्या भूलू क्या याद करूं से हो जाता है। इस आत्मकथा में डॉक्टर बच्चन ने पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय का स्मरण करते हुए लिखा कि वे मेरे स्कूल के मुख्य अध्यापक थे, इसलिए जाति भेद था ही नहीं। उनके घर में एक सेविका थी जो उपेक्षित परिवार से थी, ये उस सेविका माता का ही दूध पिया करते थे और वे उसे चमाता कहते थे।
इसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र का आधुनिक हिंदी विद्वानों में जो अग्रगण्य नाम है, उनके पिता श्री राजेंद्र नगाइच आर्य समाजी थे। स्वयं नगेंद्र कहते हैं कि पिता ने आरंभ में राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ वर्षों तक भाग लिया और बाद में स्वास्थ्य खराब हो जाने से सक्रिय राजनीति से अलग होकर आर्य समाज से संबद्ध हो गए, जिसकी वे अपनी लेखनी और क्रियाकलाप द्वारा मृत्यु पर्यंत सेवा करते रहे। इसके बाद हिंदी का भजन साहित्य। हिंदी के भजन साहित्य में भी ऋषि दयानंद का प्रभुत्व प्रभाव है। आर्य समाज के सत्संगों में भजन शैली ने एक नया रूप लिया। दयानंद काल से लेकर अब तक हजारों हिंदी भजन आ चुके हैं। पंडित अमीचंद, पंडित बस्तीराम, कवि प्रकाश, पंडित चमूपति, पंडित लक्ष्मण सिंह बेमोल, स्वामी भीष्म, स्वामी नित्यानंद, श्री पृथ्वी सिंह बेधड़क, चौधरी नत्था सिंह, चौधरी बेगराज, पंडित ओम प्रकाश वर्मा, पंडित चंद्रभानु, श्री सत्यपाल पथिक, स्वामी रुद्रवेश, पंडित नरदेव आदि की एक लंबी परंपरा आर्य समाज के पास है। इनके माध्यम से यह भजन यात्रा निरंतर चल रही है। जितने भजन और उन भजनों में वैदिक सिद्धांत, राष्ट्रभक्ति, ईश्वर भक्ति की जितनी सामग्री हिंदी में आर्य समाजियों ने दी है, वह शायद ही किसी अन्य परंपरा ने दी हो। इसके बाद अगला जो मेरा पॉइंट है, हिंदी अनुवाद साहित्य। ठीक है मैम, ओके। तो हिंदी अनुवाद साहित्य में मैं बस पहले एक ही पैरा पढ़ती हूँ। दयानंद सरस्वती के हिंदी वेद साहित्य का समाज पर विशेष प्रभाव यह पड़ा कि आर्य समाज और ऋषि दयानंद के अनुवर्तियों का ध्यान प्राचीन शास्त्रों के अनुवाद की ओर गया। हिंदी के क्षेत्र में यह एक नई परंपरा थी। दयानंद सरस्वती से पूर्व वेद, उपनिषदों, स्मृतियों, ब्राह्मण ग्रंथों का हिंदी अनुवाद कदाचित ही कहीं उपलब्ध हो, किंतु स्वामी जी के पश्चात हिंदी साहित्य जगत में यह बड़ा परिवर्तन आया कि वेदों की व्याख्या का युग आरंभ हो गया। और इसके बाद हिंदी पत्र पत्रिका। दयानंद सरस्वती के साहित्य का एक अन्य पक्ष उनके पत्र और विज्ञापन है। उनके इस साहित्य में उनकी परिष्कृत हिंदी के दर्शन तो होते ही हैं, देश की समस्याओं के लिए लेखन की एक नई दिशा भी प्राप्त होती है। यहाँ उनके पत्रों का विवेचन करना अभिप्रेत नहीं है, बहुत लंबा पेपर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पेपर तो बहुत बड़ा था, बीच में कुछ लाइनें मैंने छोड़ी, तो हो सकता है आप लोगों को ये लगे कि कहीं कहीं से कुछ बोल रहे हैं। एक वक्ता अनुपस्थित है और ज्वलंत जी को पर्याप्त समय नहीं। अभी जैसे इसके आगे भी लिखा हुआ है कि सारी भाषाएं जो नदी है, लेकिन कुमार जी नहीं आए। हिंदी जो है महानदी है, और दयानंद जी ने जो हिंदी को बाद में अपनी हर भाषण का जो माध्यम बनाया, उससे पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व के अंदर उनका जो जो भी संदेश था, जो भी उपदेश था, वो हम सब तक पहुंच पाया। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताया नहीं, बहुतों को तो पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता, सुषमा जी वीरेंद्र अलंकार जी की धर्म पत्नी है, और बहुत अच्छा आपने व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत किया जी। बढ़िया जी, कुछ कहना चाहते हैं? एक एक करके कृपया। नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। उदौलिया जी कुछ कह रहे हैं? हिंदी के संदर्भ में बहुत नई चीज बात सामने आई, मैंने आपको बताई। आप हिंदी के ही आचार्य हैं, इसलिए यही एक शब्द दिया है लक्ष्मी नारायण जी के शब्दों में। लक्ष्मी नारायण मिश्र है या लक्ष्मी नारायण दाल है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गुप्त वो प्रोफेसर थे, उन्होंने थीसिस के केस पर ध्यान रखते हिंदी की देन, उनका पतन है। नहीं, वो भोपाल में प्रकाशित कर सकते। नहीं, वो तो हमारे उसमें जाएगा ना, पहले तो इसी में आएगा, हमारे ग्रंथ में, जिसके लिए लिखा गया है। हाँ, जिसके लिए लिखा गया है पहले तो उसी में जाएगा। बिल्कुल, चलिए बेदी जी कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा पर पत्र था, पर एक दो बातें पंजाब के संदर्भ में मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूँ। एक बात तो बहुत बढ़िया इन्होंने की कि देवनागरी लिपि में साहित्य लिखने का प्रचलन हुआ आर्य समाज के कारण, स्वामी दयानंद के आशीर्वाद। पंजाब के
का बहुत सारा जो हिंदी साहित्य है ना, 17वीं-18वीं शताब्दी का, 19वीं शताब्दी का भी कुछ है, लिपि गुरमुखी है, भाषा हिंदी। बहुत बढ़िया। दूसरा लिपि फारसी है, भाषा हिंदी। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा साहित्य वहाँ पर पांडुलिपियों के रूप में मिलता है, उसमें राम काव्य भी है, कृष्ण काव्य भी है, दशम ग्रंथ की बात कर रहे हैं। हाँ। पर एक बात जो आर्य समाज के कारण हुई वो देखिए कि सत्यार्थ प्रकाश छपने के बाद जो पढ़े लिखे पंजाबी थे जिन्हें देवनागरी लिपि का ज्ञान नहीं था, वो केवल फारसी लिपि के माध्यम उर्दू के साथ जुड़े हुए थे। तो जैसे ही सत्यार्थ प्रकाश आता है, लाहौर में हिंदी में छपता है, अमृतसर में हिंदी में छपता है, तो लोगों ने देवनागरी लिपि सीखनी शुरू कर दी, ताकि हम सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ सके। एक तो ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम था, और बहुत सारी एक और फैक्ट आप देखिए, वहाँ पुस्तकालय है, दरबार साहब हरमंदर साहब का पुरातन पुस्तकालय, तो उसमें सत्यार्थ प्रकाश आर्या समाज के घरों में देवनागरी लिपि में हाथ से लिखा हुआ आज भी कई प्रतियां पड़ी थी, क्योंकि आर्या समाज से जुड़े हुए जो परिवार थे वो अपने हाथ से गुरमुखी लिपि में भी लिखते थे और देवनागरी लिपि में भी बड़ी खूबसूरत देवनागरी लिपि में लिखकर रखते थे। एक बात आप देखिए जो बड़ी दिलचस्प है कि सत्यार्थ प्रकाश का लोगों में प्रभाव देखिए, ये केवल हिंदू परिवारों की बात नहीं है, जितने पंजाबी परिवार उस समय संपन्न पंजाबी परिवार थे, छोटे मोटे व्यापारी थे, और खास करके जो क्षत्रिय परिवार थे लाहौर के अमृतसर के, जब बेटी की शादी होती थी तो कुछ किताबें किताब उसको दी जाती थी बेटी के दहेज में, और दहेज में सत्यार्थ प्रकाश दिया जाता था। लाहौर के बाजारों में जो कपड़ा बेचते व्यापारी थे ना, तो वो जब दहेज का सामान दे देते थे तो कहते थे बहन जी 2 मिनट रुकिए, ये सत्यार्थ प्रकाश ना बिटिया के लिए हमारी हो। ये पंजाब का पूरे का पूरा एक उस समय का माहौल था। और एक अंतिम बात, क्योंकि तो हिंदी में मैडम ने काफ़ी अच्छी बातें की, हिंदी के एक बहुत बड़े लेखक हैं, पंजाबी के भी हैं, वो देवेंद्र सत्यार्थी, पंजाबी में उनका बहुत नाम है, हिंदी में भी उन्होंने उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी, संस्मरण लिखे। देवेंद्र सत्यार्थी संगरूर के पास एक गांव है पंजाब में, वहां के रहने वाले हैं, और लाहौर में ज्यादा देर रहे, तो वो बड़े आप जानते हैं गिर घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, उन्होंने लोकगीत इकट्ठे किए, उनको लोक यात्री कहते थे, और वो देखिए वो व्यक्ति गुरुकुल कांगड़ी से जुड़ा हुआ था। अब नामकरण देखिए आप, सत्यार्थ प्रकाश का एक संस्करण बहुत बाद में 42-43 के आसपास, सत्यार्थ प्रकाश साल में 2 बार लाहौर प्रिंटिंग प्रेस से छपता था, तो देवेंद्र सत्यार्थ वहां लाहौर में उन्होंने पूछा कि किस व्यक्ति को हिंदी आती है, तो देवेंद्र सत्यार्थी यंग थे, पंजाबी
जानते थे, हिंदी जानते थे, गुरुकुल कांगड़ी के साथ उनका संबंध था और संस्कृत से भी परिचित थे। तो लाहौर प्रिंटिंग प्रेस वालों ने देवेंद्र उस सत्यार्थी जी के साथ संपर्क किया, तो उन्होंने सारे प्रूफ पढ़े सत्यार्थ प्रकाश के हिंदी में। वो सत्यार्थी शब्द नहीं लिखते थे, कोई तखल्लुस नहीं रखा हुआ था, देवेंद्र लिखते थे। और जब वो उन्होंने प्रूफ पढ़े तीन चार बार, सत्यार्थ प्रकाश छप गया। सत्यार्थ प्रकाश का लाहौर में विमोचन होना था कि जी इतना खूबसूरत हमने छापा है, और देवेंद्र वहां उन्होंने कहा इस व्यक्ति ने प्रूफ पढ़े हैं, तो देवेंद्र ने कहा कि मैंने केवल प्रूफ नहीं पढ़े, मेरा कायाकल्प हो गया है, मैंने अपना नाम देवेंद्र सत्यार्थी रख लिया है। और देवेंद्र सत्यार्थी हिंदी में पंजाबी में इसी नाम से एक बड़े लेखक जाने गए। सत्यार्थ प्रकाश का यह जादू पंजाबियों के सिर चढ़कर बोला। बहुत बढ़िया दिनेश जी। मैं जो अभी सुषमा जी ने पेपर पढ़ा है, ये एक तरह से संपूर्ण पेपर हम कह सकते हैं इसको। जो मैं एक बात बोलना चाह रहा था, आदरणीय बेदी जी ने उसकी तरफ संकेत किया है, दसम ग्रंथ जो गुरु गोविंद सिंह जी का है, 17वीं शताब्दी के आसपास का है, मैंने वो पूरा पढ़ा है, उसकी समीक्षा भी हम लोगों ने की है। तो जो आप बता रही थी जो विवाह भानु के संदर्भ में, विशेषकर कि ऐसी हिंदी जो संस्कृत भी लगती है, तो इस तरह के संकेत दसम ग्रंथ में चंडी चरित्र में प्राप्त होते हैं, अपारम पारम इस तरह से है उसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रज की भाषा है, जो अवधी भाषा है, तो वो रूप जो है आता गया और संस्कृत का रूप बिगड़ता गया। तो अवधी, ब्रजी और ये कोरवी भाषा जो कोरवी मेरठ के आसपास की है, तो ये सब एक मिश्रित रूप हो गया जो है। तो वो बेदी जी ने जो बात कही है, मैं भी वही बोलने वाला था। तो ये पीछे से चली आ रही है, ये लगभग 17वीं शताब्दी से ये धारा चली आ रही है। तो स्वामी दयानंद के समय में भी ये थी, तो स्वामी जी ने इसलिए इसका प्रयोग किया। नंबर दो, जो भजन साहित्य की बात आप कर रही थी, तो मुझे अभी ध्यान आया कि तीन भजन बड़े पॉपुलर हुए हैं। एक है आरती जय जगदीश हरे, और एक है प्रताप नारायण मिश्र का पितु मातु सहायक स्वामी सखा, और तीसरा लोकनाथ तर्क वाचस्पति की है यज्ञ रूप प्रभो हमारे। अब आप ये देखिए आप कि श्रद्धाराम फिल्लोरी उस समय आर्य समाज के स्कूल में पढ़ाते थे, और शायद ज्वलंत जी इस बात की पुष्टि करेंगे कि उनको 5 रुपए मिलते थे या 3 रुपए मिलते थे। तो जब क्रिश्चियन स्कूल वालों ने उनको 2.5 रुपए बढ़ा करके दिए, तब उन्होंने ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया, ईसा मेरा राम रमैया ये कविता लिखी, जिसको पढ़ करके स्वामी श्रद्धानंद की पुत्री वेद कुमारी जब घर आई, तो तब ये जो कन्या महाविद्यालय है जलंधर का, वो उसके मूल में यही श्रद्धाराम फिल्लोरी की ये कविता थी जो ये पढ़ने श्रद्धाराम फिल्लोरी है ना, पूरी ग्रंथावली एडिट की है जी जी। और ये जो ओम जय जगदीश हरे है जी जी, बल्कि वो ऐसे तो सनातन धर्म के प्रचारक थे जी, पर जैसे ही ईसाई मिशनरी लुधियाना में आकर डेरा डालते हैं और वो लोगों में धर्मांतरण की लहर जाती है, और ठीक बल्कि उसी समय आर्य समाज का एक बहुत बड़ा पंजाब में आंदोलन चलता है और धर्मांतरण को लेकर बड़ी बहस होती है, तो उस समय ये आरती आई ओम जय जगदीश हरे। और इसका प्रभाव देखिए, पहले मंदिरों में कई तरह की आरतियां गाई जाती थी और मंदिरों का परस्पर काफी आरती को लेकर मन भेद रहता था। जैसे ही ओम जगदीश हरे आरती आई, तो उत्तरी भारत मंदिर जुड़ गए, इस आरती के साथ जुड़ गए, और ये खड़ी बोली की पहली आरती है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। और ये पंजाब के इन लेखों का ये बहुत ये आर्य समाज का प्रभाव है। शिवानंद स्वामी आर्य समाजी थे? नहीं, आर्य संघ में पढ़ाते थे वो जो है, बल्कि नहीं वो ठीक कह रहे हैं, उनका कोई ऐसा संबंध नहीं था, पर आर्य समाज का प्रभाव जब वहां हुआ लुधियाना में, हाँ पहली प्रिंटिंग लगी,
तो उन्होंने मतलब के इनडायरेक्टली देखा कि जितने आर्य समाजी हैं ये वेद का प्रचार कर रहे हैं और हिंदी में कर रहे हैं और हिंदी में कर रहे हैं, तो उन्होंने ये एक बात समझ ली और छोटे छोटे पैम्फलेट निकालने शुरू किए। जैसे मैं खत्म कर रहा हूँ, नहीं नहीं है बिल्कुल ठीक है, उपनिषदों की कहानियां, दूसरी कहानियां, लेकिन इस पे तो प्रभाव है, ये सारी चीजें थी संबद्ध बात। पर वो जो आर्य समाज का प्रभाव था, उस प्रभाव के अधीन पंडित शारदाराम फुलौरी ने हिंदी में लिखना शुरू किया और हिंदी का पहला उपन्यास भाग्यवती पंडित शारदाराम फुलौरी ने लिखा। और ये इसके जो पीछे है ना, वो आर्य समाज की हिंदी की प्रेरणा कड़ी है। कहा ही नहीं उनको, मैंने नहीं कहा, सत्यार्थ प्रकाश का खंडन किया था उन्होंने, वो तो छपा था उनके अगले वक्ता। आज के हमारे इस सत्र के अगले वक्ता, आज के प्रत्यक्ष रूप से बोलने वाले अंतिम वक्ता, क्योंकि अभी एक वक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे अमेरिका से, विश्रुत आर्य जी, तो इसलिए उनका समय भी हमें ध्यान में रखना होगा। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री जी को। यहाँ बैठे सभी लोग उनसे प्रायः परिचित हैं, जो नहीं परिचित हैं उनके लिए, आपने PhD की है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से और 3 दशक से अधिक आपने स्नातकोत्तर छात्रों को वेद, व्याकरण और भाषा विज्ञान पढ़ाया और 14 छात्रों ने उनके निर्देशन में शोध कार्य किया। RRPG कॉलेज अमेठी, राजा रणंजय सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आप पूर्व अध्यक्ष और संस्कृत विभाग में रहे, पूर्व समन्वयक संस्कृत विभाग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, 20 पुस्तकें प्रकाशित हैं जिनमें से 3 पुस्तकें विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में निर्धारित हैं और शेष 15 पुस्तकें वेद, दर्शन, कर्मकांड, ऋषि दयानंद और आर्य समाज से ही संबंधित हैं। 18 पुस्तकें संपादित हैं, 250 से अधिक लेख, 36 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हैं। ऋषि दयानंद की प्रामाणिक जन्मतिथि, इस विषय पर आपने शोध कार्य किया है और इस पुस्तक में के प्रकाश में आने के बाद सभी आर्य विद्वानों की सम्मति बन गई और 1992 में सार्वदेशिक सभा ने भी ऋषि दयानंद की जन्म तिथि फाल्गुन कृष्ण पक्ष दशमी, तदनुसार 12 फरवरी दयानंद जयंती मनाने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, आप उसके सदस्य हैं वैदिक विद्वान के रूप में। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक की प्रेरणा से प्रोफेसर भारती और प्रोफेसर जिज्ञासु जी के सहयोग से आपने ऋषि दयानंद की जीवनी, उनका साहित्य, आर्य समाज का इतिहास आदि विषयों पर पिछले 36 वर्षों से इन्हीं को अपने लेखन और अध्ययन और शोध का विषय बनाया हुआ है। आर्य समाज की विभिन्न संस्थाओं, अनेक शैक्षिक और सामाजिक संस्थाओं से आपको सम्मानित किया जा चुका है। 15 वर्ष की आयु से आज तक देश के कोने कोने में अनेक महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, सम्मेलनों और आर्य समाज के वार्षिकोत्सवों में असंख्य भाषण कर चुके हैं। ऋषि दयानंद जीवन चरित के विविध प्रसंगों में आपका विचार प्रोफेसर भारतीय तथा प्रोफेसर जिज्ञासु ने भी इनके नामोल्लेख पूर्वक अपने ग्रंथों में उद्धृत किया है और वैदिक पथ पत्रिका का, जो मासिक पत्रिका है, 10 वर्षों तक आपने संपादन किया है। मैंने लंबा परिचय दिया है और उनको विषय भी मैंने बहुत लंबा दिया है, क्योंकि पहले दिल्ली में भी मैंने उनको एक लंबा विषय दिया था, उसका पत्र अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। आधा वो है अभी, आधा वहां मैंने दिया था महर्षि दयानंद से प्रभावित, क्योंकि वो था वेद और स्वामी दयानंद, तो आपको मैंने विषय दिया था महर्षि दयानंद से प्रभावित परवर्ती वेद व्याख्याकार, और उसमें आपने 5 वेद व्याख्याकारों का विवरण दिया है और शोध पूर्ण विवरण होगा उसमें, कोई मैंने अभी देखा नहीं है। यहाँ के लिए मैंने विषय दिया था इलस्ट्रियस एंड डेडिकेटेड फॉलोअर्स ऑफ दयानंद सरस्वती,
तो दयानंद निष्ठ जो सुविख्यात आर्य विद्वान हैं, उनमें से पांच आपने यहाँ के लिए चुने हैं, पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, पंडित भगवत दत्त, पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु और पंडित युधिष्ठिर मीमांसा, क्योंकि ये ऐसे नाम हैं जिनकी जीवन और कृतित्व के बारे में सूचनाएं बिखरी बिखरी मिलती हैं, थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं किंतु वो एकत्र नहीं है। इसी तरह वहां जो पांच वेद भाष्यकारों पर किया था वो नाम आपने बताए, पंडित सत्यव्रत सामश्रमी, पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, पंडित मधुसूदन ओझा, योगीराज श्री अरविंद और पंडित वासुदेव शरण अग्रवाल। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपने किया है मेरे निवेदन पर, बहुत आभार। और अब आप अपना समय आधा घंटा ले सकते हैं, जब तक विश्रुत जी जुड़े तब तक। जी वहाँ वाला लेख हमने दे दिया है, अभी देखा वो उसके अंदर छिपा हुआ था, और यहाँ वाला आधा दिया और आधा कल तक दे दूंगा। तो मुझे लगा एक ही इतना लंबा और कल से मुझे समय नहीं मिला तो मैंने अभी खोल के दिया। उनकी तो पूरी एक पुस्तक तैयार हो जाएगी इन दोनों लेखों को मिलाकर। भूतम च भव्यम च सर्वम यशादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यम क्रंदसी अवसातस्त भाने अभ्यैक्षेताम रजसा देजमाने यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषाभिधेम। ओम शांति शांति शांति। ये भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला की सम्मान्य अध्यक्षा बहन प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी, प्राच्य विद्या साहित्य और संस्कृति के अनथक अध्येता प्रोफेसर मेहता साहब, हमारे बीच में दो विश्वविद्यालयों के कुलपति और पुराने पूर्व उपकुलपति कुलपति भी हैं, और मैं शायद नामोल्लेख करूं तो मैं जो बोलना चाहता हूं लंबा सा वो कम हो जाएगा, तो इसलिए मैं सबको सादर आदर पूर्वक प्रणाम करके मैं अपनी बातें रखता हूं। मैंने जैसा कि मेरे बारे में कहा गया, 1988 में पंडित दृष्टि मीमांसक जी ने हमसे कहा, जिनकी प्रेरणा से मैंने पीएचडी का विषय लिया था, बहन जी ने बताया है 800 वर्ष पुराना हस्तलेख है ऋग्वेद के आठवें अष्टक पर, और वो हस्तलेख है भट्ट गोविंद का भाष्य है, और भट्ट गोविंद का काल सायण और वेंकट माधव से भी प्राचीन है, और उसका हस्तलेख इतिफाक से केवल एक ही जगह है, सरस्वती भवन बनारस के अंदर। भगवत दत्त जी ने जब अपने वैदिक वाग्मयिक इतिहास तीन खंड में लिखे तो उनकी, वो तो बहुत बड़े स्कॉलर थे, क्या बात, तो वो लिखने के बाद छपने के बाद भी जो भी नई नई सामग्रियां आती जाती थी वो सब लिखते जाते थे अगले एडिशन के लिए। उनके मर जाने के बाद सत्यश्रवा जी, जो उनके विद्वान पिता के विद्वान पुत्र थे, शायद अभी हूं सत्यश्रवा जी मैं नहीं जानता, तो उन्होंने जब सेकेंड एडिशन छापा तो उसमें कहा कि इस पर काम होना चाहिए। मैं जब एमए कर लिया तो पंडित मीमांसक जी ने कहा, मैं उनके सानिध्य में बहुत रहता था, पूछता रहता था कि देखो ज्वलंत तुम ये काम करो, बनारस में हो, बनारस में सरस्वती भवन है, तो उन्होंने मुझे हस्तलेख पढ़ना सिखाया। वहाँ गए, कई दिन आए हुए थे, बनारस आते थे पाणिनि विद्यालय में, हमको हस्तलेख को कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे संपादन करना है। इतनी पुरानी हस्तलेख होने के नाते आधुनिक टेक्निक थी नहीं, 1930 में उसको रीवा से ब्रजवल्लभ द्विवेदी ले आए थे, और उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने दोनों ओर मोटे टिशू कागज लगा दिया था, अब उसके कारण पढ़ा नहीं जाता था, इतनी मोटे शीशे से पढ़ाते हुए काम किया, तो बात वो बहुत लंबी हो जाएगी, उसको हम नहीं कहेंगे। तो हमने जो चिंतन किया, मीमांसक जी ने भी कहा कि ये काम और करो, अष्टाध्यायी महाभाष निरुक्त ये सब हमारी परंपरा के बहुत विद्यालय खुल गए हैं और काम होगा, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि जो भगवत दत्त जी ने हमको कहा, कृष्णदयान के जीवन पर, उनके पत्र व्यवहार पर, उनके साहित्य पर, संपादन के दृष्टि से, शोध के दृष्टि से, आर्य समाज के इतिहास पर, जो ऐसा वो काम खुद करते रहे थे, हरबिलास शारदा ने जब पुस्तक लिखी तो उन्होंने पूरा एक चैप्टर विभाषा जी से लिखवाया स्वामी जानकी ग्रंथों पर, इसका ट्रांसलेट करके उन्होंने हरबिलास जी ने दिया,
इंद्रविद्या वाचस्पति की जब आर्समाज के इतिहास सभा दो वॉल्यूम में, तो उन्होंने भी इंद्र उसकी सुझाव का पालन किया। तो उन्होंने कहा जो लोग तुम ये काम करो कि इस पर काम करो, स्वामी दयानंद के ऊपर काम करो, आर्समाज के इतिहास पर काम करो, आर्समाज के विद्वानों पर काम करो। तो मैंने सोचा, तो मुझे लगता है, मेरा अपना विचार है कि 1875 से लेकर के 1925 तक, जिसमें आर्समाज की प्रथम ऋषि दयानंद की प्रथम जन्म शताब्दी मनाई गई, ये काल स्वर्णिम काल है। जैसे इतिहास में हम पढ़ते हैं स्वर्ण काल और रजत काल, ताम्र काल, लौह काल, तो मैं आर्समाज के इतिहास से उसको स्वर्णिम काल मानता हूँ, जिसमें 1925 में मथुरा नगरी में महात्मा नारायण स्वामी और स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में ऋषि दयानंद की प्रथम जन्म शताब्दी मनाई गई। और उसका आंकड़ा है कि कब से कब उसमें 2.5 लाख की उपस्थिति थी और अधिक से अधिक 4 आकलन किया गया है। और उसमें 38 लोगों को मंच पर यथा अवसर खड़ा किया गया, उन लोगों को जिन्होंने ऋषि दयानंद के साक्षात दर्शन किए थे और उनके प्रवचन किए थे, उनके प्रवचन सुने थे। और 20 ऐसे विद्वानों ने भाषण दिया जिसमें पंडित चमुपति हैं, पंडित बुद्ध विद्यालंकार हैं, स्वामी सत्यानंद जी हैं जिन्होंने श्रीमद दयानंद प्रकाश जिसका कोट बहन जी कर रही थी वो हैं, स्वामी अच्युतानंद हैं, माने एक से एक नारायण स्वामी हैं, स्वामी सत्यानंद हैं। तो वो काल जो है आर्समाज का स्वर्णिम काल है। 1925 के बाद 1950 तक का क्षरण होता है, वो काल मैं उसको रजत काल मानता हूँ। और 1950 से 75 तक का मैं ताम्र युग मानता हूँ। 75 के बाद का नामकरण देना ठीक नहीं है, उसको कौन युग में ले जाए, इसलिए उसका उसकी कौन सा, अब तो 20 के बाद तो लौ से 2000 तक था, लौ के बाद तो मृत काल हो जाएगा, पाषाण काल में आ जाए, सब सही कह रहे हैं पाषाण काल। तो मैंने दो तीन बातें सोची, बता देता हूँ कि यदि हमें कम से कम न्यूनतम 11 लोगों को पढ़ना हो, 11 लोग को पढ़ना हो और आर्य समाज को समझने के लिए, तो ऐसे 11 कौन होंगे। तो मैंने सोचा है पहले विरजानंद जी, मैंने उन पर आर्टिकल लिखा है बड़ा शोधपूर्ण, दूसरे स्वामी दयानंद जी, और तीसरे नंबर आएंगे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, चौथे नंबर पर पंडित लेखराम, पांचवें नंबर पर स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय, स्वामी दर्शनानंद सरस्वती और स्वामी समर्पणानंद सरस्वती। मैं लंबी और हो सकती है लाइन, लेकिन 11 लोगों में हमें केंद्रीभूत करना हो तो इन 11 को आप किसी को छोड़ नहीं सकते। इसी प्रकार स्वामी दयानंद का जो बौद्धिक दाय है, जो सैद्धांतिक मंतव्य है, जिसके पृष्ठभूमि में वेद और समस्त आर्ष वांग्मय है, उनकी पुष्टि जो ऋषि दयानंद ने की है अपने ग्रंथों में, 38 ग्रंथ हैं, 20,000 पृष्ठ है, मिनिमम 15,000 पृष्ठ, मौलवी महेश प्रसाद आलिम फाजिल ने 15,000 पृष्ठ माना और पंडित युष्टि मासक ने 20,000 पृष्ठ माना स्वामी दयानंद के समग्र वांग्मय का, जिसमें ऋग्वेद के 7,000 से ज्यादा मंत्र है, सातवें मंडल के सातवें सूत्र के दूसरे मंत्र तक, यजुर्वेद का पूरा 1975 मंत्र है, और सामवेद अथर्ववेद के भी सैकड़ों मंत्र ऋषि दयानंद के विभिन्न ग्रंथों में आए हैं, अर्थ सहित आए हैं। यहाँ तक ये संस्कार विधि का जो प्रथम संस्करण है उसमें भी बहुत वैशिष्ट्य है, कई ऐसे मंत्र हैं जिनका अर्थ संस्कार विधि के द्वितीय संस्करण में नहीं आया लेकिन प्रथम संस्करण में आ जाता है। तो इस प्रकार ये चीजें हैं। और जानकारी कितनी आर्य समाज के बारे में, मैं कभी कभी बहुत दुखी हो जाता हूँ कि बड़े बड़े नामचीन लोग भी आर्य समाज को कितना गलत ढंग से पेश करते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन देते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि नामवर सिंह का नाम सारी दुनिया में बजता है, और नामवर सिंह जैसे हस्ती ने यह लिखा कि स्वामी दयानंद ने तो केवल 75 मंत्रों का भाष्य किया है। मैं प्रमाण सहित बोल रहा हूँ, सहस्त्राब्दी आलोचना के जिसके संपादक थे, 2001 के सहस्त्राब्दी अंक आलोचना में उन्होंने लिखा स्वयं, और उसकी शीर्षक लेकर रखा इतिहास की सौ साधना, और उसमें उन्होंने कहा कि चूंकि स्वामी दयानंद ने केवल 75 मंत्रों का भाष्य किया है, इसलिए जबरदस्ती वेद में राष्ट्रवाद सिद्ध करने के लिए दामोदर सातवलेकर के भाष्य के आधार पर रामविलास शर्मा ने यह राष्ट्रवाद खड़ा किया है। यद्यपि रामविलास शर्मा अभी मार्क्सिस्ट थे, भारत में मार्क्सवाद उनकी बड़ी प्रख्यात कृति है, और जहां तक मैं जानता हूं कि पूरे पूर्वी एशिया में मार्क्सवाद पर हिंदी में इतना ज्यादा किसी ने लिखा नहीं है। लेकिन वो इसलिए उनके विरोधी थे नामवर सिंह कि उन्होंने वेद पर काम करना शुरू किया, उन्होंने एक जगह लिख दिया कि मैं दयानंद सरस्वती से 80% सहमत हूं। तो इस प्रकार लोग, बड़े बड़े नामचीन लोग भी आर्य समाज की कितनी मिथ्या प्रस्तुति करते हैं। तो इस ऐसे स्थिति में जो स्वामी दयानंद का वांग्मय है और उनकी पुष्टि में जिसने रात दिन परिश्रम करके मेहनत का काम किया है, उसमें 5 लोगों को भी हम नहीं छोड़ सकते, जैसे उन 11 लोगों को नहीं छोड़ सकते, इसमें 5 जिनको हम नहीं छोड़ सकते, उन्हें पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, पंडित भगवत दत्त, पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु और पंडित युधिष्ठिर मीमांसक।
ऐसा कहने में किसी और विद्वान की कोई हे भावना नहीं है, लेकिन इनको पांच को आप छोड़ करके नहीं समझ पाएंगे ध्यान के भाग में को जिन्होंने समझाने की कोशिश की है। लेखराम जी को मैंने क्यों रखा है, बहुत लोग समझते हैं कि लेखराम जी तो फारसी जानते थे, अरबी जानते थे, उर्दू में जैसा कि अभी बात चल रही थी, लेखराम जी को पहला श्रेय जाता है कि फारसी लिपि की लिखी हुई उर्दू की समस्त रचनाओं में सबसे ज्यादा संस्कृत के शब्द लेखराम ने प्रयोग किए हैं और उसके प्रेरणा उनको स्वामीध्यान से मिली, क्योंकि स्वामीध्यान के ग्रंथ का वो इतना मनन पूर्वक अध्ययन करते थे और सबको फारसी में मूल शब्द के साथ उन्होंने रखा। ऐसे लेखराम जी का जन्म तो हुआ था 8 चैत्र संवत 1915 1858 ईस्वी को, 6 मार्च 1897 को उनको लाहौर में बलिदान हो गया। और लंबी बहुत सारी बातें उनके बारे में नहीं कहेंगे, बचपन से आस्तिक बहुत थे, इतनी बड़ी आस्तिकता थी, जबकि आर्य समाज में संपर्क में आने के पहले, स्वामीध्यान के संपर्क में आने के पहले क्या किया कि वो कुरान के भी पाठ कर लेते थे, बाइबिल भी पढ़ लेते थे, कब्रों में माथा भी रगड़ लेते थे, जप जी का भी पाठ करते थे, लेकिन जब उनको एक पत्रिका में पता लगा कि स्वामी दयानंद हैं, उनके ग्रंथ उन्होंने मंगवाया, अब पढ़ने के बाद उनके मन को शांति मिल गई और सच्चे आस्तिक बन गए। 16 मई 1881 को नहीं उन्होंने 11 अप्रैल 1881 को पूरी तरह वैदिक धर्म के सिद्धांतों पर उनकी निष्ठा जम गई, तब उन्होंने सोचा कि हमें ऋषि ध्यान से मिलना चाहिए। वो पहुंचे 16 मई 1881 को अजमेर पहुंचे, आज का इतना आसान यातायात नहीं था, वो छुक छुक बहुत लोगों को पता है, गाड़ी चलती थी वो ट्रेन कोयला जिससे उड़ता था, 2.5 दिन लगा उनको वहां पहुंचने में, कितने कष्ट से पहुंचे, लिखा है उन्होंने कि ऋषि का वो मैं दर्शन जब किया पैर छुआ रास्ते के सारे कष्ट भूल गए। उन्होंने यहां तक लिखा है कि मैं 10 प्रश्न लेकर गया था कि स्वामी जी से 10 प्रश्न करूंगा, उन्होंने प्रश्न किए भी, और जब लिखने लगे तो उन्होंने लिखा है कि इतना चित्त समाहित हो गया है, जब उनकी स्मरण शक्ति बहुत विलक्षण थी, कि 10 में से 7 प्रश्न और उनके दिए उत्तर भी भूल गए, उस 3 प्रश्न उनको याद रहे। एक प्रश्न उन्होंने ये पूछा था कि आकाश भी व्यापक है और ईश्वर भी व्यापक है, तो दोनों व्यापक एक साथ कैसे रह सकते हैं, मामूली प्रश्न नहीं है, आकाश भी व्यापक है सब शास्त्रों में कहा और ईश्वर भी व्यापक है। स्वामी जी ने कहा, आप सभी जानते हैं, विदुषी बहन जी तो जानती हैं, आत्मना आकाशसंभूत आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप अद्य पृथ्वी, अग्नि वायु आदि व्यापक हैं। उन्होंने सामने पत्थर पड़ा था, ऋषिदान की प्रेजेंस माइक देखिए, तुरंत देखा उन्होंने पत्थर पड़ा, पत्थर उठा लिया, उन्होंने कहा कि बोलो इसमें अग्नि व्यापक है कि नहीं, इसमें वायु व्यापक है कि नहीं, ठीक है हाँ। तो स्वामी ने कहा, जो वस्तु जिससे सूक्ष्म होती है वह उसमें व्यापक होती है, आत्मा आकाश, आत्मा से मतलब परमात्मा से है, ज्ञानाधिकरण आत्मा सच द्विधा जीवात्मा परमात्मा चेती, इसलिए उपनिषद में बहुत ऐसे स्थल हैं जहां आत्मा से परमात्मा का बोध होता है, वहां जीवात्मा मत समझिएगा। तो आत्मा आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इसमें उत्तरोत्तर स्थूलता है, ये अपने से पूर्व पूर्व में व्यापक हैं, इसी प्रकार आकाश से भी ब्रह्म सूक्ष्म है और इसलिए ब्रह्म में आकाश व्यापक है। केशव चंद्र सेन ने प्रश्न किया था वहां कलकत्ता में स्वामी जी से, एक श्लोक बनाए थे, केशव चंद्र संस्कृत थोड़े बहुत जानते थे और उस श्लोक बनाने में इनका भी योगदान था, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर का, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिताश्री थे, उसमें श्लोक ये था कि इदम विशालम विश्वम ब्रह्म मंदिरम, ये जो विशाल विश्व है यही ब्रह्म का मंदिर है। तो आपको सबको सुनकर लगेगा हाँ ठीक तो है, लेकिन स्वामी ध्यान ने क्या जवाब दिया, स्वामी का नहीं ठीक नहीं है, विश्व मंदिर है ब्रह्म का तो ब्रह्म छोटा हो जाएगा, स्वामी ने कहा ब्रह्म है विश्व का मंदिर, त्रिपाद श्यामृतम दिवि, एक पादी विश्व है तो विश्व का मंदिर ब्रह्म है, विश्व ब्रह्म में समाहित है, विश्व में ब्रह्म होगा तो उससे छोटा हो जाएगा। इस प्रकार सूक्ष्म बातें उन्होंने कही और उस बात को हम कम कर देंगे नहीं तो, क्योंकि हमारा हो नहीं पाएगा। एक बात धर्म और पंडित जी के बारे सुन लीजिए, लेखराम जी क्या किए कि शौच आदि गए, लौट क्या है पता चला पानी नहीं है, अब बिना पानी की संध्या कैसे करें, तो उन्होंने ऊपर चढ़े गए छत पर संध्या करके चले आए, तो स्वामी श्रद्धानंद ने पूछा महात्मा मुंशी राम जी ने, पेशावरी संध्या हो गई, उन्होंने कहा कि स्नान कर्म है, संध्या धर्म है, पानी मिले स्नान हुआ न हुआ कोई फर्क नहीं, धर्म का पालन करना अनिवार्य है, यदि हम धंधा नहीं करते हैं तो उसका करने न करने से पाप होगा। जवाब देखिए कितना जोरदार जवाब है। एक बार उत्सव से आए थे
तुरंत बाहर जाना था, वर्षा हो रही थी, कपड़े भीग गए और कपड़े हैं नहीं, तो कहा लाला जी मैंने महात्मा मुंशीराम जी अपने कुछ कपड़े दे दीजिए, मैं उत्सव में जाना दे दिए कपड़े। तो उन्होंने क्या किया कि लाला जी के दिए कपड़े अंदर पहन लिए बनियान की जगह, और अपना जो मैला कपड़ा था ऊपर पहन लिया और चलने लगे। तो लाल मुंशीराम ने कहा ये क्या, तो कहा देखो हमारा शरीर का जो अंग है उसमें शुद्ध वस्त्र होना चाहिए, बाहर का क्या पता, कोई कुछ भी कहे, इसलिए शरीर को हमने मैला न रहने, इसलिए उसके लिए मांगा है आपसे कपड़ा, बाहर दिखाने के लिए हमने आपसे ये साफ कपड़ा नहीं मांगा है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं उनके जीवन में, ऋषि भक्ति उनमें बड़ी जबरदस्त थी। एक बात और बताना चाहूंगा, डॉक्टर सत्य प्रकाश जी ने हमसे प्रश्न किया था, दो लोग, एक लोग बहुत गलत घुस गए लाहौर में स्वामी जी से झूठ बोल करके, वो थे राय बहादुर मूलराज, पढ़ा लिखा आदमी था, असिस्टेंट कलेक्टर था, एमए पास था, वो मांसभक्षी था, मांसभक्षी हो जा बहुत लोग होते हैं, लेकिन उसकी गलती ये थी कि उसने उसको जस्टिफाई करता था। एक बार लेखराम जी के साथ अजमेर में मीटिंग हुई तो उसमें मूलराज ने कहा कि ये स्वामी दयानंद तो चाहते थे मांसभक्षण का समर्थन दे देना, लेकिन जैनियों ने उनको इतना बाध्य कर दिया कि जैनियों से प्रभावित होकर के उन्होंने मांसाहार का विरोध कर दिया। अब लेखराम लिखा है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत की पुस्तक है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स पेज 74 पर लाला लाजपत राय ने इंग्लिश में लिखा है, उसका मैं अनुवाद बता रहा हूं, कि ये सुनते ही लेखराम जी कांपने लगे गुस्से से और उनके आंखों से झरझर 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 आंसू गिरने लगे, क्योंकि ऋषि दयानंद के ऊपर इतना बड़ा आक्षेप किया गया था। अमूलराज की बात इतनी गलत थी, इसके बारे में राजन जिज्ञासु ने और मीमांसक जी ने काम करके पता लगाया कि कितना गलत आदमी था वो। 1833 में वही मूलराज जो लेखराम जी के सामने कहा था 1897 से पहले कि जैनियों के कारण स्वामी दयानंद ने मांस भक्षण को निषिद्ध किया, और वही मूलराज 1933 में पुस्तक छपाई 10 प्रश्न, और उसमें लिख दिया उस 10 प्रश्न में कि ये मुंशी समर्थ दान जो थे मैनेजर, वो उसने गड़बड़ कर दिया, स्वामी दयानंद तो चाहते थे मांस भक्षण लेकिन उसने काट के वो मांस के विरोध की बात कर दी, और झूठे के पांव नहीं होते। अब तीसरा उसका स्टैंड देखिए क्या कहा, तीसरी बात उसने ये कर दी, ये बैठे हुए शर्मा जी, डेवी मैनेजिंग कमेटी ने 1975 में उनकी बायोग्राफी छापी, किनकी, मूलराज की, उसका नाम है बिगनिंग ऑफ पंजाबी नेशनलिज्म, उसमें वो लिखता है कि पंडित लेखराम के कारण सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण में मांस भक्षण को हटा दिया गया। माने एक आदमी 3 स्टेटमेंट दे रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं कैसे कैसे बिहड़ लोगों से सामना करना पड़ा है लेखराम जी को और भगवत दत्त जी उन लोगों को। तो ये बात थोड़ा महत्वपूर्ण बात इसलिए बता दिया, और मैं बहुत सारी बातें उनके बारे में नहीं बताऊंगा कि कैसे वो पुत्र के मृत्यु के बावजूद भी प्रचार करने चले जाते हैं। लाला मुंशीराम ने लिखा है यह ठीक कि व्यक्ति किसी की पुत्र मर जाए, इतना आत्मीय व्यक्ति पुत्र आत्मा भी पुत्र हो जाए तो उसका देहांत हो फिर भी प्रचार के लिए तुरंत निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। मुंशीराम भी लिखते हैं यह ठीक है, यह ऐसा धीरज और इतना अटल ईश्वर विश्वास सब में नहीं हो सकता, परंतु जातियों राष्ट्रों और संस्थाओं का इतिहास ऐसी ऐसी घटनाओं से ही बना करता है, इतिहास के पृष्ठों से यदि त्याग और बलिदान की ऐसी घटनाएं निकाल दी जाए तो शेष ही क्या बचता है। इसलिए लेखराम जी के इस बात को आप समझ लीजिएगा, उन्होंने टिकट कटाया लाहौर से दोराहा के लिए, दोराहा जाना था क्योंकि सूचना मिली थी कि पूरा गांव मुस्लिम होने जा रहा है, टिकट ले लिया, जब उतरने लगे तैयारी करने लगे उतरने का तो सहयात्रियों ने कहा अरे पंडित जी क्या कर रहे हैं, अब मेल गाड़ी है, दोराहा स्टेशन पर रुकती नहीं है। उन्होंने सारे बिस्तर को अपने छाती पर लगाया और पजामा तो पहनते ही तो कूद गए, लहूलुहान हो गए, पहुंचे, पूछा लोगों ने, बताया इसलिए आया हूं, गांव के लोगों ने कहा कि हमारी इस हिंदू जाति में बने रहने के लिए कोई व्यक्ति इतनी दूर से आ रहा है और ऐसा कष्ट झेल रहा है तो चाहे हमारे धर्म में कुछ भी कमी हो अब हम मुसलमान नहीं होंगे, बचाया उन्होंने। और यही नहीं, उसके बाद उनको लोग समाजी लोग ले गए, लाला लक्ष्मण दास सहायक सर्जन के पास ले गए, उनका इलाज किया गया तब जाकर ठीक हुए। तो इस प्रकार बहुत है उनकी जो पूरी सर्जनाएं हैं, लगभग 12 वर्ष तक उन्होंने काम किया है, 3,000 पृष्ठ की तो सामग्री एकत्र की स्वामी दयानंद के बारे में, 5 वर्ष के अंदर 3,000 पृष्ठ की सामग्री इकट्ठी की और उसको छपने पर 1,040 पेज में वो पूरी छपी है। और विद्वानों का ये कहना है कि देवेंद्र बाबू की मुखोपाध्याय की जो जीवनी है वो एक समझने के लिए है जिसे समझ जाती है,
लेकिन रिसर्च के दृष्टि से जितना मैटर पंडित लेख राम जी के में अभी भी है वो उतनी शोधपूर्ण दृष्टि का कोई और जिसी जीवन चरित्र नहीं है। अभी हमारे शर्मा जी राजस्थान पर सुना रहे थे लेख राम जी के लेख में पुस्तक जीवनी में मैंने पढ़ा कि एक जगह सत्य धर्म विचार हमने वेदवाणी में लेख लिखा मीमांसा जी को कि ये क्या बात है कि पुस्तक का नाम तो कोई एक ही होगा, एक में सत्य धर्म है एक में सत्य धर्म है एक में सत्य धर्म है, कौन क्या होगा। अब स्वामी दयानंद ने बोला था, प्रश्न दिया था और उसको कुछ लोगों ने लिख लिया, 24 प्रश्न थे उसके उत्तर थे, उसका नाम था सत्य धर्म विचार। आप आश्चर्य करेंगे कि पोथीखाना जो है जयपुर में, वहां रहने वाले ब्रजमोहन जावलिया हिंदी के प्रोफेसर थे, उन्होंने उनको लगा कि पता लगा है जयपुर के पोथीखाना में, उन्होंने पूरी लिस्ट देखी और पुस्तक मिल गई। माने लेख राम जी के पुस्तक के कारण मैंने प्रश्न उठाया और मीमांसा जी ने उसको छाप दिया और ओरिजिनल पुस्तक मिल गई और उसको फिर यथावत उन्होंने छाप दिया। तो ऐसे तमाम ऐसी चीजें हैं लेख राम के ग्रंथों से जो बड़े प्रकाश पड़ता है। उन्होंने बड़ा एनालिसिस भी किया है, जब काशी शास्त्रार्थ के बारे में सामग्री करने इकट्ठे करने गए तो किसी ने कहा कि 10,000 उपस्थित थी, ब्रजानंद की जीवनी भी सबसे पहले उन्होंने लिखी। सत्यार्थ प्रकाश का पंचम संस्करण का संपादन उन्होंने किया है, लेख राम जी ने किया है, और जो स्वामी जी ने भाषण दिया था पूना प्रवचन, वो भाषण हिंदी में दिया, लेकिन उस समय एक व्यक्ति था मोहन आगाशे मराठी, उसने क्या किया उस भाषण का मराठी अनुवाद किया और मराठी के पत्र में छपवाया। वहां समय के मराठी के तात्कालिक पत्र में 15 प्रवचन स्वामी जी के छपे। लेख राम जी जब जीवनी लिखने लगे स्वामी दयानंद की, तो उन्होंने सोचा कैसे काम चलेगा, ये तो मराठी है। तो उन्होंने प्रार्थना की वहां के आर्य समाज के लोगों से, और उससे प्रार्थना की नरदेव शास्त्री जो गुरुकुल के आप जानते हैं आप वेदपाल जी, उनके पिताजी श्री निवास वो आर्य समाजी थे, उनसे कहा कि वो इसका अनुवाद कराओ। तो उस मराठी पत्र से उसका अनुवाद, तो सबसे पहले हिंदी में अनुवाद लेख राम की प्रेरणा से पुनः प्रवचन का हुआ। ये स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी उपदेश मंजरी के उर्दू में छपी, उसकी भूमिका में ये बात लिखी है। तो उन्होंने पत्र भी बहुत निकाले, आर्य समाचार, भारत सुधार, वैदिक विजय, धर्मोपदेश, ये सब पत्रों में लेख लिखते थे। आर्य गजट के तो वही जन्मदाता हैं, लिखा है इंद्र विद्या वाचस्पति ने कि आर्य गजट के जब संपादक बन गए लेख राम तो उसकी संख्या बहुत बढ़ गई। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और एक बात और कह बिना नहीं रुकना चाहता, वो जो आचार्य रामदेव नंबर एक के वक्ता, बड़े स्कॉलर, पुराणों पर काम, इतिहास का काम, गुरुकुल खाणी के आचार्य रहे, उन्होंने लिखा है कि मैं लाहौर में गया था, विद्यार्थी जीवन था, एक व्यक्ति व्याख्यान दे रहा था, मैं मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगा, मुझे रहा नहीं गया, मैंने पूछा अरे भाई कौन बोल रहा है, बगल वाले से पूछा अरे तुम नहीं जानते हो ये लेख रहा हूं, तो लिखते क्या सुन लूं की बात को सुनिए, मैं व्याख्यान सुनने लगा, सुनने क्या लगा, व्याख्यान ने स्वयं मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। पंडित जी 1 घंटा तक बोले, उनका भाषण सचमुच ज्ञान का भंडार था। अपने व्याख्यान में उन्होंने इतने अधिक वेद मंत्रों, फारसी अरबी के वाक्यों, यूरोपियन विद्वान के प्रमाण और उद्धरण दिए कि मैं आश्चर्यचकित रह गया। मेरे मन में आया कि यदि व्याख्याता बनना हो तो इसे आदर्श बनाना चाहिए, और मैंने अपना सचमुच आदर्श पंडित लेख राम को बनाया। ये आचार्य रामदेव ने लिखा है। एक बात और करके, एक जगह शास्त्रार्थ हुआ, पंडित पौराणिक से भी शास्त्रार्थ करते थे वो लेख राम, तो वो शास्त्रार्थ हुआ तो उसने कहा न तस्य प्रतिमास्ति यस्य न मन्यसः, मूर्ति पूजा के पक्ष में। तो अब यहाँ पंडिताएं सब बैठी हुई हैं और सब लोग यही कहते हैं कि भाई इसलिए ये मंत्र को पदपाठ करने से अर्थ निकलता है, न तस्य तस्य न। लेकिन लेखराम जी ने जो उत्तर दिया, मीमांसा जी ने जब पहली बार उस उत्तर को पढ़ा तो दंग रह गए, कहे कि तो पूर्वजन का प्रबल संस्कार था। लेखराम जी ने कहा
कि यदि नतस्य एक पद है ना तस्य अलग अलग नहीं है, यदि एक ही पद नतस्य है तो यस्य किसके लिए आया है? न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यसा। यदि हम न तस्य को अलग पद मानेंगे तब तो यस्य सार्थक होगा, क्या बात है, लेकिन जब नतस्य को एक मान लेंगे तो यस्य किसके लिए आया है? यह तद और नित्य संबंध, माने जो इतनी बड़ी व्याकरण की गूढ़ बात ये पंडित लेख राम ने, जब युधिष्ठिर महाशय ने जीवनी पढ़ी, जब हिंदी अनुवाद छप गया 1971 में नया मास दिल्ली से, तो महाशय जी कही तो आंखें खुल गई कि लेख राम जी कैसी कैसी बात करते हैं। तो अब इसको हम लेख राम जी को छोड़ते हैं, गुरुदत्त दो ही होंगे, दो ही कब स्थाली पुराक में ऐसे जो हो जाए उसी में आज पांच। अच्छा मैं देख रहा हूँ, गुरुदत्त विद्यार्थी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, 26 वर्ष भी नहीं पाए, 26 अप्रैल 1864 को जन्म हुआ, 19 मार्च 1890 को मर गए एक महीना से पहले ही। 16 वर्ष की उम्र में संस्कृत उर्दू फारसी अरबी हिंदी अंग्रेजी की योग्यता थी, और ऐसे विद्वान थे जिन्होंने फिजिक्स में उसमें नेचुरल साइंस कहा जाता था, एमएससी उसमें एमए डिग्री दी जाती थी, पंजाब विश्वविद्यालय में टॉप किया था, बीए में भी टॉप किया था, और उसमें भारत में कुल 3 विश्वविद्यालय थे, पंजाब विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय और कलकत्ता। पहला आदमी था जगदीश चंद्र बोस, केवल मात्र उनके पहले कलकत्ता के कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर हुए थे, उसके बाद भारत में पहला प्रोफेसर गुरुदत्त हुए, और इतने कम उम्र में उन्होंने लाजपत राय को प्रभावित किया। लाजपत राय ने लिखा है उनको गुरु माना, स्वामी श्रद्धानंद गुरु माना, और दुनिया की अजीब बात कि लोग उन्होंने देखा कि जो अच्युतानंद नाम के एक सन्यासी हैं, धारापुरा संस्कृत बोलते हैं, नवीन वेदांती हैं, तो सोचे कि यदि ये व्यक्ति आर्य समाज में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, और अच्युतानंद मामूली बात नहीं थे, उन्होंने साक्षात किया था स्वामी दयानंद। तो लेख राम जी पहुंचे, कहे हमसे, हमें आपसे उपनिषद पढ़ना है। उपनिषद इन्हें क्या पढ़ना था, इन्होंने तो पूरा खुद महाभाष्य पढ़ रखा था, माने उस जमाने में आज भी कोई फिजिक्स का एमएससी आदमी महाभाष्य पढ़ाने की योग्यता रखे आज भी असंभव है, लेकिन उस जमाने में गुरुदत्त की बुद्धि थी, तो वो पढ़ने लगे, ऐसा ऐसा प्रश्न करने लगे कि 7 दिन 8 दिन के अंदर ही अच्युतानंद डोल गए और कहा मैं गद्दी छोड़ता हूँ, और आर्य समाज के तीनों ने स्वीकार कर ली। तो शिष्य ने गुरु को मत परिवर्तित कर दिया। उसके पहले तो हमने पढ़ा था कि अंबिका दत्त व्यास पढ़ाते थे पटना में श्री शंकर शर्मा काव्य तीर्थ को, और पढ़ाते पढ़ाते दिन बोल गए कि मेरी शास्त्रार्थ हुआ था स्वामी दयानंद से काशी में, तो उन्होंने पूछ दिया शास्त्रार्थ हुआ था तो क्या हुआ था, तो कहा तो हुआ क्या था, हल्ला वल्ला हो गया, फैसला नहीं हुआ, तो कहा उनकी कोई पुस्तक भी है, तो है, कौन सी पुस्तक, तो डरते डरते दे दिए सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेद भाष्य का, उसको पढ़कर शिवशंकर जी गुरु जी को छोड़कर भाग गए, और आप सभी जानते हैं शिवशंकर शर्मा काव्य तीर्थ क्या बात है, वैदिक इतिहासार्थ निर्णय, त्रिदेव निर्णय, जाति निर्णय, श्राद्ध निर्णय, ओंकार निर्णय, इतना भयंकर पुस्तक, सिद्धांतादर्श पुस्तक ली, गुरुकुल कांगड़ी में वेद के प्रोफेसर रहे, पंजाब आर्य परिसभा में प्रथम महोपदेशक रहे, तो ये इतिहास है, तो उन्होंने उनको बना लिया। और एक बात और, डीएवी में तो जो काम किया हमारे शर्मा जी उसको बोलेंगे, उसको नहीं बताऊंगा, उन्होंने कितना लिखा है, दो लोगों की अंग्रेजी बहुत जबरदस्त है, अरविंद की और गुरुदत्त की, पसीने छूट गए जिन लोगों ने अनुवाद किया, भगवत दत्त ने अनुवाद किया, तो उनके सारे गुरुदत्त के लेखों का उस प्रकार। और सुन लीजिए, जो जितनी वैदिक संहिताओं का प्रकाशन हुआ है जिसको लोग समझते हैं वो सब गुरुदत्त का किया हुआ संपादन है, ऋग्वेद का भी, यजुर्वेद का भी, सामवेद का भी और अथर्ववेद का भी, ऋषि देवता छंद उन्होंने स्वामी दयानंद के अनुसार दिए हैं, कई जगह उसमें पता करना पड़ेगा, बहुत सारी बातें हम हटाते हैं यहाँ से। भगवत दत्त जी पर आ जाते हैं सीधे, हमें कभी कभी लगता है कि कैसा ऐसा तो नहीं हो सकता कि गुरुदत्त ही, हमें लगता है कि गुरुदत्त जी के देहांत के बाद गुरुदत्त की आत्मा ही भगवत दत्त में प्रविष्ट हुई, और इसमें काल भी बैठ जाता है, क्योंकि एक आदमी जैसे गुरुदत्त अलौकिक व्यक्ति है, व्यक्ति जो महाभाष्य व्याकरण निरुक्त और कितनी 28 किताबें लिखी, और वैदिक संज्ञा विज्ञान उनकी पुस्तक तो वहां पढ़ाई गई ऑक्सफोर्ड में, टर्मिनोलॉजी पर, पिन कोड पर, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे, बहुत सब लिख रखा है मैंने, 40 पेज में वो है, 52-53 पेज में ये होगा, आधा दिया आधा जाने से पहले आपको दे दूंगा। तो लेकिन भगवत दत्त जी का भी यही है, अमर स्वामी कहते थे कि और लोग तो मंत्र बोलते हैं, वो मंत्र बोलते थे, श्लोक बोलते थे, सूत्र बोलते थे, पता बोलते थे, कितना हजार याद था भगवत दत्त जी को, ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और भगवत दत्त जी ऐसे व्यक्ति थे, वो जन्मना आर्य समाज, लोग पूछते ना कि जन्मना क्या थे, उनके पिताजी बन चुके थे 1877 में अमृतसर में मेंबर आर्य समाज के, और उनकी माता जी बन चुकी थे, तब भगवत दत्त पैदा
पैदा हुई, और जो 38 लोगों का दर्शन कराया गया 1925 में ऋषि दयानंद की जन्म शताब्दी मथुरा में, तिनकी माता जी को भी खड़ा किया गया था, क्योंकि पिताजी तो मर चुके थे लेकिन माता जी थी 38 में, वो भी व्यक्ति थी। भगवत दत्त का कमाल है। उनका और काम तो छोड़ दीजिए, वैदिक वाङ्मय का इतिहास 3 खंड, भारतवर्ष का बृहद इतिहास 2 खंड, भारतीय संस्कृति का इतिहास, वेद विद्या निदर्शन, अथर्वेदीय पंचपटालिका, मांडुक्य शिक्षा, चारायण, और इसके साथ साथ मनु पर, चाणक्य पर, तमाम लोगों पर अध्ययन है। अब तो स्वामी दयानंद संबंधी अध्ययन देखिए, उन्होंने सोचा कृषि ध्यान के पत्र विज्ञापन संकलित होने चाहिए, उस पर बहुत बोल चुके हैं इसलिए हम नहीं कहेंगे, चमूपति जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, महाशय महामराज, लेकिन उन्होंने एक व्यवस्थित रूप दिया भगवत जी ने, और व्यवस्थित रूप देने के कारण ऋषिदान के पत्र विज्ञापन के दो भाग दो बार छपे, एक तो लाहौर में छपे थे, बाद में दूसरी बार अमृतसर से छपा आजादी के बाद, और भीमासर जी जब अंतिम दिनों में थे, मैं उनके दर्शन करने गया, मैं तो जाता ही रहता था, तो पेट में कपड़े बांध करके बहुत पीड़ित रहते थे, संशोधन कर रहे थे, ऋषि ध्यान के पत्र विज्ञापन पूरी रंग रंग रंगी गई थी, जो होता ना छपा हुआ रंग जगह जगह। बोले पंडित जी आप तो लिखते हैं कि पता नहीं अपने जीवन में मीमांसा का भाष्य पूरा कर पाऊं कि न कर पाऊं, लेकिन ये काम को छोड़कर इस पर क्यों लग गए? उन्होंने कहा 9 अध्याय हो गया है, मीमांसा का 9 अध्याय का भाष्य मैंने कर दिया है, मेरी शिष्य परंपरा का कोई व्यक्ति उसके आधार पर भाष्य कर देगा, मैंने 2 अध्याय महाभाष्य का कर दिया है, अवसानवाद कोई कर नहीं पाया, महाभाष्य का जो 2 अध्याय का अनुवाद है मीमांसा जी का, न भूतो न भविष्यति। अरे महाभाष्य में जो मीमांसा के प्रसंग आते हैं, जो यज्ञ के प्रसंग आते हैं, जो अलग वो कौन जानता था, लेकिन आगे 6 अध्याय शैली से नहीं कोई कर सकता, लेकिन आचार्य सुदूर जी ने कर दिया, तो उन्होंने कहा मीमांसा का कर देगा कोई, लेकिन ये मैं भी करके नहीं गया, अंतिम संशोधन ऋषिदान के पत्रों विज्ञापन का, तो यह कोई करने वाला नहीं, इसलिए मैं इसको जरूर करना चाहता हूँ। और चौथा संस्करण जो आया है कमाल का है, उसमें 2 भाग में ऋषिदान के पत्र हैं, 2 भाग उनको लिखे गए पत्र हैं, डॉक्टर वेदपाल जी ने बड़ी साधना से, बड़ा परिश्रम से, कितना मेहनत हुआ होगा हम ही समझ सकते हैं, इन्होंने उसको कैसे किया, आपने उसको पूरा पढ़ लिया, तो भगवत जी का ये हाल है। थोड़ा दो तीन और लोगों को भी ले लो, थोड़ा थोड़ा स्पष्ट कर लेना, बुरा नहीं है। ये जो देखिए जो ब्रह्मदत्त जी जासु जी का काम, ब्रह्मदत्त जी जासु व्यक्ति नहीं है, संस्था है, कोई सन्यासी भी ऐसा नहीं होगा, बताया ही नहीं कि मैं कहां से आया हूं, क्या नाम है, क्या गांव है, कुछ नहीं, किसी को नहीं पता कहां पैदा हुए, क्या नाम है, क्या गांव है, कौन जाति है, कौन वर्ण है, क्योंकि बहुत काम किया बनारस के अंदर बैठ करके, सारे पंडित मंडली के अंदर उनकी सिक्का जमता था। डॉक्टर रामचंद्र भट्टाचार्य ने लिखा है, जो स्वयं व्याकरण का धुरंधर विद्वान था, कि पौराणिकों पंडित से बात होती थी, पौराणिक पंडित गुस्से में आ जाते थे, लेकिन ब्रह्मदत्त जी जासु हंसते हंसते उत्तर दिया करते थे, और उनके इस व्यवहार से रामशंकर भट्टाचार्य पौराणिक होते हुए नवीन व्याकरण से शास्त्री किया था, लेकिन प्राचीन व्याकरण लिया और लिखा, कि उस समय पूरे काशी में महाभाष्य का स्वराधिकार जो है छठा अध्याय पढ़ाने वाला कोई नहीं था, ब्रह्मदत्त जी जासु ने, और इसी में मानसक से मैंने महाभाष्य के अंश पढ़े, उस ब्रह्मदत्त जी जासु जी ने उनको देखा था, किसने, डॉक्टर राधा कृष्णन ने, उसमें डॉक्टर राधा कृष्णन वाइस चांसलर थे काशी विश्वविद्यालय में, वो जानते थे ब्रह्मदत्त जी जासु के पांडित्य को, जब वो राष्ट्रपति बने तब उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा लिखो चिट्ठी कि आपको मुझे राष्ट्रपति सम्मान करना है, मैं राष्ट्रपति खुद कह रहा है मुझे आपसे राष्ट्रपति सम्मान देना है, आप अपना भेजो विवरण, तो जासु ने लिख दिया कि और किसी को दे दो हमें जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा नहीं, तुरंत मैं इसका प्रोटोकॉल है, मैं कैसे कट्टी वस्त्र में रहता हूँ, आदाब मैं कैसे आऊंगा, तरह आप जिस बेस में आ जाओ, बहुत जिद किया गया, तो उन्होंने अपना विवरण लिखा और उसकी एक फोटो कॉपी उसकी प्रति कराई और दराज में बंद कर दिया, ताला बंद कर दिया। अभिजयपाल जी कहा मैं मर जाऊं तब खोलना, मैंने तब लोग जाने कि मैं कहां पैदा हुआ और कहां किस घर में पैदा हुआ। एक जगह यात्रा जा रहे थे, वीरेंद्र शर्मा लिखा है जो कि वहां भाई विश्वेश्वरानंद संस्थान में प्रोफेसर थे, यात्रा में जा रहे थे और पंडित से चर्चा चल पड़ी, तो पंडित ने कहा आपका नाम क्या है, तो कहा ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, जिज्ञासु क्या होता है आगे बताइए क्या है, तो आगे पीछे क्या है, हम जो बोल रहे हैं इसे आपको पता नहीं, तो लगता है ब्राह्मण नहीं है तभी आप ऐसा कह रहे हैं, तो कहा आपको तो खुश होना चाहिए जब जमाना ब्राह्मण नहीं है फिर भी वेद तो बात कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अब चमार भी हुई है तो क्या फर्क पड़ता है, उससे गुस्से में बोला। वीरेंद्र शर्मा कहते हैं कि मैं दंग रह गया कि जो व्यक्ति सारस्वत ब्राह्मण था, जो व्यक्ति जमाना ब्राह्मण था, वो व्यक्ति भी इतना अपमानजनक बात सुनने के बाद भी चुप रहा, कोई बात नहीं फर्क पड़ता, वो जब दराज से निकाला गया 1964 में मरने के बाद, तब लोग दंग रह गए कि तो जमाना ब्राह्मण परिवार के थे जासू,
उनको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया और आज उनके कारण जो आज ये विदुषियां जो है ना ये बोल रही है, कोई है माइका लाल पूरे धरती में नहीं है व्याकरण शास्त्र पर ये तीन पंडिताओं को टक्कर देने वाला, कोई है ही नहीं। आचार्य विश्वभा जी आए थे 1982 में गुरुकुल पाणिनि के उत्सव पर, ये लड़कियां तीनों थी, मैं लड़कियां इनसे नहीं कहूंगा, मुझसे बहुत छोटी रही है, फिर भी छोटी है, सब 7-8 साल से कम कोई नहीं है। तो वो पूछते थे इस व्याकरण पर, आचार्य विश्वभा जी ने कहा भाई मैं तो बड़ौदा कन्या गुरुकुल जाता हूँ, हाथरस कन्या गुरुकुल जाता हूँ, लड़कियां तो हितोपदेश हितो और ये पंचतंत्र और शाकुंतल और अनुवाद चंद्रिका इतनी पढ़ती है, तुमको ये अष्टाध्यायी महाभारत अरे प्रज्ञा ने कमाल कर दिया। तो मैं बैठा था कहा ज्वलंत मैं एक वाक मैं एक लाइन बोल रहा हूँ लिख लो, भविष्य में सिद्ध हो जाएगा। हम भी लिख लिए, क्या बोले, बोल दिया श्लोक में, क्या बोला, प्रियंवदा च सूर्या च नंदिता चापि माधुरी ब्रह्मवादिन्य एता ही दयानंद मतानुगा। ये श्लोक वो श्लोक मैंने निकाला पुराने कागजों से। तो उनके विद्यालय की विशेषता है जिज्ञासु जी को राष्ट्रपति सम्मान, युधिष्ठिर मीमांसा को सम्मान, उनके शिष्य विजयपाल जी को सम्मान, उनके शिष्य आचार्य सुद्धम जी को सम्मान, प्रशस्त मित्र जी को सम्मान, एक कुल के 5 व्यक्तियों को राष्ट्रपति सम्मान मिलना ये ब्रह्मदत्त जिज्ञासु की सबसे बड़ी सफलता है। उन्होंने अपने निर्देशन में और 1962 से लेकर के 1964 तक अष्टाध्यायी के 3 अध्याय करवाए और उनके बाद उनकी शिष्या प्रज्ञा देवी ने 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 2500 पेज है प्रोफेसर साहब अष्टाध्यायी का 3 वॉल्यूम। यजुर्वेद भाष्य विवरण इतना बड़ा ग्रंथ है, जो प्रश्न उसमें सामश्रमी जी उठाते हैं कि वेद स्वामी जी कहते हैं वेद 4 हैं, लेकिन वेद 4 कैसे हैं, जब लिखा है माध्यंदिन शुक्ल और ये काणव और ये, तो कौन सो को वेद, किसको वेद कहा जाए, शाकल भी शाखा है, वाष्कल भी शाखा है, क्षेत्रीय भी शाखा है, तो मूल वेद कौन है, सब तो शाखा ही है। अरे जो प्रश्न सत्वर सामश्रमी ने उठाया उसका उत्तर कोई नहीं दिया, उसका उत्तर दिया ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने दृष्टि मीमांसा। जो निरुक्त शिवशंकर शर्मा काव्य तीर्थ भी मान लेते थे कि निरुक्त में इतिहास है, लेकिन उस ज्ञान के पक्ष को भगवत दत्त जी ने ब्रह्मदत्त जी ने ये दिखाया। तो ये ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी की और सर्वोत्तम विधि कैसे पढ़ाया जाए, वेद निरुक्त महाभाष की प्रतिहरी टीका सोपज्ज टीका का संपादन किया और अंतिम बात मीमांसा जी पर कह दें 5 मिनट, बहन जी आपने कहा उसी का पालन करूंगा, 5 मिनट की ओर मीमांसा जी बोल दो। मीमांसा जी ने जब संस्कृत वाक्य प्रबोध को संस्कृत दृष्टि के कोर्स में लगाने के लिए ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने कहा मंगलदेव शास्त्री को, तो पौराणिक पंडित बोले कि ये पुस्तक कोर्स में नहीं लगेगी क्योंकि इसमें बहुत अशुद्धियां हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अबोध निवारण पुस्तक में इसमें बड़ी व्याकरण की अशुद्धियां लिख दी है। स्वामी नारायण के वेद भाष्य में व्याकरण की अशुद्धियां हैं ये कह दिया और रघुनंदन शर्मा ने वैदिक संपत्ति में मान लिया, कह दिया कि अशुद्धियां होने से क्या होता है, अशुद्धियां तो शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य में भी है। लेकिन पंडित दृष्टि मीमांसा का कमाल है, उन्होंने पुस्तक लिखी निषिद्धांत की पद प्रयोग शैली, अद्भुत पुस्तक है, पूरी सूची बनाई कि कौन कहता है कि स्वामी दयानंद के ग्रंथों में व्याकरण की अशुद्धियां हैं। संस्कृत वाक् प्रबोध के अशुद्धियों को उन्होंने ठीक करके दिखाया। और एक उदाहरण बताता हूं, पंडित मंडली यहां बैठी है जान सकते हैं, स्वामी ने लिखा है अथ चक्रवर्ती शब्द से कह पदार्थ, चक्रवर्ती शब्द से कह पदार्थ, तो पंडित पौराणिक पंडित प्रश्न करते हैं ये कौन संस्कृत है, अथ चक्रवर्ती शब्द से कौर था ये होना चाहिए। तो मीमांसा जी ने कहा अरे महाभाष का पढ़ लिए होते अथ सिद्ध शब्द से कह पदार्थ, तो आर्ष भाषा में आर्ष शैली से कैसे कैसे कई कर्म दिखाए उन्होंने कि कहीं तो व्याकरण का अज्ञान कारण है, कहीं उनका आर्ष ग्रंथों का पराणय न होना कारण है। पाणिनि यदि जिस पाणिनि को हम सबसे बड़ा व्याकरण मानते हैं यदि इन पौराणिकों की चले तो 63 गलतियां निकाल रखी है उन्होंने पाणिनि के सूत्र में, भुआदेव भुआदेव धातु कैसे होगा, भुआदेव हो जाएगा, तो ये नहीं होता है। जो आर्ष व्याकरण की क्या पद्धति है ये पंडित जी का काम है। संस्कृत वाक्य में उत्तर दिया, सदर विचार निकाला, भागवत खंडनम पुस्तक पंडित जी ने उद्धार किया, कैसे किया, अद्वैत मत खंडनम अभी भी नहीं मिला, हमको भी सौंपा था, मैं नंदिता जी को लेकर के कहां कहां घूमा नहीं मिला है, सबसे चर्चा कर रहा था इंडिया ऑफिस मिल जाए या हो सके जयपुर के पोथी खाना में मिल जाए ये हो जाए। ऋषि दयाल के ग्रंथों का इतिहास लिखा है, ये कमाल की पुस्तक। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि दयानंद सरस्वती को समझना चाहते हैं उनके ग्रंथों को तो इनके बिना आप नहीं समझ पाएंगे। ऋषि दयाल के ग्रंथों का इतिहास उपलब्ध अब हो गया है, 3रा संस्करण है, जरूर खरीदेंगे, उसके बिना नहीं समझेंगे। लिखा है कार्तिक के अंत में दले
और उन्होंने कहा अंतिम अंतिम महीना कौन होता है, पूर्णिमा शुक्ल पक्ष होता है। और वहां गुजरात में बैठ के लिख रहे हैं वहां अंतिम जो महीना है वो कृष्ण पक्ष होता है। तो असित मतलब कैसी कैसी दिक्कतें आती हैं। अभी हमसे पूछा धनंजय आचार्य ने वहां से गौतम गुरुकुल पौधा से कि संस्कार विधि में लिखा है मंत्र है ऊपर और लिखा है सामवेदे और सारे पंडित ढूंढ रहे हैं सामवेद में मंत्र है ही नहीं। तो स्वामी जान की गलती है क्या, मीमांसक जी का ना पढ़ोगे संस्कार विधि तो पता नहीं चलेगा। वो सामवेदे नहीं है, सामवेदीय ब्राह्मण के पते सामवेदे लिख दिया ठीक है, लेकिन क्यों क्या स्वामी जान की गलती है क्या? नहीं, आप जान लीजिए संस्कार विधि के जो प्रथम हस्तलेख है और द्वितीय हस्तलेख है, दो हस्तलेख है, पहले को रफ कॉपी कहते हैं दूसरे को प्रेस कॉपी कहते हैं। रफ कॉपी पूरी है और प्रेस कॉपी 47 पृष्ठ संशोधित है, बाद में असंशोधित है। कैसे उसका संपादन होगा, कैसे क्या होगा, कैसी गलतियां क्यों हुई है, गृहश्रम संस्कार ये कैसे भी अजीब अजीब समाज में भी लोग कहते हैं कि गृहश्रम एक संस्कार है तो अंत्येष्टि क्या है तो कथित कर्म है वो संस्कार ही नहीं है। कैसी कैसी मूर्खता की बात करते हैं। स्वामी जी लिखते हैं गर्भाद्या मृत्यु पर्यंता संस्कारा छोड़ सही हुई, एक ने लिख दिया 16 नहीं 17 है, स्वामी से 16 गलती लिखा गया, ये भूमिका पढ़ लेते छोड़ सही हुई। तो ऐसे तमाम प्रश्न है जिन प्रश्नों का उत्तर ऋषि ध्यान के ग्रंथों के इतिहास से मिलता है, वो आपको देखना पड़ेगा। इन्होंने पत्र विज्ञापन को तो किया ही, हर विलास शारदा के साथ काम किया। देवेंद्र बाबू की जो जीवनी आई तो उसमें भी मीमांसक जी ने काम किया क्योंकि उसमें यह दिखाया कि किस नगर में पहुंचे तो किस तिथि से किस तिथि तक रहे, उसकी अंग्रेजी तिथि क्या थी, उसकी विक्रम तिथि क्या थी, ये सारा मीमांसक जी ने काम करके दिया। उनके व्याकरण शास्त्र का इतिहास मीमांसा भाष की बात छोड़ दीजिए, स्वामी दयानंद के साहित्य के ऊपर, स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र के ऊपर, स्वामी दयानंद के पत्र विज्ञापन के ऊपर, स्वामी दयानंद के यजुर्वेद के 15 अध्यायों के ऊपर, ऋग्वेद के 2 खंडों को लेकर गिरिवादी भाषण का परिशिष्ट को लेकर सत्यार्थ प्रकाश के 12 परिशिष्ट निकाले, इतना शोधपूर्ण संस्करण का काम किया मीमांसक जी ने, तो स्वामी दयानंद के ग्रंथों की वास्तविकता या उसके बारे में एक पग आप आगे चल नहीं सकते मीमांसक जी को छोड़ करके। अब कुछ कोई लोग माने ना माने अलग बात है, कुछ लोग ऐसे हो गए जो कह रहे हैं कि हम मीमांसक जी से भी आगे हैं, कुछ कह रहे हैं कि मैं भगवत दत्त जी से भी आगे हैं, तो तुम्हारे कहने से क्या होता है, हम लोग माने तब ना, मीमांसक नहीं तो कुछ है लोग वेदपाल जी जानते हैं उनको, वैसे ही अपने मियां मिट्ठू पंडिता मन बन रहे हैं। अरे मीमांसक जी होने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, जब मर गए थे तो उन पर संपादकीय लिखा था विद्यानिवास मिश्र ने, विशेष संपादकीय नवभारत टाइम्स में, और लिखा कि पुराणों में लोग कहते हैं कि दधीचि ने हड्डियां दे दी वृत्र वध के लिए, तो हुआ कि नहीं हुआ भगवान जाने, लेकिन पंडित दृष्टि मीमांसक ने वास्तव में अपनी हड्डियां दे दी हैं वेद और वैदिक संस्कृति की रक्षा। 75,000 का पुरस्कार जब मिला बहन जी, दरिद्रता का कोई वर्ण कर ले ये बहुत बड़ी बात है, मजबूरी में दरिद्र होना अलग बात है, लेकिन दरिद्रता का वर्ण कर ले वाचस्पति मिश्र जैसा तो क्या बात है, उनके चरणों का धूल छूने का मन कर। 75,000 रुपया मिला तो रास्ते में माता जी उनकी पत्नी चली तो सोच रही थी चलो 3 बेटियां हैं, ब्याह सबका कर दिया, दिया किसी को कुछ नहीं, अब 75,000 मिला है चलो कुछ कुछ बेटियों को दे देंगे। और उतरे रिक्शा पर बैठे तो पंडित जी ने कहा यशोदा कहाँ, पंडित जी मीमांसा भाष्य का जो छपने का पैसा नहीं आ रहा, ये बड़ी कृपा भगवान की हो गई कि 75,000 रुपया मिल गया, उसी से छप जाएगा मीमांसा, क्या बात। इलाज हुआ, रिक्शे पर बैठ के आए, उनकी बहू बोल रही थी रिक्शे को देने के लिए पैसा नहीं था, तब राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला, पैसा मासिक मिलता था, तो उन्हें चिट्ठी लिख दी कि अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे चाचा जी ने पैसा भेजा था, नहीं चाहिए पैसा, ट्रस्ट में जमा कर दिया। ब्राह्मण जो का जो है कुंभी धान्या, जो महाभाष्य में लिखा है कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, अलुक्षाहा, जिसको कोई लोभ नहीं है, कोई दुनिया से ऊपर उठ गया है और जो शास्त्र में ही लगा हुआ है, ऐसे थी मीमांसक ब्रह्मदत्त। तो बस हो गया, कंक्लूड किया जो बोल दिया आप लोग कंक्लूड कर लीजिए अपनी ओर से, इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको विश्वजी जुड़ गए हैं आप जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी,
वेलकम टू दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. धन्यवाद जी. फ्रेंड्स, टुडेज लास्ट स्पीकर, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग हिम. वी हैव अ यंग स्कॉलर फ्रॉम यूएसए. ही इज नॉट अ ट्रेंड फॉर्मली ट्रेंड वैदिक स्कॉलर, but he has imbibed the Vedic values from his late parents, who both of whom were Sanskrit scholars, Professor Jayadev Vidyalankar, Professor Jaya Taneja, and Professor Subhash Vedalankar ji from Ajmer, Rajasthan. बाद में तो अजमेर में थे ना. बिल्कुल के स्नातक थे. So he has imbibed Vedic values from his parents, who both of them were devoted to the Vedic values, Swami Dayanand Saraswati and Arya Samaj. We have Vishrut Arya, who is the General Secretary of Arya Pratinidhi Sabha America. He is based in Atlanta, USA. Serves as the General Secretary of Arya Pratinidhi Sabha America, which represents 40 plus Arya Samajas or Vedic organizations across North America. Having previously held the position of President for 4 years, he also holds a lifetime trustee role at the Greater Atlanta Vedic Temple. Vishruji's deep-rooted connection to Vedic tradition stems from his lineage of scholars, including his late grandfather Sri Thakur Das Batra and his parents, both esteemed Sanskrit professors, Professor Jaya Taneja and Professor Subhash Vedalankar. In addition to his community service, Vishrut Arya is committed to promoting Indian heritage and Vedic values. He has organized international events and established new Arya Samaj chapters throughout the US. Renowned for his motivational speeches, he leads humanitarian campaigns such as COVID-19 relief efforts and assistance for underprivileged communities. He has played a pivotal role in founding Vedic Sanskriti schools in the USA. Professionally, Vishrut Arya is a software professional with an MBA from Georgia State University and an engineering degree from Aurangabad, Maharashtra, India. He endeavors to exemplify the principles of Arya Samaj and advocate for Vedic living and values in everyday life. I welcome you, Vishruji, on behalf of the Indian Institute of Advanced Study, Shimla, and all the scholars gathered here for participating in the 3-day international conference. I requested Vishruji to speak on some aspect of Satyarth Prakash, but you are free to speak on any of the topic or in general, whatever you like or choose to speak. Vishruji. Meri awaaz theek se aa rahi hai sabhi ko? Ji. To main audience ko bhi jo vidwan saath mein unko dekh sakunga ke isi view mein chalega kaarya? देख सकेंगे जी. चल सबको सादर नमस्ते जी. ओम मा प्रगाम पथो वयम मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः मान्तस्थुर्नो अरातयः मान्तस्थुर्नो अरातयः. ओ पवित्र जीवन हम सभी के ये हमें वरदान दो रास्ता सही अपना सके वेदों का हमको ज्ञान दो हम में नव गुण हो कोई हमें सद्गुणों का दान दो हम काम औरों के आ सके शक्ति हमें भगवान दो
भक्ति हमें भगवान दो, विदेशे देशे श्रुति विहित धर्मोन्नति कृते समाजः आर्याणाम् इह विरचितो येन मुनिना अकार्षीद्यो लोकं गत हृदय शोकं सुकृतिभिः दयानन्दं वन्दे सकल भुवनानन्दन गुरु दयानन्दं वन्दे सकल भुवनानन्दन गुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के इस कार्यक्रम में कॉन्फ्रेंस के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती और उनकी लेगेसी के विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे अकिंचन को बोलने के लिए आमंत्रित करने के लिए डॉक्टर शशि प्रभा कुमार जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। आप सभी लोग विद्वान वहां पर बैठे हैं, काफ़ी विद्वान वहां बैठे हैं, कुछ के पास मैं खेला हुआ हूं और कुछ मुझे अनुजतुल्य मानते हैं, कुछ हमारे माताजी पिताजी की आयु के हैं, उनके साथ पढ़े हैं। तो दीपक का जो मोल है तभी होता है जब अंधेरा हो, सूर्य के आगे दीपक का उतना मोल नहीं होता है। तो मैं एक छोटा सा दीपक हूँ और सूर्य के आगे मैं अपनी रोशनी दिखाने की दृढ़ता नहीं करने वाला हूँ। तो सत्यार्थ प्रकाश की जो विषय वस्तु है वो आप मुझसे अधिक जानते हैं, उस विषय पर मैं अधिक चर्चा नहीं करूँगा। आप सब यहाँ उपस्थित हैं और मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और क्योंकि मैं सभा अमेरिका से जुड़ा हुआ हूँ, इस कारण से मैं आपके मध्य में हूँ। मैं एक विद्वान होने के नाते आपके मध्य में नहीं हूँ, विद्वान आप लोग हैं और आपके आपका मार्गदर्शन, आपकी गाइडेंस हमारे लिए सदा ही प्रेरणा का स्रोत है, तो उसी रूप में ही रहेगी। तो आप सभी को सादर विनम्रता पूर्वक प्रणाम करता हूँ और शशि प्रभा कुमार जी का जो कि इस कार्यक्रम की संचालिका है और बहुत अच्छे तरीके से बहुत ऑर्गेनाइज्ड हमको संभाला है, चलाया है, उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और भी जो विश्वविद्यालय के और वहाँ पर जो कार्यकर्ता लोग हैं उन्होंने इस व्यवस्था को संभाला है और मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, इस मंच पर आने का, विद्वानों के मंच पर आने का, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चर्चा को सत्यार्थ प्रकाश की रही के सत्यार्थ प्रकाश विषयक कुछ बातों को हम रख सकें, तो मैं कुछ बातें जो शंकाएं हैं, जो प्रश्न हैं, जो मेरे मन में अनुत्तरित हैं या जिन प्रश्नों को हम जिनका हम सामना करते हैं उसकी चर्चा आप विद्वानों विदुषियों के बीच में रखूंगा और उसका कुछ समाधान मिलकर के भविष्य में कभी हम लोग कुछ कर पाए। क्योंकि जो लक्ष्य हमारे दिमाग में है वो ये है कि सत्यार्थ प्रकाश जीवन का अंग कैसे बने, क्योंकि ज्ञानम भारह क्रियाम बिना, कि हम यदि ज्ञान को ले पाते हैं और ज्ञान को फैला भी पाते हैं लेकिन वो क्रिया रूप में यदि नहीं आ पाता है तो उस ज्ञान का उतना लाभ नहीं है। क्योंकि ज्ञान का लाभ तो अल्टीमेटली संस्कार पढ़ने में है। अगर मैं भक्ष्य विषय की बात करूं कि मुझे भोजन खराब नहीं खाना है, अच्छा आचरण करना है, तो मैं अच्छा आचरण करूंगा, अभक्ष्य भोजन नहीं खाऊंगा, भक्ष्य भोजन खाऊंगा, उसका मेरे ऊपर एक संस्कार पड़ेगा और उससे मेरा जीवन सुधरेगा। जीवन ये वाला ही नहीं सुधरेगा, आगे वाला जीवन भी सुधरेगा। तो जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया उसको मैंने धारण किया, उस पर चिंतन मनन किया, उसको धारण किया, वो मेरे ऊपर संस्कार बना, वो मेरी जीवन शैली बन गई। तो मेरी जीवन शैली बनने के बाद जो है वो मुझे इस जीवन में भी लाभ देगी और अगले जीवन में भी, आने वाले जीवनों में मेरा कर्माशय वैसा बनेगा, मेरी जीवन शैली वैसी बन जाएगी। तो ज्ञान का लाभ जो है वो क्रिया रूप में है। तो हम सबका ये चिंतन होना है कि सत्यार्थ प्रकाश जीवन का अंग कैसे बने, इस लक्ष्य से हम लोग कार्य को करें। अब उसमें कई सारे जो उसमें
प्रश्न लोग उठाते हैं उनका भी हम उत्तर दे सके और स्वयं के जीवन में सत्यार्थ प्रकाश की शिक्षाओं को धारण करने का प्रयास भी कर सके। तो सत्यार्थ प्रकाश को याद करना, महर्षि दयानंद के 200वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इन सब आयोजनों का होना तब अधिक लाभदायक है जब हम उनके कार्यों को, उनके ग्रंथों को, उनके संदेशों को न केवल आत्मसात कर सकें, न केवल धारण कर सकें, पर अपने जीवन से दूसरों को भी प्रेरणा दे सकें। तब उनके संदेशों का लाभ, उनका और 200वें जन्म दिवस पर उसका उनका याद करना हमारे लिए और अधिक लाभदायक हो जाता है। तो एक श्लोक मैंने देखा था कुछ दिन पहले, अनेक संशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम् सर्वस्य नेत्रं शास्त्रम् यस्य नास्त्यन्ध एव सः। तो शास्त्र जो है अनेक संदेहों की निवृत्ति करने वाला, परोक्ष ज्ञान का दर्शक तथा सबका आंतरिक नेत्र है। जिसके पास शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है वह वस्तुतः आंखें रहते भी अंधा ही है। ये सब आप लोग श्लोक को आप जानते समझते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश के परिप्रेक्ष्य में ये श्लोक पूर्णतया सार्थक सिद्ध होता है कि सत्यार्थ प्रकाश वो कुंजी है जो हमको जीवन से जुड़े हुए, न केवल जीवन से जुड़े हुए, जीवन से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए, राष्ट्र से जुड़े हुए लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर हमें दे पाती है। इसको हम कालजयी ग्रंथ बोलते हैं, इसको हम ऐसा ग्रंथ बोलते हैं कि जो अक्रॉस द बाउंड्रीज हर व्यक्ति के लिए अपने अपने तौर पर अप्लाई हो सकता है। तो ऐसे बहुत कम ग्रंथ हैं जो कि इतने पॉपुलर हैं और इतने अधिक मात्रा में छपे और बने हैं। तो मुझे जितना समझ में आता है, कुरान हो गई, बाइबल हो गई, गीता हो गई और शायद रामचरितमानस, इसके ये चार ग्रंथ ऐसे होंगे, विद्वानों मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि ये चार ग्रंथों के अलावा सत्यार्थ प्रकाश पांचवा शास्त्र है जो उतना ज्यादा पब्लिश्ड है, प्रचलित है और जिसकी चर्चा अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द नेशंस होती रहती है। और सत्यार्थ प्रकाश के अंदर स्वामी दयानंद ने लगभग जितना मुझे पढ़ा लिखा और समझा है 377 ग्रंथों के संदर्भ उसके अंदर स्वामी दयानंद ने दिए हैं। मतलब यह है कि उनका सार निचोड़ भी कह सकते हैं और उनके संदर्भ जो आए हैं वो कह सकते हैं। और लगभग 1542 वेद मंत्र और श्लोक के उद्धरण सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद ने दिए हैं। तो इससे दो बात पता लगती है कि जो हमारे ऋषि थे वो वास्तव में ऋषि थे, उनको इतना कुछ उपस्थित था कि लगभग 377 ग्रंथ और इतने उससे अधिक ग्रंथ उन्होंने पढ़े होंगे। उस पर आत्मचिंतन कर करके अपना समाधिस्थ अवस्था में वेदों का, वेदार्थ का ज्ञान लेकर के, मंत्रार्थ ज्ञान लेकर के उन्होंने सार रूप में उतने अपने अध्ययन को, जो उनकी 20-25-30 वर्षों की जो उनकी मेहनत थी, उनकी तपस्या थी, उसको हमारे बीच में रखा। तो महर्षि दयानंद की भी जो क्षमताएं हैं वो भी इससे पता है। और जहां तक मुझे ध्यान है मनुस्मृति के अधिकतम रेफरेंसेस हैं और 412 या 492 या 500 के आसपास लगभग रहे होंगे और वेदों के लगभग 100 रेफरेंसेस हैं। और बाकी सब आप यदि शास्त्रों को पढ़ेंगे, सारी उपनिषदें हैं, योग दर्शन के सूत्र हैं, महाभारत से लेके वाल्मीकि रामायण से लेकर के पाराशर स्मृति, ब्रह्म प्रमाण, आपस्तंभ, गोपद, सब प्रकार के ब्राह्मण, मतलब आप नाम लीजिए। और स्वामी दयानंद ने इवन पुराणों के भी, भागवत पुराण से लेकर के, गरुड़ पुराण से लेकर के, जहां जहां बात, जहां जहां का मोती उनको अच्छा लगा उन्होंने इस सत्यार्थ प्रकाश रूपी माला में हमें सजा करके दिया है। अब हमें ये देखना है कि इतने इस गुलदस्ते को, इस फूलदार इस गुलदस्ते को हम किस रूप से इसका लाभ ले पाते हैं। तो ऋषि को तो प्रणाम है ही है क्योंकि उन्होंने जो एफर्ट हमारे लिए किया, जो शास्त्र हमारे लिए प्रस्तुत किया वो अमूल्य है। और उसके शिक्षाओं पर चल पाना और उसके उसको जन सामान्य में उसको उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ा पाना, ये हम सभी का जो है लक्ष्य होना चाहिए। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, लगभग 7-8 विषयों को मुख्य तौर पर हैंडल करता है। निश्चित रूप से वेद और वैदिक साहित्य के महत्व को पहचानने में हमारा सहयोग करता है, अपने गौरवशाली अतीत को जानने में हमारा सहयोग करता है, संस्कारवान आचारवान बनाने में हमारा मार्गदर्शन करता है, क्योंकि जो तीसरा चौथा समुल्लास है वो इससे संबंधित है। उसके बाद धार्मिक अंधविश्वासों से मुक्त होने में, तो उसमें जो 10वां विषय, जो 7वां 8वां 9वां समुल्लास आएगा, 10वां आएगा
वो सब चीजें हमको उसमें सहयोग करेंगी और पहला भी उसमें सहयोग करेगा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, वो भी जो 10वां 11वां समोल्लास है उसमें हमें सहयोग मिलेगा। विभिन्न संप्रदायों जिन्हें व्यक्ति धर्म कहते हैं उसके प्रति जिज्ञासु बनकर उसका क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो सत्यार्थ प्रकाश में दिया गया है और ये बात क्लियर की स्वामी दयानंद ने कि भाई मेरा जो लक्ष्य है किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन सत्य और असत्य का निर्णय करने के भाव से उन्होंने इन चैप्टर्स को विभिन्न संप्रदायों के एनालिसिस को लिखा। तो वो भी हमें एक हथियार शब्द ठीक नहीं है, एक ऐसा ज्ञान देता है जिससे कि हम सत्य का आगे चल करके बढ़ा सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं। स्वभाषा, बिकॉज जो स्वत्व की बात थी, स्वभाषा, स्वराज्य, ये सब जो शब्द हैं पहले स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से हमें दिए और उनसे शिक्षा लेने वाले, उनसे प्रेरणा लेने वाले लोगों ने इस बात को रिकॉग्नाइज भी किया। लाला लाजपत राय थे, लोकमान्य तिलक थे या वीर सावरकर थे, इन लोगों ने इस बात को माना और कहा कि भाई जो स्वराज्य की जो अवधारणा स्वामी दयानंद ने प्रस्तुत की सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से वो अभी तक कहीं भी नहीं की गई है। और उसमें अंतिम यही आया कि स्वभाषा, स्वदेशी पुस्तकों को, और जो स्वदेशी का विषय जो आजकल हम स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से कार्य हो रहा है, हमारे मेरे मामा जी हैं आदरणीय सतीश कुमार जी, वो उसमें एक्टिव है, तो मैंने उनसे एक बार चर्चा की कि ये स्वदेशी का जो पहला विषय इस युग में जो दिया गया वो महर्षि दयानंद के द्वारा दिया गया, तो उनकी कितनी देन है जिसको हम याद करते करते घंटों घंटों लगा सकते हैं और स्वामी दयानंद के प्रति श्रद्धावनत हो सकते हैं। पर मेरा हमेशा से ये सोचना रहा है कि हमें अपने जीवन में धारण करके और अपने जीवन को औरों के लिए प्रेरणा बनना ही उन्हें अनवरत श्रद्धांजलि देनी चाहिए, तो इसी दिशा में हमारा प्रयास जो है वो हमेशा रहे, उसका हमें प्रयास करना चाहिए। तो सत्यार्थ प्रकाश दर्पण तो है ही है, संदेह भी निवारण करता है, जीवन दर्शन करता है, अन्य मतों की वास्तविकता जैसे मैंने बताया, और ये आक्षेप आता है सत्यार्थ प्रकाश कर कि भाई तीव्र आलोचना जो है वो सत्यार्थ प्रकाश करता है। तो उत्तम चंद शरद जी जो हमारे पानीपत में थे, उनका उनसे मिलने का मुझे बहुत सौभाग्य रहा, तो एक शेर उनका था, आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, उसकी फितरत का तकाजा है तो शिकवा कैसा, आप सत्यार्थ की तनकीद से नाराज न हो जनाब, चेहरा दोढ़ालिए गुस्सा कैसा। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो एक ऐसा आईना है जो सत्य और असत्य को निर्णय करके हमें इंट्रोस्पेक्शन करने पर मजबूर करता है और हम जो है उसका स्वरूप हमें दिखाता है। अगर उसका क्रोध अगर हम आईने पर निकालते हैं तो वो दोष हमारा है। ये बात हमें लोगों को कन्विंस करनी है, जो बात जो थर्ड पार्टी है, जो आर्य समाज वैदिक धर्म से या स्वामी दयानंद के जो उनके जो फॉलोअर की परंपरा है, शिष्यों की परंपरा है या उनके अनुयायियों की परंपरा है, उससे इतर जो लोग हैं और सत्यार्थ प्रकाश को एक उसके लिए उत्पटांग के शब्द भी यूज करते हैं, ये वहां अगर हम ये बात कन्विंस कर पाते हैं कि भाई ये निंदा पुराण ना हो करके ये हमें आपस जैसे एक डॉक्टर जो है वो हमें हमारी कमियां बताता है और उनको ऑपरेशन कैसे करना है ये बताता है क्या करना है, ऐसे ही सत्यार्थ प्रकाश हमें हमारी कमियों की ओर इंगित करता है, हमें आइडियल वर्ल्ड जो है हमारा जो वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए, वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए, हम किसको किसकी अवधारणा करें ये हमें निर्धारित करता है। तो यदि ये बात जन हम पहुंचा पाते हैं तो हम सत्यार्थ प्रकाश को फर्दर प्रमोट करने में अपना योगदान दे सकेंगे। तो कुछ आइडियाज थे जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था, सबसे बात करना चाहता था कि हम सत्यार्थ प्रकाश की लेगेसी को, कि जो स्वामी दयानंद का एक कालजयी ग्रंथ है, इसको लंबे समय तक रेलेवेंट रखने के लिए, इसकी महत्ता को लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ कुछ सुझाव हैं, कुछ सजेशंस हैं जो मैं सोच रहा था कि आप सब विद्वानों से चर्चा करें, क्योंकि आप सब प्रेरणा के स्रोत हैं, आप लोग गुरुकुल चलाते हैं, आप लोग प्रोफेसर हैं, आप लोगों का जो इन्फ्लुएंस है वो सैकड़ों हजारों लोगों तक है, आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग हजारों तक है। तो यदि ये बात विद्वत मंडल यदि धारण कर ले कि हमें इस दिशा में सत्यार्थ प्रकाश की लेगेसी को आगे ले जाने का प्रयास करना है, तो मुझे लगता है कि हम उसमें तीव्र गति से जो है बढ़ सकेंगे। दूसरी बात यह है कि हम इस वर्ष लगभग सत्यार्थ प्रकाश के 140 वर्ष पूरे हो रहे होंगे, जहां तक मुझे ध्यान है 1800
1984 में सत्यार्थ प्रकाश बना होगा और अब हम 2024 में हैं, तो 140 वर्ष पूरे हो रहे होंगे। और मैं अपनी इसमें जो मेरी अनभिज्ञता है उसको उसके लिए क्षमा चाहते हुए कुछ बात मैं रखना चाहूँगा कि विभिन्न संस्करणों में जो भेद हैं वो हमें पता है और उसकी चर्चा अलग होती रहती है, मैं वो विषय को नहीं लाऊंगा। मानक संस्करण है, द्वितीय संस्करण है, जो चल रहा है वैसा चलता रहे, लेकिन उसके आगे की बात जो है कि उसकी उसके प्रति क्या क्या कार्य अभी तक हुआ, वो एक संग्रहालय में या एक जगह पर उपस्थित है या नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश न्यास में हो सकता है या परोपकारिणी में हो सकता है, या मुझे पता नहीं है, हो सकता है डॉक्टर वेदपाल जी बैठे हों और कुछ वो इसमें बाद में प्रकाश डाल सके कि अब तक कितने सत्यार्थ प्रकाश छप चुके हैं और कहाँ कहाँ छपे हैं, उनका कौन कौन सा वर्जन है। मतलब हमें उसकी ट्रेसेबिलिटी भी होनी चाहिए कि हमारा जो शास्त्र है जिसको हम धर्म ग्रंथ भी मान सकते हैं और वो चर्चा भी मैं करने वाला हूँ कि अब तक कितने कितनी संस्थाएं सत्यार्थ प्रकाश छाप रही हैं, उसका आधार वर्जन कौन सा है, वो जब पाकिस्तान में थे पुराना, जब अनडिवाइडेड इंडिया था तब कहाँ कहाँ छपे, तो क्या उन सब का एक ट्रैक हमारे पास है कि इतने वर्जन्स को बेस लेकर के उर्दू में भी छपा, हिंदी में छपा, और ट्रांसलेशन जो हुआ वो किस भाषाओं में हुआ। कल मैं किन्हीं से बात कर रहा था कि हमारे डॉक्टर अरोड़ा हैं अटलांटा के अंदर, उन्होंने कहा कि सत्यार्थ प्रकाश का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो वो पढ़ रहे हैं, शायद उसके कुछ शब्द कुछ विचार जो मूल उन्होंने हिंदी पढ़ा है उससे मेल नहीं खाते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमने जो एक संस्करण बेस निर्धारित कर दिया, वो जो भी किया, उसी का ही ट्रांसलेशन, उसी का ही आगे छपना, उसी का ही आगे डिस्ट्रीब्यूशन हो, और यदि नहीं हो रहा है तो हमारे पास उसका ट्रेस होना चाहिए। अनुवाद कब कहां कैसे हुआ, कितनी भाषाओं में है वो हमें पता है, लेकिन क्या एक जगह पर अगर 37 भाषाओं में सत्यार्थ प्रकाश का अनुवाद है तो क्या हमारे पास एक स्थान पर वो सब ग्रंथ उपलब्ध हैं, और क्या उस भाषा के विद्वान ये प्रमाणित कर सकते हैं कि जो हिंदी में या जो हमारा संस्करण बेस हमने लिया उसके आधार पर हम उसका ट्रांसलेशन कर पाए हैं, अक्षरशः उस भाव को वो प्रतिबिंबित करता है कि नहीं करता। तो ये उससे उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी कि हम हमारा पूरा कंट्रोल है कि वो वेबसाइट में यदि गया तो कहाँ से गया, उसका बेसिक कहाँ से आया, और विभिन्न देशों में गया, विभिन्न लाइब्रेरियों में गया, विभिन्न भाषाओं में गया, वो कहाँ से गया, उसकी ट्रेसेबिलिटी। दूसरा ये है कि सत्यार्थ प्रकाश की ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने के लिए देशी विदेशी विद्वानों की सम्मतियां जो आज तक आई हो उनका क्या संकलन कोई हमारे किसी पुस्तकालयों में, जो अच्छे पुस्तकालय हैं, क्या वहां पर उपलब्ध है सारा का सारा, या ऐसा कोई प्रयास किया गया है कि नहीं किया गया, तो उसको भी हम अधिक परिपूरित करें, उसको भी समृद्ध करें, ताकि उस और उसको पब्लिश करें कि भाई विश्व भर के 500 विद्वानों ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को एक कालजयी वास्तव में माना है, और जिन जिन विद्वानों को, जिन जिन डिग्निटरीज को उससे लाभ हुआ उसने उसको स्वीकार किया है, तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। दूसरा ये कि जितने भी रचनाएं सत्यार्थ प्रकाश संबंधित हुई उसके समय के प्रकाशन, जब सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1884 में हुई उस समय पर समसामयिक पत्रिकाओं में क्या उसके विषय में छप रहा था, क्यों उसकी आवश्यकता थी, क्या निदान सत्यार्थ प्रकाश दे रहा था, उसके ऊपर जिस लोगों के विचार उस समय छपे हैं या उसके बाद छपे हों, उसका भी यदि कोई संकलन हमारे पास है तो बहुत अच्छा होगा। मुझे जानकारी नहीं है तो मैंने सोचा कि मैं प्रस्तुत कर देता हूं। दूसरी बात यह है कि जो आपत्तिजनक विषय लोगों ने जो उठाए हैं और उनके ऊपर टीका टिप्पणियां, उसमें आप सब विज्ञ हैं, मुझे हर चीज को कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, पर आई थिंक चौथा या तीसरे समुल्लास में जहां नियोग विषय जो आता है उससे संबंधित कई सारी विषय जो है जहां पर और अधिक क्लैरिटी की आवश्यकता है जन सामान्य के लिए, और उनको आजकल के जो आजकल की जो मेडिकल साइंस है उसके साथ रेलेवेंस बनाने के लिए, जैसे स्वामी दयानंद ने नियोग का बताया तो हम आज उसको सरोगेट बेबी से रिलेट कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी से रिलेट कर सकते हैं, ऐसे ही महर्षि के लगभग सभी सिद्धांतों को जो दोनों विषय को अच्छे से जानता होगा वो दोनों को इकट्ठा रिलेट करके ये बता देगा कि ऋषि ने जो कहा है वो है, शायद हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए जो जो भी भ्रांतियां या आपत्तिजनक विषय सत्यार्थ प्रकाश के लिए आए उस उनको हमें इकट्ठा करके और उनकी जो एक्सप्लेनेशन है उसका जो वो सत्य है और क्यों है उसका आधुनिक तरीके से उसको रिलेट करके बताना ये भी एक आवश्यक है, लेकिन वो आपत्तियों का संग्रह हमारे पास होना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश के विरुद्ध कौन से आंदोलन रहे, केस रहे, और उसका निर्णय क्या हुआ,
क्योंकि जितना मैं जानता समझता हूं कि सत्यार्थ प्रकाश के खिलाफ जो भी केस हुए हैं वो केस करने वाले सभी हारे हैं और सत्यार्थ प्रकाश जीता है। तो यदि उस केसेस की स्टडी एक जगह पर हो, जब हम सत्यार्थ प्रकाश के 150 वर्ष मनाए 150 साल बाद, 10 साल बाद अब से, तो ये संग्रह की चीजें एक प्रदर्शनी जो सत्यार्थ प्रकाश की लगे उसके अंदर इसकी महनीयता से रिलेटेड जो भी सामान है वो प्रतिस्थापित ऑलरेडी हो चुका हो तो उसको हम दिखा सके। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश के विरुद्ध कितनी पुस्तकें बनी हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसका भी संग्रह हमारे पास हो तो हम देख सकते हैं कि यदि कोई ऐसी बात है जिसका उत्तर देना आवश्यक है तो आर्य समाज का विद्वत वर्ग, आचार्य वर्ग उसका उत्तर दे सकता है, और पुराने समय में जो भी उसके विषय में छपा है वो सब। तो यदि इस सबका संग्रह यदि हमारे पास है तो हम सबको मिल करके उसको फर्दर समृद्ध करना चाहिए, और यदि नहीं है तो हमें उसको बनाने का प्रयास करना चाहिए। लक्ष्य ये है कि जो सामान्य व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश के विषय में प्रश्न करेगा उसके उत्तर हमारे पास जो आर्काइव्स हैं, जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर हम दे सके, ऐसा प्रयास, उसके लिए प्रिपेयर्डनेस हमको करनी चाहिए। तो इन सुझावों को हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और मिल करके जहां जहां इसमें साथ में काम करना हो हम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मेरा सभी विद्वत मंडल से, आचार्यों से सबसे निवेदन यही है कि पहले भी सत्यार्थ प्रकाश से संबंधित जो भी गलत धारणाएं हैं, भ्रांतियां हैं, उसका उत्तर आप सभी के द्वारा दिया गया है। एक ही चीज जो हमें देखनी है कि जैसे जैसे समय बदलता है लोगों के समझने के तरीके बदल जाते हैं। आज हर व्यक्ति चाहता है कि स्टडी कौन सी की हुई है, रिसर्च कौन सी की हुई है जिससे वो रिलेट कर सके। हर कोई तो ये चाहता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, कि जो सामने प्रत्यक्ष है उसको ही मानना चाह रहे हैं, क्योंकि हम प्रमाणों के भेद को भी नहीं पकड़ते तो प्रत्यक्ष को देखना चाहते हैं। तो कई सारे प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जिसका उत्तर जो नव युवक है, नया वर्ग है, उसको आसानी से नहीं मिल पाता। तो हमें ये देखना है कि उसको जो जिस विषय को वो अच्छे से समझ सके, जिस भाषा को वो अच्छे से समझ सके, उस भाषा में सत्यार्थ प्रकाश के प्रति जो अभी की भ्रांतियां हैं उसको हमारा विद्वत वर्ग या विद्वत वर्ग द्वारा सिखाए गए नव युवक कैसे उसको उत्तर दे सके, जिससे कि इस ग्रंथ की जो क्या बोलते हैं कि फ्लॉलेसनेस, उसमें एक भी कमी नहीं है, इस बात को हम सिद्ध कर सकें लोगों के सामने, ताकि इसको अडेप्टेशन हो सके। एक विषय में और आपके सामने रखना चाहता था कि गीता को जो है वो हम धर्म ग्रंथ काफी लोग मानते हैं। जब गीता का नाम आता है तो भावना और श्रद्धा उसमें उत्पन्न होती है, वेद का आता है तो भी उसमें, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश को यदि हम धर्म ग्रंथ कहना चाहें तो क्या यह ठीक है कि नहीं है, मेरा इसके लिए उत्तर नहीं है। और यदि धर्म ग्रंथ कहना चाहे तो क्या हमारा भाव या औरों का भाव उत्पन्न वैसा हो रहा है उसके लिए जैसा गीता के लिए होता है, और अगर नहीं हो रहा है तो हमें उसके लिए क्या करना है। क्योंकि क्वेश्चन हर जगह यही आता है कि ज्ञान हमारे पास महर्षि दयानंद ने लिख दिया है, हमें जीना कैसे है, यम नियम का पालन कैसे करना है, भक्ष्य क्या होना है, 50 साल में वानप्रस्थ धारण करना है, तो ये सब विषय जो है कितने व्यावहारिक है। और आज की डेट में क्या हम ऐसे 50 या 100 परिवार ढूंढ सकते हैं जो पूर्णतया सत्यार्थ प्रकाश के हिसाब से अपना जीवन जी रहे हो। 50 वर्ष में उन्होंने वानप्रस्थ लिया हो, 75 में संन्यास लिया हो, और उससे पहले सांगो पांग शास्त्रों को पढ़ा हो, क्या उसकी व्यावहारिकता को दोबारा डिफाइन करने की आवश्यकता है, या मुझे किसी को कन्विंस करना हो कि ये संभव है। क्योंकि यदि कोई अपना कार्य कर रहा है, कोई कृषि कर रहा है उसके लिए, और उसने 25 वर्ष में विवाह कर लिया है या उससे पहले विवाह कर लिया है, तो उसके लिए संभवतः ये संभव है कि वो 50 वर्ष में उसकी संतानों की संतानें हो जाएं और वो रिटायरमेंट की बात करे, वानप्रस्थ की बात करे। पर जितना हमारा 99.99% वर्ग है वो 50 वर्ष में रिटायर नहीं हो रहा है। तो वानप्रस्थ हम समय से नहीं ले पाएंगे, जो भी लेना चाहेंगे, पहले तो आपको वानप्रस्थी मिलेंगे ही नहीं, बहुत कम वानप्रस्थी मिलेंगे। तो जो ये गैप है, जो ज्ञान का और क्रिया का जो गैप है, हमें ये देखना है कि ज्ञान व्यावहारिक नहीं है या हमें अपने आप को उसके अनुरूप ढालने का और अधिक प्रयास करना है, लोगों को प्रेरणा अधिक देनी है, इसमें हमें क्या कर्तव्य करना चाहिए। इसमें सभी विज्ञ जनों को, सबको मिल करके, हम कार्यकर्ताओं को और विद्वानों आचार्यों को विचार करना है कि हम इसकी उपादेयता को, इसकी रेलेवेंस को पुनः कैसे स्थापित कर सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश
की जो भाषा है उस समय स्वामी दयानंद ने लिखी थी, और क्योंकि मूल मूल को हमें मूल ही रखना है तो उसकी भाषा को हमने परिवर्तित नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो आजकल का युवक मंडल है, आजकल की जनरेशन है, उसको इस बात को समझाने के लिए हमको सत्यार्थ प्रकाश की अपने अपने शब्दों में व्याख्याएं सार अच्छे से समझ आने वाली हो, सार गर्भित हो, और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए यदि हम कर पाते हैं। देखिए आजकल रील बनती है, रील में एक बहुत ही अट्रैक्टिव विषय को 2 मिनट के लिए रख दिया जाता है, फिर यदि उस विषय में भावना जागृत होती है तो उसको फिर वेबसाइट पे ले आया जाता है कि भाई अब आपको जानना है तो वहां पढ़िए। तो क्या हम सत्यार्थ प्रकाश का विषय अधिक बोधगम्य, सत्यार्थ प्रकाश को और अधिक पॉपुलर बनाने के लिए क्या हम टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करना है। एजुकेशनल आउटरीच जो है, हम जैसे स्कूल का करिकुलम है, गुरुकुलों में तो मुझे लगता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसी न किसी रूप में जब तक छात्र ग्रेजुएट होते होंगे पूरा उनको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा दिया जाता होगा। लेकिन स्कूलों में भी क्या हम ऐसा मूवमेंट कर सकते हैं कि जो जो आर्य समाज द्वारा संचालित स्कूल हैं वहां पर बाल सत्यार्थ प्रकाश की स्टडी को अनिवार्य किया जाए और उसके अंदर उसके एग्जाम्स कराए जाए, बच्चों को प्रेरणा मिले कि भाई ये जीवन प्रभावी ग्रंथ है, अगर आप इसको पढ़ लेंगे जीवन बदलने की संभावना है, और हम उसको हमारे डीएवी स्कूल्स हैं जहां भी हो वहां उनको लगा सकें। इंटरफेथ डायलॉग्स जो हमारे 13वें 14वें समुल्लास है या 12वां समुल्लास है, उसमें जब हम किसी को अच्छी भावना से समझा सकेंगे कि ये इसका जो लक्ष्य है निंदा करना नहीं है, इसका लक्ष्य सत्यार्थ सत्य का प्रकाश करना है, तो उसके लिए आवश्यक यह है कि हम इंटरफेथ डायलॉग्स जो भी अलग अलग मतावलंबी हैं उनके साथ चर्चाएं डिस्कशन, उनके प्रश्नों को सुनना और उनके प्रश्नों का उत्तर देना और उनके कंसर्न को समझना और कंसर्न को एड्रेस करना, तो इंटरफेथ डायलॉग भी हमें सत्यार्थ प्रकाश संबंधित होने चाहिए जिससे कि हम उसके बारे में जो भ्रांतियों हैं उनका निवारण कर सकें। कम्युनिटी एंगेजमेंट है, यूथ एम्पावरमेंट है, पब्लिकेशन एंड ट्रांसलेशन है, जैसे मैंने कहा कि जो भाषा में लिखा हुआ है और उसको आज की भाषा में अगर ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आधुनिक भाषा हो, और भी अधिक जो लोकल भाषाएं हैं उसमें उदाहरण जो है वो लोगों को कनेक्ट करने वाले हों, मूल में परिवर्तित किए बिना यदि ऐसा हो तो सत्यार्थ प्रकाश की जो उपादेयता है उससे जो रिलेवेंस है लोगों को वो अधिक से अधिक लोग ले पाएंगे। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस हैं कि अधिक से अधिक वीडियोस हैं, ग्राफिक्स हैं सत्यार्थ प्रकाश से संबंधित। मुझे लगता है क्योंकि आजकल व्यक्ति जो नया व्यक्ति है वो पहले गूगल से जाकर के पूछता है, तो हमें देखना है कि गूगल पे जो भी सत्यार्थ प्रकाश के वर्जन उपलब्ध हैं, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में जो चर्चा उपलब्ध है वो चर्चा सत्यार्थ प्रकाश के लक्ष्यों से मेल खाती है कि नहीं खाती है। क्योंकि आने वाला युग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, उसमें क्या होगा कि इंटरनेट के ऊपर जो जो भी विषय वस्तु रखी हुई होगी एक विषय से संबंधित वो सारी उस डेटा स्टोर के अंदर, उस बकेट के अंदर दे दी जाएगी। फिर जो सॉफ्टवेयर है उससे यदि पूछा जाएगा कि सत्यार्थ प्रकाश का 4वां समुल्लास क्या कहता है, जो भी कुछ इंटरनेट पे रखा होगा वो 4वें समुल्लास की समरी जो है वो ला करके लोगों को दे देगा। तो यदि हम आर्य समाज के वैदिक धर्म के लोग सत्यार्थ प्रकाश को, वैदिक सिद्धांत को, उसके जो वास्तविक जो सिद्धांत है उसको हम इंटरनेट पे ठीक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं प्रस्तुत करेंगे तो जो आने वाला युग है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, जो गूगल से हर कुछ ढूंढ करके लेता है, उसको सटीक जानकारी, सही जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलने वाली है। पुस्तकों की पहुंच जो है वो लगभग लाखों में हो सकती है लेकिन करोड़ों अरबों में नहीं है, करोड़ों अरबों तक इंटरनेट की और फोन की पहुंच है। तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, डिजिटल क्रांति के माध्यम से जो सार्वभौमिक वैदिक ज्ञान है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पहुंचाना है। वो टेक्स्ट हो सकता है, वो वीडियोस हो सकते हैं, वो ग्राफिक हो सकते हैं, वो पीडीएफ हो सकते हैं, पर उसके लिए हमें तो हमारे जो आचार्य वर्ग बैठे हैं तो हमारे बच्चों बच्चियों को ये ज्ञान और बीज उसमें देना होगा कि जिसको कार्य करना है उसको डिजिटल क्रांति करनी होगी वैदिक सिद्धांत के विमर्श की। ऐसे ही जो ग्रास रूट पर काम होने हैं कि जो हमारे स्टडी सर्कल जैसे बनते हैं, मैंने कई बार देखा है चिन्मय मिशन है वो स्टडी सर्कल चलाता है गीता के, 10-10 लोगों के ग्रुप बनते हैं और एक वॉलंटियर असाइन कर देते हैं लेवल 1 का
और वो उनको गीता सिखाता रहता है और फिर वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। अगर कोई प्रश्न होता है तो एक आचार्य को लेकर के आते हैं और वो गीता के बारे में उनके प्रश्नों का समाधान करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश से या वैदिक सिद्धांत के स्टडी सर्कल हमारे घर घर में या शहर शहर कस्बे कस्बे में यदि हो तो लोगों में सत्यार्थ प्रकाश के प्रति और अधिक जागृति पैदा की जा सकती है, इसका भी हम प्रयास कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स एकेडमिक रिसर्च है, मुझे नहीं मालूम कि सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर मार्शियानी यूनिवर्सिटी है, गुरुकुल कांगड़ी है और अधिक यूनिवर्सिटीज है, उसके अंदर सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर स्टडी कितनी की गई है। और यदि और संभावना हो तो हमारे विज्ञजन उसको देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर इस पर और अधिक रिसर्च कराने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है मेरा समय तो लगभग पूरा हो गया, तो मेरा लक्ष्य प्रवचन का और मेरी बातचीत का यही था कि सत्यार्थ प्रकाश को जन सामान्य में इजीली अडाप्टेबल ग्रंथ बनाने की हम सभी का, कार्यकर्ताओं का, आचार्यों का, विद्वानों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, उस पर हमें विचार और चिंतन करना है। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश की महत्ता हम आप तो सब समझते ही हैं, हमें दूसरों को कैसे जन्माना है और उसको धारण करने में जो जो व्यावहारिक पक्ष है उसका भी चिंतन अवश्य करना है। मेरा भाव ये नहीं है कि हम सत्यार्थ प्रकाश का को बदल दें या उसके अंदर, क्योंकि वेद की जो शिक्षाएं हैं, सत्यार्थ प्रकाश की जो शिक्षाएं हैं वो सार्वभौमिक और सार्वकालिक है, ऐसा हमें मान करके और उसके आधार पर तदनुरूप अपने आप को ढालना, अगर हम नहीं ढल पा रहे हैं तो उसके लिए हमें अपने आप में परिवर्तन कैसे करना है उसकी चर्चा करने की आवश्यकता है, उसके बारे में स्वयं को जागरूक होकर के कमिटेड होकर के करने की आवश्यकता है, ग्रंथ को बदलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि हम लोगों में से लगभग 90-95% लोग सत्यार्थ प्रकाश के हिसाब से आइडियल जीवन जी पाना संभव नहीं मान पा रहे हैं। आर्य समाज के लोग, आप कोई भी उदाहरण देख लीजिए तो मिल जाएगा। तो मुझे लगता है मेरे पास इतनी ही बातें थी कहने की। एक बात छोटी सी, माता जी हमारी जो है अभी जीवित है, माता जी का सानिध्य हमें हमेशा मिलता है, अटलांटा में हम उनके साथ रहते हैं और उनकी शिक्षाएं जो है वो हमें हमेशा प्राप्त होती रहती हैं। पर विषय पे पुनः आता हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश को हम सब लोग स्वामी दयानंद के लिए श्रद्धांजलि यही होगी उनके 200वें वर्ष में, कि सत्यार्थ प्रकाश को पॉपुलराइज करने के लिए, जन सामान्य का ग्रंथ बनाने के लिए हमारे से जो प्रयास हो सकता है मिलजुल करके वो करें, उसमें कोई मतभेद नहीं है, उसमें हमें मिल करके एक दूसरे का सहयोग करने का प्रयास करना है और इसको वास्तव में कालजयी सार्वभौमिक सार्वकालिक ग्रंथ को बनाने में जो भी कर्तव्य हमें करना है मिल करके, आप आचार्यों विद्वानों की प्रेरणा से, प्रोफेसर्स की प्रेरणा से, उनके द्वारा एक क्रांति शुरू की जाए जिसके अंदर इस ग्रंथ के साथ न्याय हो सके, इसका सम्मान विश्व भर में इसको प्राप्त हो सके, इसी भावना के साथ मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे किंचन को सुना और उत्साह दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी, दयानंद एंड हिज लिगेसी, इस विषय पर हम चर्चा करते आ रहे हैं और हर व्यक्ति यहाँ बैठे हुए जितने भी विद्वान हैं, आप शायद देख पा रहे होंगे राजस्थान से 3 लोग हैं, आदरणीय डॉक्टर वेदपाल जी हैं, आचार्य नरेश धीमान जी हैं और प्रोफेसर नीरज शर्मा जी हैं, यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी के वाइस चांसलर बैठे हैं सोमदेव शतांशु जी, इधर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश चंद शास्त्री जी, मेरे साथ बैठे हैं प्रोफेसर शैलेंद्र राज मेहता जी जो हमारे संस्थान के उपाध्यक्ष हैं, आप मैनेजमेंट और अर्थशास्त्र के विद्वान हैं, 3 आचार्याएं बैठी हैं कन्या गुरुकुलों की, प्रियंवदा जी हैं, सूर्या जी हैं और नंदिता जी हैं, भाई ज्वलंत कुमार जी बैठे हैं, डॉक्टर सतीश प्रकाश जी बैठे हैं न्यूयॉर्क से, सूर्य नारायण नंद जी हैं यहाँ ह्यूस्टन से, इंद्राणी जी शायद विश्राम के लिए चली गई हैं, प्रोफेसर चोकसी हैं अहमदाबाद से और डॉक्टर श्री एस के शर्मा जी हैं डीएवी से और प्रोफेसर आरसी सिन्हा हैं पटना विश्वविद्यालय से दर्शन विभाग के, कुछ लोग अभी जा चुके हैं, कुछ कल आएंगे। जैसा आपने इसमें प्रोग्राम में देखा होगा 25 वक्ता हैं और सबने ही बहुत सुंदर ढंग से अपने अपने विषय का प्रतिपादन किया है, लेकिन आपने जिस ढंग जहां उसको ले गए हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में व्यक्ति काम कर रहा है उसी क्षेत्र के बारे में और संभावनाओं के बारे में सोचता है, तो क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र में सक्रिय नहीं हैं ऑनलाइन उसमें, तो हम लोग शायद ये सारी संभावनाएं
सोच नहीं पाए। हालांकि नरेश धीमान जी ने कुछ चर्चा की थी स्वरों के विषय में, उन्होंने नए फॉन्ट्स का निर्माण किया है। तो आपने जो बातें कही हैं सत्यार्थ प्रकाश की ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए, उसकी ट्रेसेबिलिटी को हमें कैसे रिकॉर्ड करना है, पॉपुलैरिटी कैसे उसकी हम आंकें, और किस तरह उसके सारे अनुवाद, सारे संस्करण और उसको पॉपुलर बनाने के लिए डिजिटल मीडिया में हम कैसे सक्रिय हो सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं और ये भविष्य के लिए बहुत अधिक अमूल्य बिंदु हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं लीगेसी पर, अभी तक जो हुआ है या जो महर्षि ने लिखा है उसको पढ़ते पढ़ाते हुए जो हमारे विचार हैं, किंतु आप वो बता रहे हैं जो आगे आने वाली पीढ़ियों में इन विचारों को संक्रांत करने की संभावनाएं हैं। तो इस ओर संकेत करने के लिए आपने जो एजुकेशनल आउटरीच की बात की, इंटरफेस डायलॉग्स की बात की, कम्युनिटी मैनेजमेंट, और सबसे बढ़कर कि व्यावहारिक जीवन में सत्यार्थ प्रकाश के अनुरूप जीवन कैसे जिया जाए, तो मुझे लगता है हम लोग सैद्धांतिक पक्षों पर विचार कर रहे थे और आपने उसे एक व्यावहारिक आयाम प्रदान किया है। तो जो भी लोग आपको सुन रहे होंगे, जो आपको जानते हैं, वे सब बहुत प्रभावित हुए होंगे, जो नहीं जानते वो और ज्यादा प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि एक युवक के मुख से जब ऐसी बातें और अपनी जो टेक्नोलॉजी की आज की भाषा है उस भाषा में जब सुनते हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस की बात सुनते हैं, स्टडी सर्कल की बात सुनते हैं, तो शायद उन्हें और अधिक उसमें रुचि आती है। तो यहाँ बैठे हुए सभी विद्वान सहमत होंगे कि हमें इस दिशा में अवश्य विचार करना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपने ये वक्तव्य दिया है और इसमें जो ये बिंदु उठाए हैं, इनको आप अपने एक लेख के रूप में या अपने सुझावों के रूप में हमें भेज दें, वो इस ग्रंथ में अवश्य छप जाए, ताकि एक तरफ विरासत की बात हो और एक तरफ संभावनाओं की बात हो, भविष्य की बात हो, तभी ये संगोष्ठी सार्थक होगी। और हम सब की ओर से आप अपनी माता जी को हमारा प्रणाम प्रेषित करें, जो संस्कार और जो विचार उन्होंने आप में दिए हैं वो सबको साक्षात दिखाई दे रहे हैं। आप वेद का प्रचार विदेश में बैठकर कर रहे हैं और हम लोग यहाँ अपने ही देश में अपने ही छोटे से समूह में ये चर्चाएं करते रहते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन एक व्यापक क्षितिज पर उसका प्रसार करने का जो आपका विचार है वो सराहनीय है और हम आपको साधुवाद देते हुए इस सभा को जी। एक प्रश्न विश्वजीत जी का रह गया है, जो उन्होंने ये प्रश्न उठाया है कि सत्यार्थ प्रकाश को धर्म ग्रंथ, कुछ ऐसे ही प्रश्न है, कई प्रश्न उठाए हैं, नहीं उसका उसका समाधान होना चाहिए ना जी। जी मैं दो मिनट और ले लूं? जी बिल्कुल ले लीजिए, आप ले लीजिए, आप दो मिनट ले लीजिए। सूर्या दीदी, प्रेमदा दीदी और नंदिता दीदी के पास तो मैं खेला हुआ हूँ बचपन में, तो इनके आगे अच्छा आपने पहले नाम नहीं लिए तो मुझे और हिचक होती। और डॉक्टर चौकसी जी अभी अटलांटा में थे कुछ समय पहले, ज्वलंत जी माता जी के साथ साथ के हैं और उनका सानिध्य हमें मिलता रहता है। जितने भी नाम आपने लिए हैं सभी के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, और जैसे मैंने बताया सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है, तो मैं खुश हूँ कि आपने इन सब का नाम उस समय नहीं लिया। और शायद मैं वीडियो में केवल प्रेमदा दीदी को पहचान पा रहा था, नंदिता दीदी थी क्योंकि वीडियो ब्लरी था, पर मैंने अनुमान लगाया कि उन दोनों में से कोई है। पर सभी को बहुत बहुत विनम्र श्रद्धापूर्ण प्रणाम। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी हैं, सूर्यनंदा जी हैं, ये सब हमारे मार्गदर्शक हैं और आपने मुझे इनकी सभा में बोलने का अवसर दिया है, मैं पुनः उसका धन्यवाद। मुझे लगता है अब हमें सभा को संपन्न करके समय भी हो चुका है और सब क्लांत हो चुके हैं, तो कल प्रातः पुनः नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। कल के कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन है, वो मैं नंदिता जी और शर्मा जी से बात करना चाहूंगी, थोड़ा आपका समय में मैं परिवर्तन करना चाहूंगी। बिल्डिंग का 9 बजे से 9 से 9:30 तक 9 से 9:30 तक।